तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फोर्थ ऑफ क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो ये वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसके अंदर मैंने सारे डेरिवेशंस आपके लिए कवर कर दिए हैं, सारे फॉर्मुलेस मैंने आपके लिए कवर कर दिए हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन चलने वाले हैं जिससे आपका कोई भी पोर्शन, कोई भी टॉपिक ना छूटे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो काफ़ी बच्चों को ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में इसको मैंने समझाया इस वीडियो के अंदर। एक शॉट के अंदर आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमको डिस्कस करना होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो एक नया टॉपिक है, पर एक जो पुराना टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके समझाता हूँ, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसे आपने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया, है ना, कोई आपने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो आप कहोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज जो है अपने सराउंडिंग स्पेस में, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देता हूँ यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई, ठीक है, बाहर निकलती हुई होती है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हुई है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक वैसे ही एक मैग्नेट या कोई भी इन जनरल मैग्नेटिक बॉडी अपने सराउंडिंग स्पेस के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस अराउंड अ मैग्नेटिक बॉडी, कोई भी मैग्नेटिक बॉडी की अपन बात कर रहे हैं इन जनरल, वैसे आप मैग्नेट्स ले सकते हैं, वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट बॉडी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर मैग्नेटिक बॉडी है या कोई मैग्नेट आप मानो एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैग्नेट क्या करेगा, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऐसी एक रीजन प्रोड्यूस करेगा जहां पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जहां पर अगर कोई दूसरी बॉडी आ जाए उस रीजन के अंदर जहां पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकती है, मतलब उस पर हो सकता है उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए, है ना। तो जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर में समझाऊं, तो यहां पर मैंने एक मैग्नेट लिया है, ठीक है, अब ये मैग्नेट क्या कर रहा है, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से ये जो आपका स्टील का ऑब्जेक्ट है ना, ये इसकी तरफ खींचता हुआ चला आएगा, जैसे जैसे ये मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो मैग्नेट है ये इसको कोई रस्सी बांध के तो अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, एक्चुअली में हुआ क्या कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा जिसकी वजह से ये इसकी तरफ खींचता हुआ चला आया, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये कुछ बातें हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो रिप्रेजेंट करते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से, ठीक है, बी वेक्टर। अब मैंने बी वेक्टर बनाया है, बी वेक्टर बनाने का मतलब है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो दोनों चीजें अपन साथ में डिस्कस करेंगे जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। तो बी वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इसकी एसआई यूनिट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट होती है इसकी टेस्ला, आजकल काफी चर्चों में है ना, टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी एसआई यूनिट है। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सीजीएस यूनिट कभी गिवन हो तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी, सीजीएस यूनिट वो होती है गॉस, क्या होती है, गॉस। और अगर आपको कन्वर्ट करना हो, है ना, गॉस को आपको कन्वर्ट करना हो टेस्ला के अंदर, टी के अंदर, तो आप लिख सकते हो 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10^-4 टेस्ला, ठीक है। ये एक बेसिक सा कन्वर्जन है, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है ना, कोई क्वेश्चन में आपको सीजीएस यूनिट गिवन हो तो उसको टेस्ला में कन्वर्ट करके ही आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इसके एसआई यूनिट्स हो गई। अब मैंने आपको इतना बताया था कि जो सोर्सेस होते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के, वो क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, ठीक है, क्या होता है, वो एक मैग्नेट होता है। पर क्या वो एक ही सोर्स है, भाई मैग्नेट से ही क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है, ऐसा नहीं है, इसके कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिंपलेस्ट जो सोर्स है वो तो मैग्नेट ही है ना, एक मैग्नेट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जो दूसरा सोर्स होता है जो इस चैप्टर के अंदर हमको डिस्कशन करना है डिटेल के अंदर, वो है मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज कहने का मतलब ये है कि जब चार्ज मूव करता है तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मूविंग चार्जेस का मतलब क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मूविंग चार्ज का मतलब कहो या फिर आप कहो करंट। भाई मूविंग चार्ज क्या होता है, करंट ही तो होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तभी करंट बहता है, ठीक है, तो मूविंग चार्ज कहो या करंट कहो एक ही बात है।
तो मूविंग चार्ज और करंट भी जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अपने को डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। जो नेक्स्ट है जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, वो है अर्थ, ठीक है। अर्थ, ये जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर। जो नेक्स्ट होगा वो होगा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे T1 टाइम पे, किसी पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, किसी पॉइंट पर T1 टाइम पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, T2 पे E2 हो गई, मतलब वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, चेंज हो रही है, तो टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो अगर टाइम के साथ किसी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना, सारे पॉइंट्स अपन को कवर करने हैं, बट इस चैप्टर के अंदर, इस वन शॉट के अंदर हमको सिर्फ इसके बारे में डिस्कशन करना है, मूविंग चार्ज एंड करंट, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेस हो गए इसके। एक जो बहुत छोटा सा टॉपिक गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, वो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, बिल्कुल वैसे सिमिलर केस है इसका भी। जैसे हम कहते हैं कि अगर कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करना है तो आप क्या करते हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बना देते हो, बिल्कुल उसी तरह अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड आपको डिनोट करनी है तो आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना दोगे, ठीक है। तो इसके दो इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, सिर्फ दो। पहली क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है। कैसा लूप? क्लोज्ड लूप, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से ऐसे लूप बनाया आपने तो ये यहाँ पर आके वापस क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये लूप है, जरूरी नहीं सर्कल हो, कैसा भी लूप हो सकता है, ये भी एक लूप है, ठीक है। तो ये पर क्लोज्ड होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप फॉर्म करती है। अगर आपको याद हो तो जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, वो कहाँ, वो क्या करती है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे चले जाती है बस, ठीक है। पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी, तो मतलब लौट के वापस नहीं आ रही है ना। ये क्या कर रही है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई उसी पॉइंट पर वापस आ रही है, लौट कर क्लोज लूप बना रही है। तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास मैग्नेट के बारे में। तो जैसे मैंने यहाँ पर बार मैग्नेट बना दिया है ना, तो इसके दो पोल्स होंगे नॉर्थ और साउथ। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करती है, ठीक है। कैसे ट्रैवल करती है, साउथ से नॉर्थ। अब इसको कंप्लीट करना है क्योंकि क्लोज लूप बनाती है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हुई तो मान लो यहाँ पे ऐसे गई और बाहर से घूम के वापस इस पॉइंट पर आ गई, तो आप ये मान सकते हो कि जो इनसाइड द मैग्नेट है वो साउथ से नॉर्थ जाती है। और अगर आउटसाइड की बात करो तो आउटसाइड कैसे जा रही है, यहाँ से गई थी तो यहाँ से ऐसे गई तो ऐसे, तो आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से साउथ जाती है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती है, ठीक है। तो आप एनी वे इसको याद रख सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इनसाइड द मैग्नेट वाली थ्योरम ज़्यादा अच्छे से याद रखें कि इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बना सकते हो, ये बना दी, ये बना दी, ये बना दी, ठीक है। ये सारी इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास वो है मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने के काम में आता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही ये किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर आएगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। जैसे अपन वो नापते हैं ना, जैसे डायरेक्शन ढूंढनी होती है अपने को, तो अपन मैग्नेटिक कंपास नीडल की बात करते हैं नॉर्थ साउथ देखने के लिए, ऐसा होता है कुछ ये देखने में ऐसा, ठीक है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, डायल है, ठीक है। तो आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, ठीक है। तो अब अगर कोई भी मैग्नेट है, अगर कोई भी एक मैग्नेट है, तो अगर इस मैग्नेट के पास, अगर इस मैग्नेटिक कंपास को लेके जाओगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट है, मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप इस मैग्नेटिक कंपास को लेके जाओगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। सिंपल सा प्रोसेस है ना। पर ऑरेस्टेड ने क्या ऑब्जर्व करा, ऑरेस्टेड ने ऑब्जर्व ये करा, ऑरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जैसे अगर कोई करंट है ना, कोई एक वायर है जिसके अंदर से करंट बह रहा है, ठीक है, मान लो आई करंट इसमें से बह रहा है, तो वो कहते हैं कि अगर आप मैग्नेटिक कंपास को, अगर आप मैग्नेटिक कंपास को इसके पास लेके जाएंगे, अगर आप मैग्नेटिक कंपास को इसके पास लेके जाएंगे तो फिर भी ये डिफ्लेक्शन शो करता है, फिर भी ये डिफ्लेक्शन शो करता है। तो उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, क्योंकि मैग्नेट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, तो फिर भी डिफ्लेक्शन शो क्यों कर रहा है। तो उन्होंने सिंपल सी कैलकुलेशन करी, उन्होंने बोला देखो यार सिंपल सी बात है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है तो अपन ने बनाया है ना, तो ये तो कब डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये डिफ्लेक्शन जब शो करेगा जब इसमें इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो तार है,
ये तार जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो ये कहीं ना कहीं ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो उन्होंने कुछ और ऑब्जर्वेशंस करे, उन्होंने करा क्या करा, उन्होंने करंट को बंद कर दिया, करंट को उन्होंने जीरो कर दिया, तो डिफ्लेक्शन भी जीरो हो गया, डिफ्लेक्शन भी जीरो हो गया। उन्हें करंट को इंक्रीज करा तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हुआ, करंट को डिक्रीज करा तो डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज हो गया। तो उन्होंने कहा कि यार करंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने कंक्लूड करा कि करंट कैरिंग जो वायर होता है वो भी अपने सराउंडिंग स्पेस के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। आप इस फिगर से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी ये जो सर्किट है ये ओपन है ना, ये सर्किट क्या है, ये ओपन है। ठीक है, तो अभी ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे अपनी जो ये मैग्नेटिक ये नीडल है ना। इसके बाद जैसे आप सर्किट को क्लोज करोगे तो इसमें से करंट बहेगा, जैसे ही करंट बहेगा ये देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर दिया इसने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी इस करंट की वजह से, तभी वो डिफ्लेक्शन आया। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, ही कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्जेस और करंट्स प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। ठीक है, ही कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्जेस और करंट्स प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। अब कितनी प्रोड्यूस करता है, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है, वो हम सब आगे देखेंगे बायोट सावर्ट्स लॉ के अंदर। ठीक है, अभी सिर्फ हमको पता चला है कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने पास चैप्टर डिवीजन। अब देखिए इस चैप्टर को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होगा आपका जिसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन होगी। ठीक है, और आपको कोई मूविंग चार्ज उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा या कोई करंट कैरिंग वायर आपको उसके अंदर रख दिया जाएगा, उसके इफेक्ट्स आपको देखने में मदद होगी। ठीक, और जो सेकेंड पार्ट है इसका, जो सेकेंड हाफ है इस चैप्टर का, उसके अंदर आपको एक करंट कैरिंग वायर गिवन होगा। ठीक है, उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी। तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और उसके इफेक्ट्स अपन देखेंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन जब चल रहे हैं तो अपन फर्स्ट पार्ट कौन सा डिस्कस करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑलरेडी गिवन है। तो उसके कन्वेंशंस आपको याद होने चाहिए, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो बात करती है ना, जैसे हॉरिजॉन्टल मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दी, ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको मैं। बट यहाँ पर दो साइंस और हैं, कौन से, पहला है क्रॉस, क्रॉस फील्ड, फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस फील्ड, या फिर इसको बोल सकते हो आप इनवर्ड। इसका मतलब क्या है, क्रॉस फील्ड का मतलब कि आप अपनी स्क्रीन को एक तरह से प्लेन मानो, तो आपकी स्क्रीन के मतलब आपसे दूर जाती हुई परपेंडिकुलर, स्क्रीन के परपेंडिकुलर कोई लाइंस अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रही है, आपसे दूर जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस फील्ड। इसको कैसे बनाते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, क्रॉस के साइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा सिंगल ऐसा सिंबल आपको दिख जाए, है ना, कौन सा वाला, इस टाइप से क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो आपको समझ जाना है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके फोन के अंदर जा रही है परपेंडिकुलरली। ठीक है, क्रॉस का मतलब ये हो गया। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, अगर विजुलाइज करें अपन, तो जैसे ये आपकी फोन की स्क्रीन है, फोन की स्क्रीन है, तो कैसे जा रही है, ये आ रही है बाहर से ऐसे और अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे बाहर से आ रही है अंदर की तरफ जा रही है, तो ये हो गई क्रॉस फील्ड। ठीक है, सेकेंड कौन सी होगी, सेकेंड होगी डॉट, डॉट फील्ड, या हम कह सकते हैं आउटवर्ड, तो नाम से समझ में आ रहा है, बाहर की तरफ आती हुई, आपकी तरफ आती हुई, मतलब आपकी स्क्रीन से परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है जो आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, डॉट ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकलते हुए आ रही है स्क्रीन से। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर आप विजुलाइज करो उसको, तो ऐसे हो सकता है, ये आपकी स्क्रीन है, तो कैसे जाएगी, ऐसे यहाँ से नीचे से आई और ऊपर से आपकी तरफ आ गई, ये नीचे से आ रही है और आपकी तरफ ऐसे आ रही है, स्क्रीन से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये डॉट फील हो गई। तो आपको क्वेश्चंस में हमेशा ऐसी ये फिगर्स बनी हुई आएगी, हमेशा डॉट, ये क्रॉस, ऐसे बने हुए आएंगे, तो आपको अपने आप समझना है कि इनका मतलब क्या है। क्रॉस का मतलब अंदर जाना, डॉट का मतलब है बाहर आना। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल और वो वर्टिकल तो अपन बना ही देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी रिप्रेजेंटेशन की। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे अपन डिस्कस कर रहा था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है ना,
उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एक चार्ज को एंटर करवा रहे हो, तो उस चार्ज पे ये देखा गया कि उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। बस इसी फोर्स को अपने को फाइंड आउट करना है, इसी फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखा है, व्हेन अ चार्ज एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन। तो साइंटिस्ट को ढूंढने लगे कि जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है ताकि इसका फॉर्मूला बन सके। ठीक है, तो उन्होंने पता लगाया, उनको ये पता लगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे जैसे आप जो आपका पार्टिकल आपने एंटर करवाया उसका चार्ज आप इंक्रीज करते जाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी इंक्रीज होगी। मतलब क्या है, जैसे आप चार्ज को बढ़ाओगे वैसे ही आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है, FM से इसको डिनोट करता हूँ मैं मैग्नेटिक फोर्स को, वो भी बढ़ेगा। तो इसको साइंटिस्ट ने कहा कि इसका मतलब ये है कि FM जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू के। जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा वैसे वैसे FM भी बढ़ेगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये हुई कि अगर आप उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा है, उसको आप बढ़ाओगे तो FM फिर बढ़ेगा, FM फिर बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के। ये वी क्या है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट उन्होंने नोटिस करा कि जो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप उसको भेज रहे हो, अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाओगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दोगे, इसके बाद भी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। क्या, FM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये भी पाया गया। चौथा उन्होंने बोला कि जो आपका FM होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइन थीटा के। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, इज एन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो वो उसके भी प्रोपोर्शनल है। तो अभी सब प्रोपोर्शनल है, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, फाइनल इक्वेशन क्या आ गया अपने पास, FM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किस के, क्यू के प्रोपोर्शनल था, वी के प्रोपोर्शनल था, बी के प्रोपोर्शनल था और साइन थीटा के प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ से अपन प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, FM इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, वो आ जाएगा के इंटू क्यू वी बी साइन थीटा। अब फॉर्चुनेटली जब ये के की वैल्यू निकाली गई, इस प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है ना, इसकी कुछ वैल्यू होगी, तो जब इसकी वैल्यू निकाली गई तब ये वन निकल कर आई। क्या निकल कर आई, वन निकल कर आई। तो आप सीधा बोल सकते हो कि जो FM की वैल्यू आई, जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आई, वो आई क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा, ये कब है, जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एक मूविंग चार्ज को एंटर करवा देते हो। तो कौन सा फॉर्मूला आता है आपका, मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब कोई समझदार बच्चा होगा तो ये बोलेगा, सर आपने मैग्नेटिक फोर्स तो निकाल लिया, क्या लिखा, वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू वी बी साइन थीटा। सर ये तो मैग्नीट्यूड हुआ बस। अब क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये फोर्स तो क्या होती है, ये वेक्टर होती है, ये क्या होती है, एक वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन भी तो होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो वो कैसे निकालेंगे। तो जो दिमाग वाला बच्चा है वो सोचेगा कि देखो यार यहाँ पर क्यू वी बी साइन थीटा लिखा है, तो अगर कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो पी क्यू साइन थीटा, ठीक है, तो इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो क्या, पी क्रॉस क्यू, भाई इसी की वैल्यू तो यही होती है, पी क्रॉस क्यू की वैल्यू क्या होती है, पी क्यू साइन थीटा। यहाँ पे पी भी वेक्टर है, क्यू भी वेक्टर है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर वी भी साइन थीटा लिखा है, वी भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू वी क्रॉस बी। तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला बन के आ गया, क्या आ गया फॉर्मूला, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। आपके पास एक इक्वेशन भी आ गई, ठीक है, और इसको खोल दोगे क्यू वी बी साइन थीटा फिर से आ जाएगा। अब आपको डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इस वी क्रॉस बी से, तो डायरेक्शन कैसे निकलती है इसकी, डायरेक्शन निकलेगी राइट हैंड रूल से। ठीक है, राइट हैंड रूल से। तो काफ़ी बच्चों को तो ये पता होगा, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है वो सीख लें, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर आपको इस रूल को अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्शंस पूछी जाएगी। ठीक, तो जैसे अपन किसी दो वेक्टर्स की बात करते हैं ना, कि जैसे मैंने पी क्रॉस क्यू वेक्टर करा, ठीक है, तो आपको पता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे अपने को तीसरा वेक्टर मिलता है, आर वेक्टर। ठीक है, पी क्रॉस क्यू करने पे आर वेक्टर आपको मिल गया। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर आपको दो वेक्टर्स वी क्रॉस बी करने पर आपको तीसरा वेक्टर मिल रहा था फोर्स का वेक्टर, वैसे ही यहाँ पर आपको पी क्रॉस क्यू करने पे आर वेक्टर मिल रहा है।
ठीक। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें? डायरेक्शन निकालने का क्या है, राइट हैंड रूल। अब देखो, अगर आपको ऐसा कुछ गिवन है, मतलब आपको गिवन है कि ये पी वेक्टर है, ठीक है, ये पी वेक्टर आपको गिवन है, और आपको क्यू वेक्टर ऐसा गिवन है, क्यू वेक्टर आपको ऐसा गिवन है। अब आपको पी क्रॉस क्यू निकालना है, पी क्रॉस क्यू ये आपको निकालना है। तो कैसे आप निकालोगे इसको? देखो, इसमें राइट हैंड रूल लगाना है। अब आपको ये ध्यान रखनी है ये चीज़ कि जब भी अपन ये रूल लगाएंगे ना, इसके अंदर फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पी क्रॉस क्यू कर रहा हूँ, तो ये क्यू क्रॉस पी के इक्वल नहीं है, ठीक है, पी क्रॉस क्यू क्यू क्रॉस पी के इक्वल नहीं है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि इसके अपोजिट होता है, पर ये इक्वल नहीं है, तो उसको भी छोड़ो। यहाँ पर पी क्रॉस क्यू है, तो मैं इसको बोलूँगा ये अपना फर्स्ट वेक्टर है और ये अपना सेकेंड वेक्टर है। तो जो फर्स्ट वेक्टर होता है ना, इसकी तरफ आप फिंगर्स को पॉइंट करते हैं, फिंगर्स पॉइंट, ठीक है, आपको फिंगर्स को इसकी तरफ पॉइंट करना है, जिस डायरेक्शन में पी है उस डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को पॉइंट करना है। फिंगर्स पॉइंट मतलब ये फिंगर्स हैं आपकी, ये फिंगर है, तो आप पॉइंट कर सकते हो। जैसे मान लो कि इस डायरेक्शन में, जैसे मान लो कि आपका पी वैक्टर इस डायरेक्शन में, तो आप फिंगर्स को ऐसे पॉइंट कर दिया हमने, क्योंकि पी वैक्टर की डायरेक्शन ऐसी है, तो आप फिंगर्स को ऐसे पॉइंट कर रहे हो। आप फिंगर्स पॉइंट करने की बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है, अभी भी ऐसे पॉइंट कर रहा है पी पॉइंट को, है ना, अभी भी है फिंगर्स उसी पी की डायरेक्शन में, अभी भी पी की डायरेक्शन में, तो बहुत सारे ओरिएंटेशन हो सकते हैं जिसके अंदर ये पी को डिनोट कर रही है। तो किस में रखना है? ऐसे रखना है, 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 ऐसे रखना है। वो कैसे डिसाइड होगा? वो होगा सेकेंड वैक्टर से डिसाइड। किससे? सेकेंड वैक्टर से। कैसे? सेकेंड वैक्टर जो होता है ना, उसकी तरफ आपको फिंगर्स को फोल्ड करना है, फिंगर्स फोल्ड, ठीक है। आप अपना हाथ ऐसे ओरिएंटेशन में रखोगे ताकि आपकी जो फिंगर्स हैं वो पी की तरफ तो डायरेक्शन हो, और वो फोल्ड किसकी तरफ हो, वो दूसरे वेक्टर की तरफ फोल्ड हो। तो जैसे अपन यहाँ की बात करते हैं, अभी पी वेक्टर आपका ऐसे है, ठीक है, और क्यू वेक्टर आपका ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये एक प्लेन में है। अब देखो, अब मुझे पी क्रॉस क्यू निकालना है, तो पी मेरा फर्स्ट वेक्टर है जिसकी तरफ मैं फिंगर्स को पॉइंट करूंगा, तो मैंने फिंगर्स को पॉइंट करा। अब मैं फिंगर्स पॉइंट कैसे भी कर सकता हूँ, देखो, जैसे ये फिंगर्स मैंने पॉइंट कर दिया, पी वेक्टर इसी डायरेक्शन में, तो मैंने फिंगर्स ऐसे पॉइंट कर दी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कैसे भी फोन कर सकते हो, क्योंकि वो पी के डायरेक्शन ही डिनोट कर रही है हर चीज, ठीक है। अब सेकंड वेक्टर की तरफ अपने को घुमाना है, तो ऐसे पॉइंट करनी पड़ेगी, है ना, कि ताकि वो सेकंड पॉइंट की तरफ घूमे। तो क्या मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, क्या अगर मैं अगर ऐसे रखता हूँ, अभी भी पी की तरफ पॉइंट कर रही है, तो अगर मैं ऐसे रखूंगा अपना हाथ पी की तरफ पॉइंट करते हुए, तो क्या मैं क्यू की तरफ घुमा सकता हूँ अपने फिंगर्स को? नहीं घुमा सकता, क्योंकि अंदर की तरफ घूम रही है, पर पी वेक्टर जो क्यू वेक्टर है वो तो ऊपर है, ठीक है, तो ये तो मतलब नहीं है इसका। तो अगर मैं ऐसे रखूं, अभी भी ये क्या कर रही है, अभी भी ये पी की तरफ मैं पॉइंट कर रहा हूँ अपनी फिंगर्स को, अब मैं अपनी फिंगर्स घुमाता हूँ, ये मेरी घूमी, तो क्या ये क्यू की तरफ पॉइंट कर रही है? नहीं कर रही है, क्योंकि क्यू इस साइड नहीं है, क्यू तो उल्टी साइड है। तो मुझे हाथ ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे। अब अभी भी ये पी की तरफ क्या कर रही है, पॉइंट कर रही है, और घूम किसकी तरफ रही है, क्यू की तरफ, जो अपना सेकंड वेक्टर है उसकी तरफ घूम रही है। तो जो आपका थंब का डायरेक्शन आया, जो आपका थंब का डायरेक्शन आया, देख रहा हूँ आपके निकलता हुआ आ रहा है, स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ आ रहा है अपना थंब, है ना, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये किसकी डायरेक्शन होगी, पी क्रॉस क्यू की डायरेक्शन होगी। तो क्यों रखा मैंने हाथ ऐसे, पॉइंट करा पी की तरफ, क्यू की तरफ घुमा दिया। तो ऐसा ओरिएंटेशन जिसमें आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, वैसे आपको रखना है। और थंब का जो डायरेक्शन होगा, जो थंब का डायरेक्शन होगा, वही क्या होगा आपका फाइनल डायरेक्शन होगा, ठीक है। दो बातें और ध्यान में रखने वाली हैं कि जैसे हमने पी क्रॉस क्यू करा, यूं करा, तो आपका जो फिंगर, जो आपका थंब है, वो बाहर निकलते हुए आ रहा है, तो मतलब ये परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि पी वेक्टर, जो आर वेक्टर अपना रिजल्टेंट वेक्टर आया है, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और आर वेक्टर जो है वो क्यू वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो समझ लो इस चीज़ को कि अगर आप पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर करते हैं तो आर वेक्टर निकल कर आता है, तो इसके अंदर जो आपका आर वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, पी वेक्टर के, एंड जो आपका आर वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, क्यू वेक्टर के, ठीक है। तो ये बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है, ऐसे हो गया। अब बिल्कुल वही सिमिलर केस है, यहाँ पर क्या है, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। अब हो सकता है ना, जैसे जैसे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसे बना दी, इस डायरेक्शन में बना दी, और मैंने जो वेलोसिटी है वो ऐसे दी है ऊपर की तरफ, ये 90 डिग्री है बीच में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऊपर की तरफ। अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, फोर्स की मुझे डायरेक्शन निकालनी, तो कैसे निकालूंगा भाई? वी पहला वेक्टर है, तो पॉइंट किसकी तरफ करना है, वी की तरफ पॉइंट करना है, तो वी की तरफ मैंने पॉइंट कर दिया ऐसे,
सबसे पहले ऐसे वी की तरफ पॉइंट कर दिया क्योंकि फर्स्ट वेक्टर है। अब मुझे ऐसा करना है कि ये बी की तरफ घूमे, मेरी फिंगर्स बी की तरफ घूमे, तो मैं अगर ऐसे कर दूंगा तो क्या ये बी की तरफ घूम रही है ना, अभी भी वी के डायरेक्शन में है, वी की तरफ पॉइंट कर रही है और बी की तरफ घूम भी रही है ना, इस तरफ घूम रही है राइट हैंड साइड, तो ये बी राइट हैंड साइड में ही है। तो जो आपका थंब है तो आपको पता चल रहा है थंब आपका नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो मतलब स्क्रीन के अंदर जाता तो क्या क्या बोलते हैं अपन उसको, क्रॉस, मतलब अंदर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है। जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी, जो डायरेक्शन होगी, वो किस डायरेक्शन होगी, अंदर जाती हुई होगी, तो क्रॉस होगी। क्या बात समझ में आई, अंदर जाती हुई होगी, क्रॉस, क्रॉस डिनोट करते हैं, तो क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर जा रही, इनवर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर है ना। अच्छा अब ये बात तो हो गई, यहां से अपन एक और चीज निकाल सकते हैं, क्या ये निकाल सकते हैं कि जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था एफ जो होता है मैग्नेटिक फोर्स, वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। तो जैसे पी क्रॉस क्यू अपन निकालते तो आर वेक्टर उसके पी की परपेंडिकुलर आता है, क्यू की भी परपेंडिकुलर आता है, वैसे ही यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मैं, अगर वी क्रॉस बी है और रिजल्टेंट है एफ वेक्टर, तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ वेक्टर जो है वो 100% वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और एफ वेक्टर जो है वो 100% वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि हर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, इसमें जितने भी फॉर्मुलेस बनने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, सबके सब इसी फॉर्म में होंगे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है। तो आपको राइट हैंड रूल अच्छे से लगाना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जो एफ है आपका वो परपेंडिकुलर किसके, वी के, और एफ किसके परपेंडिकुलर है, बी के। अब इससे इंटरेस्टिंग पॉइंट अपन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि जैसे अगर आप वर्क निकालो, अगर आप वर्क निकालो तो वर्क कैसे निकालोगे भाई, आपको पता है वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, एफ डॉट एस। अब मैं मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल रहा हूँ, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ एस कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ और एस, है ना, एफ और एस के बीच का एंगल। अब आपको एस तो पता नहीं, आपको पता नहीं कि सर वो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर वो पता नहीं मूविंग जो चार्ज है वो कैसे कौन सा पाथ ट्रेवल करेगा, तो मुझे इसका डायरेक्शन पता नहीं है। तो मैं कहूँगा आपको वेलोसिटी का पता है क्या, तो बोलो हाँ वेलोसिटी का तो अभी डिस्कशन करा था, देख लेते हैं। तो वेलोसिटी के बारे में निकालते हैं। अब आपको एक पॉइंट यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि आप जिस डायरेक्शन में चलते हो ना, जैसे एस आपकी इस डायरेक्शन में, जो आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपकी वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी भाई, आप जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में तो आप जा रहे हो, तो एस और वी की डायरेक्शन सेम होती है, ये फैक्ट है ना कि एस और वी की डायरेक्शन सेम होती है। तो अगर मान लो आपको क्या निकालना था, आपको ओरिजिनल निकालना था एस वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल, आपको ये वाला एंगल निकालना था, तो आप ये कह सकते हो कि सर ये जो एस वेक्टर है ये भी वी वेक्टर के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, मतलब एस और वी के डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो मैं एफ और एस के बीच का एंगल निकालूं या फिर मैं एफ और वी के बीच का एंगल निकालूं, बात सेम ही है, मतलब ये भी थीटा होगा और ये भी क्या है, ये भी थीटा होगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि एफ और वी के बीच का एंगल निकाल लूं, एफ और वी के बीच का एंगल निकाल लूं, और अभी अपन ने डिस्कस करा था कि एफ इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है, एफ इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि एफ इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है थीटा, वो कितना है, 90 डिग्री है, मतलब एफ और वी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा 90 डिग्री आया आपका, थीटा 90 डिग्री आया, इसका मतलब यहाँ पर कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 होती ये हो जाएगा 0, और वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन हो जाएगा आपका 0, वर्क डन कितना हो जाएगा 0, वर्क डन आ गया आपका 0। क्या बात समझ में आई, वर्क डन आ गया आपका 0, क्योंकि एफ और वी क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसी पावर की बात भी कर सकते हो, पावर, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन क्या है, 0 है, 0 अपॉन टाइम, ये भी 0 हो गया, तो वर्क डन और पावर दोनों 0 है। तो आपको अगर कोई पूछे कि मैग्नेटिक फोर्स कितना वर्क डन करता है एक मूविंग चार्ज पे, तो वो 0 वर्क करता है। क्या बात समझ में आई। यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर सकते हैं, कैसे बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, देखो आपको याद होगा, आपने अगर 11th क्लास अच्छे से पढ़ी है, तो हमें एक थ्योरम लिखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम जिसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, ये होता है। टोटल वर्क डन कितना है, 0 है, अभी निकाला है, तो इसका मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो मतलब चेंज नहीं हुई है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 का मतलब क्या है, कोई काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हुआ ही नहीं, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी कॉन्स्टेंट है,
वो आपकी कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना, ये अपन ने अभी प्रूफ करा है। तो इसमें से हाफ तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, एम वैसे भी क्योंकि एक पार्टिकल की बात हो रही है तो उसका मास तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी, मतलब इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी भी आपकी कांस्टेंट होगी। अब यहाँ पर अगर आपने वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, स्पीड, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये स्पीड है, स्पीड आपकी कांस्टेंट है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक डायरेक्शन होती है, एक मैग्नीट्यूड होती है। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ना, पर वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन भी है तो डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही होगी, है ना। तो वेलोसिटी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही तो वो कांस्टेंट कैसे हो सकता है, पर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, हम बात करते हैं अब मैक्सिमम मिनिमम फोर्सेस की। मान लो कि आपके पास जो फॉर्मूला था वो था एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस पी, ठीक है। इसको आपने ऐसे लिख दिया क्यू वी बी साइन थीटा। अब आप निकालने चलने पड़े कि जो आपका फोर्स है वो कब कब जीरो होगा। तो आप बोल सकते हो सर एक एक करके जीरो कर दो, क्यू को ही जीरो कर दो, मतलब कोई चार्ज नहीं है पार्टिकल पे, पार्टिकल पे कोई चार्ज ही नहीं, तब भी कोई फोर्स लगेगा क्या, फोर्स नहीं लगेगा। अगर किसी पार्टिकल पे चार्ज ही नहीं है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद वेलोसिटी जीरो कर दो, मतलब वेलोसिटी जीरो करने का मतलब क्या है कि आपका जो पार्टिकल है वो स्टिल है, मतलब रेस्ट पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी वेलोसिटी जीरो है तो भी फोर्स नहीं लगता, तो वेलोसिटी होना जरूरी है। इसलिए अपन बोलते थे मूविंग चार्जेस, है ना, अपन चार्ज नहीं बोलते थे, अपन मूविंग चार्ज बोलते हैं। तो फोर्स को लगने के लिए वेलोसिटी का होना जरूरी है, मूव का मूव चार्ज को मूव करना जरूरी है, ठीक है। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि अपने को करना पड़ेगा उसको। अच्छा बी, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दोगे तो फिर क्वेश्चन ही क्या हुआ भाई, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन तो मैग्नेटिक फील्ड तो 100% होगी, ठीक है। और साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा अगर जीरो हो जाए तो भी बात बन जाएगी, तब भी फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। साइन थीटा जीरो कब होता है, साइन थीटा जीरो दो लोकेशंस पे होता है, एक तो होता है 0 डिग्री पे, एक होता है 180 डिग्री पे, एक होता है 180 डिग्री पे। इसका मतलब क्या है, अगर 0 डिग्री पे है, अगर 0 डिग्री पे, इसका मतलब है कि ये जो साइन थीटा होता है इसमें थीटा क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो 0 डिग्री एंगल है, इसका मतलब है वेलोसिटी और जो बी है वो क्या है, वो पैरेलल है, सेम लाइन के अंदर है, पैरेलल। और 180 डिग्री का मतलब क्या है, वेलोसिटी और जो बी है वो क्या है, वो एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो जब भी वेलोसिटी और बी पैरेलल होंगे तब भी फोर्स नहीं लगेगी, और जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल होंगे, मतलब वेलोसिटी ऐसे है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे है, एंटी पैरेलल होंगे ना, 180 डिग्री होंगे या बीच में एंगल, ठीक है, तब भी आपका फोर्स जो है वो जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये मिनिमम फोर्स होगी। अब हम बात करते हैं अगर मैक्सिमम फोर्स मुझे निकालना हो उसकी कंडीशन क्या होगी, फोर्स मैक्सिमम। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्यू की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम वेलोसिटी वो भी, मैग्नेटिक फील्ड वो कितना भी इंक्रीज कर सकते हो। जो फैक्टर है वो क्या है, वो है साइन थीटा, इसकी लिमिट है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा, फोर्स मैक्सिमम निकालना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर हमको साइन थीटा को 1 करना है तो थीटा को क्या रखना पड़ेगा, 90 डिग्री रखना पड़ेगा। तो 90 डिग्री रखना है तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस केस के अंदर आपका जो फोर्स आता है वो मैक्सिमम निकल के आता है, ठीक है। तो ये केस हो गया अपना किसका, मैक्सिमम फोर्स का। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो पाथ होगा वो किस शेप का होगा। तो नेक्स्ट फिगर अपने पास ये है, यहां पर क्या है, आपको एक डॉट मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है। डॉट का मतलब है आपकी तरफ बाहर निकलती हुई आ रही है स्क्रीन के बाहर बिल्कुल परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी जो है वो आपको स्क्रीन के बिल्कुल सरफेस पे गिवन है ऐसे, जो हॉरिजॉन्टली जा रही है। तो आपको यहां से पता चल रहा होगा कि जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। अब आपको फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो फोर्स ऊपर निकालेंगे, चलो क्यू वी भी साइन थीटा से निकल जाएगा मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन निकालनी है कि इसका पाथ क्या होगा, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई, वी क्रॉस बी है तो वी पहला वैक्टर है तो उसकी तरफ पॉइंट करना होगा, वी पहला वैक्टर है तो उसकी तरफ पॉइंट करना होगा। तो वी किधर है, वी है इस साइड में, है ना, ऐसे है तो वी की तरफ पॉइंट कर देता हूँ मैं, ये वी की तरफ मैंने पॉइंट कर दिया, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना सीधा, यूँ जा रहा है तो वी की तरफ मैंने पॉइंट कर दिया।
और बी के तरफ मुझे घुमाना है ना। सेकेंड वेक्टर क्या है, वी क्रॉस बी, सेकेंड वेक्टर है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर कहाँ है, बाहर की तरफ, तो मुझे बाहर की तरफ अपनी फोल्ड फिंगर्स को फोल्ड करना है, तो वी ऐसे रख है ना, क्योंकि वी ऐसे जा रहा है और बी मैंने ऐसे घुमा दिया इसको बाहर की तरफ, ठीक है। तो जो थंब का डायरेक्शन आया वो क्या है, ऐसे आया इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फोर्स लग रही होगी वो कैसे लग रही होगी, वो ऐसे लग रही होगी। क्या बात समझ में आई, कैसे डायरेक्शन निकाला, आप साथ साथ करके देखो तभी समझ में आएगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो वी क्रॉस बी, तो यहाँ पे एफ एम, अब देखो फोर्स, अगर आपको कोई नीचे की तरफ खींच रहा है ना, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रही है, इसका मतलब आपको कोई नीचे की तरफ खींच रहा है ना, ऐसे कोई पुल कर रहा है आपको नीचे की तरफ, तो पुल कर रहा है दूसरा डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, क्योंकि आपको क्या मतलब को खींचता जा रहा है ना, वो ऐसे खींचता जा रहा है, वो यूं यूं खींच रहा है ऐसे नीचे से, तो आप किस में झुकते जाओगे, नीचे की तरफ झुकते चले जाओगे, ठीक है। अब अगर मैं इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ है ना, जैसे मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया, मान लो माइनस क्यू नॉट, मैंने ये चार्ज दिया, उसको भी वेलोसिटी मैंने दे दी वी इस तरफ, ठीक है, ये भी इस तरफ दी, अब डायरेक्शन निकालो उसका, भाई वी अभी भी इस तरफ है तो वी वापस ऐसे रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, तो ऐसे घुमाया, डायरेक्शन कहाँ है, ऐसी आई, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी आनी चाहिए, वो ऐसी ही आनी चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन कैसी आनी चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स की वो ऐसी आनी चाहिए, पर क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है तो फोर्स क्या लगेगी, उल्टी लगेगी, जैसे नेगेटिव अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना क्यू डॉट ई, तो नेगेटिव होता था अगर चार्ज तो माइनस क्यू ई हो जाता था, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता था, तो जो एफ एम है ये किसकी वजह से आया, ये पॉजिटिव चार्ज के रेफरेंस में आया है, अपने को निकालना है नेगेटिव की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज का अगर नीचे लगता है तो जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, आ कैसे रहा था नीचे की तरफ डाउनवर्ड में, पर क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर साइन, उसलिए वो ऊपर लगेगा, अपोजिट हो जाएगा, तो आपका जो एफ एम लगेगा इस चार्ज के लिए माइनस क्यू नॉट के लिए, वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, अब आपको कोई ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है तो आप कैसे जाओगे, आप ऐसे चले जाओगे यूं, तो क्या समझ में आ रहा है कि पाथ कैसे होंगे, पाथ ऐसे होंगे, ठीक है। तो वी आपको दिया है परपेंडिकुलर किसके, बी वेक्टर के, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, तो हम जब फॉर्मूला लिखते थे एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो इसके अंदर थीटा क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका 1, तो आपका जो एफ आएगा वो कितना आएगा क्यू वी बी, तो इस केस के अंदर है ना, इस केस के अंदर अपना जो एफ फोर्स निकल कर आएगा वो कितना आएगा क्यू वी बी, क्योंकि साइन थीटा 1 हो चुका है, ठीक। अब ऐसा इसका डायग्राम बना देते हैं, वी जहाँ पर बी के परपेंडिकुलर हो, कैसे बनाएंगे, ऐसे बन जाएगा, अगर मैं क्रॉस फील्ड बनाऊँ, ये क्रॉस बना दिया मैंने क्रॉस फील्ड, ठीक है, ये अंदर जा रही है बिल्कुल परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, स्क्रीन के बिल्कुल अंदर परपेंडिकुलरली, और मैं वेलोसिटी ऐसे रख रहा हूँ इसकी चार्ज की, प्लस क्यू नॉट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो दिखाई दे रहा है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गई, ठीक। तो अगर इसका डायरेक्शन निकालना चाहें, डायरेक्शन कैसे आएगा, डायरेक्शन आ जाएगा आपके पास, अब देखो वापस जो आपका V है, V की तरफ, V क्रॉस B करता है ना, तो V क्रॉस B, तो V आपका पहला वेक्टर था उसकी तरफ पॉइंट करो, ये पॉइंट कर दिया, ठीक है, ये अपने पॉइंट कर दिया, अब B की तरफ घुमाओ, B कहाँ है, नीचे की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्या ऐसे घुमाऊंगा तो मतलब है क्या, नहीं, तो मुझे हाथ ऐसे रखना पड़ेगा, मुझे हाथ ऐसे रखना पड़ेगा, अब ये अभी भी V की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्योंकि V इस डायरेक्शन में, तो अभी भी ये V की तरफ पॉइंट कर रहा है, और अब मैं जब फिंगर्स को घुमाऊंगा तो ये बी अंदर की तरफ जा रही है फिंगर्स है ना, और बी भी कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो जैसे मैं घुमाऊंगा इसको अंदर, यूं करूंगा मैं, तो जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो आपकी जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी एफ एम, तो पाथ कैसा होना चाहिए, पाथ हो जाएगा ऐसा, पाथ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जो सर्कुलर मोशन इसका पाथ होगा, जैसे एनसीईआरटी में फिगर गिवन है इस तरह से, ठीक है, ये वही फिगर है बिल्कुल, ये परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, क्रॉस फील्ड है, तो फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, तो ऐसे ये सर्कुलर मोशन में घूमने लगेगा, ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो ये जो पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इस रीजन के अंदर, इसके अंदर है, तो अगर इसके अंदर नहीं है तो सीधा सीधा जा रहा है, क्योंकि फोर्स लगेगा ही नहीं, बी इक्वल्स टू जीरो, जैसे इसके अंदर एंटर करेगा वैसे ही फोर्स लगने लग जाएगा, तो अभी तो स्ट्रेट जा रहा है क्योंकि फोर्स ही नहीं है, ठीक है। अब किस तरफ मुड़ना चाहिए पहले ये देखते हैं अपन, है ना, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की तरफ आ रही है, और आपकी वेलोसिटी ऐसे, दोनों परपेंडिकुलर है कोई शक,
ठीक है, अब कैसे निकालेंगे फोर्स? V क्रॉस B से, V की तरफ पॉइंट करना है, तो V की तरफ मैंने पॉइंट कर दिया ऐसे, ये V की तरफ मैंने पॉइंट कर दिया और फिंगर्स फोल्ड करूंगा। फिंगर्स फोल्ड करने पे फिंगर्स नीचे की तरफ फोल्ड हो रही है, पर क्या मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है? नहीं, आपको ऐसे ओरिएंट करना है अपने हैंड को ताकि वो जो आपकी फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी तरफ, तो आप ऐसे रखो हाथ, अभी भी ये वी की डायरेक्शन में है, और अगर आप फोल्ड करोगे फिंगर्स को तो ये बाहर निकलती हुई आएगी आपकी उंगलियां, और वही डायरेक्शन किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि डॉट दी। तो आप ऐसे रखा, ये फोल्ड करा, तो आपका जो थंब आया वो कैसे आया? इस डायरेक्शन में आया। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो आपकी जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी? ऐसे लगनी चाहिए। तो आपका जो पाथ होना है वो कैसा होगा? इस तरफ झुक जाएगा, जिस तरफ फोर्स उस तरफ वो झुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं कैसे होता है इसका। देखो ये गया, ये इस तरफ झुक गया, और जैसे ही बाहर निकला वैसे ही फोर्स बंद हो गई और ये सीधा सीधा चलने लगा, तो अंदर अंदर बस ये घूम गया, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन से भी अपने को समझ में आ गया। अब देखो, अगर कोई भी बॉडी, हाँ एक जो थंब रूल है वो ये है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है ना, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, तो उस पर हमेशा एक सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन लगता है। क्या लगता है? सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। अब आपकी जैसे इसमें फोर्स था, ये जो फोर्स है एफ, इसमें कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ पे लगता है इसका? क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, नीचे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। कितना लगेगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। आर क्या है? इसका रेडियस है, ये आर इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी सर्कुलर मोशन। ठीक, अब अगर इसको सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करना है तो इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस होना पड़ेगा, एफ और एम वी स्क्वायर बाय आर को, तो बैलेंस कर दो इसको। बैलेंस कैसे होगी भाई? यहाँ पर आपका पार्टिकल है, फोर्स इस पे ऊपर लग रही है और नीचे एम वी स्क्वायर बाय आर लग रहा है। फोर्स कितनी होती है? क्यू वी बी। साइन थीटा अपन ने अभी वन कर दिया था उसके अंदर, है ना, क्योंकि वेलोसिटी है ना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो साइन थीटा वन हो गया, तो मैंने सीधा क्यू वी भी लिख दिया, क्यू वी बी, तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, दोनों को इक्वल कर दो, तो क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से वी से एक वी कट गया, आप निकाल सकते हो आर इज इक्वल्स टू एम वी बाय क्यू बी। तो आपके पास एक रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया? कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कितने रेडियस के साथ घूमने लगेगा, वो आप इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने करा क्या है, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स को और आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है उन दोनों को इक्वल कर दिया बैलेंस कंडीशन के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो इतनी सी बात है। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जैसे आर इक्वल्स टू क्या आया अपने पास? एम वी बाय क्यू बी, ये आया। ठीक है, अब आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है वो एम वी होता है, पी कितना होता है? मोमेंटम पी क्या है यहाँ पर? मोमेंटम है ना, तो रिप्लेस कर दो, आर इक्वल्स टू क्या जाएगा? पी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो जो मोमेंटम होगा इन साइड द पार्टिकल वो कितना होगा? क्यू बी इंटू आर होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब अलग अलग तरीके हैं इनको लिखने के, है ना, कोई ऐसा वो नहीं है, आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं, कैसे भी आप इसको फॉर्मुलेट कर सकते हो। अब जैसे आपको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मुलेट करना हो, है ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन एम। क्या बात सही है क्या? एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर और नीचे एक एम है, तो वापस यही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अभी मैंने एम वी की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी एम वी की वैल्यू? एम वी की वैल्यू यहाँ से आ जाती है आपके पास, एम वी इक्वल्स टू क्यू बी इंटू आर इक्वल्स टू एम वी, यही तो है, क्यू बी यहाँ पे भेज दो, क्यू बी आर इक्वल्स टू एम वी, तो क्यू बी आर की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो वहाँ पर, क्यू बी आर क्या हो जाएगी? हाफ इंटू क्यू बी आर का होल स्क्वायर अपॉन एम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी क्वेश्चन की नीड है उसके हिसाब से, बस आपको रेडियस का फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, है ना। उसमें ये आपने क्या करा है, बस सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल कर दिया, डेट सेट, और कुछ नहीं करा है। इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी अगर मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना हो, क्या निकालना हो? टाइम पीरियड निकालना हो, तो कैसे निकालूँ? टाइम पीरियड क्या होता है कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उस पार्टिकल को, वो निकालना है ना। सर्कल कंप्लीट कर रहा है ना, ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है,
ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ से चल के जब ये वापस यहाँ पर आ जाएगा तो कितना इसको टाइम लगेगा, वही क्या होता है टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूला क्या होगा, एक सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम, तो क्या होगा आपका टाइम पीरियड, 2 पाई आर अपॉन वी, यही होगा है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। तो 2 पाई आर, यहाँ से 2 पाई आर कितना है आपके पास, 2 पाई इंटू अपॉन वी इंटू आर। आर कितना आया था, अभी आर आया था mv/qb, तो ये जाएगा mv/qb, तो ये v से v कट गया, आपके पास आंसर आ गया 2 पाई m/qb। तो आपके पास जो टाइम पीरियड आया, मतलब एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने का जो टाइम है, वो कितना होगा, 2 पाई m/qb, 2 पाई m/qb। ओके, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो 1/T हो जाता है ना, 1/ क्या हो जाता है, टी हो जाता है, तो ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, कितनी हो जाएगी, qb/2 पाई m। तो यहाँ से जो एक बात नोटिस करने वाली वो ये है कि ये जो टाइम और फ्रीक्वेंसी है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है। क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि जैसे आप मान लो कि आपकी जो इसकी वैल्यू आई, भाई टाइम पीरियड कितना आया अपने पास, अपने पास टाइम पीरियड आया 2 पाई m/qb, ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू आती है 10 सेकेंड, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो इसकी वैल्यू आ रही है 10 सेकेंड, तो आप किसी पार्टिकल को वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से भेजो, या उसको आप 1000 मीटर पर सेकेंड से भेजो, या उसको आप 10,000 मीटर पर सेकेंड से भेजो, उन सब केसेस के अंदर टाइम पीरियड कितना आने वाला है, 10 सेकेंड ही आने वाला है, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो हमेशा एक मास के लिए और क्यू और बी की वैल्यू के लिए हमेशा टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, है ना, आप कितनी भी वेलोसिटी से उसको अंदर भेज दो, हमेशा टाइम पीरियड उसका कितना रहेगा, 10 सेकेंड, फॉर एन एग्जाम्पल अपन मान रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट यहाँ से उठाने वाला है। तो ये एक तो सिंपल केस हो गया जब आपका जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा है ना कि हमेशा वेलोसिटी और बी के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, कुछ आए और एंगल्स भी हो सकते हैं। 0 डिग्री के केस के अंदर क्या होता था, 0 डिग्री, भाई 0 डिग्री एंगल था, एक 90 डिग्री हो गया और एक 180 डिग्री हो गया। भाई 0 डिग्री जब था तब तो अपने को पता कि फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 90 डिग्री के अंदर क्यू वी भी हो जाता है और 180 डिग्री के अंदर भी 0 हो जाता है। अब इनके अलावा अगर कोई एंगल दिए हुए हैं आपको तो उस केस में क्या करेंगे, अब वो देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, चार्ज मूविंग एट एन एंगल अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेलोसिटी है ना, जैसे मान लो ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना इस डायरेक्शन में, और आपकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो बीच का एंगल कितना हो गया, बीच का एंगल हो गया आपका थीटा डिग्री। अभी थीटा ना 0 डिग्री है, ना ये 180 डिग्री है, ना ये 90 डिग्री है, तो इस केस के अंदर इसका पाथ कैसे होगा, भाई 0 डिग्री और 90 डिग्री, जो 180 डिग्री होता है उसके अंदर तो फोर्स लगता ही नहीं, तो मोशन होता ही नहीं है, और 90 डिग्री के अंदर ये सर्कुलर मोशन करता है। अब ये बीच वाला है तो इसमें कैसे होगा, अब देखो जैसे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन करते थे ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या करते थे अपन, अगर कोई भी उल्टी सीधी वेलोसिटी दी होती थी किसी एंगल पे ग्राउंड से, तो अपन क्या करते थे, उसके दो कंपोनेंट्स कर लेते थे, वी परपेंडिकुलर और वी हॉरिजॉन्टल, है ना, बिल्कुल वैसे ही करना है इसमें भी। क्या करेंगे, एक इस कंपोनेंट लूंगा वी हॉरिजॉन्टल, वी हॉरिजॉन्टल जो कि किसके बिल्कुल पैरेलल है, इस बी वेक्टर के, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस बी वेक्टर के पैरेलल है, कितना आएगा वो, वी नीचे आ गया तो वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट करूंगा इस वेलोसिटी का मैं ऊपर, तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाएंगे थीटा से दूर जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये वी परपेंडिकुलर इस इक्वल्स टू वी साइन थीटा। क्या बात समझ में आ गई, इस वी को मैंने वी कॉस थीटा वी साइन थीटा के अंदर तोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाली वेलोसिटी और इस वाले वेक्टर की, इस वेलोसिटी वी एच जो कि वी कॉस थीटा है, और बी वेक्टर की बात करूं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, आप बोलोगे सर 0 डिग्री है क्योंकि पैरेलल है दोनों, तो 0 डिग्री है तो क्या इस पे फोर्स लगेगा, आप बोलोगे सर नहीं लगेगा क्योंकि एंगल 0 है, तो क्यू वी बी साइन 0, तो टोटल 0, तो इस वेलोसिटी की वजह से तो कोई फोर्स लगने वाला है नहीं, ठीक है, तो ये वेलोसिटी क्या करेगी, सिंपली आगे लेके जाएगी किसको, इस पार्टिकल को, लीनियर मोशन कंडक्ट कराएगी, क्या कराएगी, लीनियर मोशन कंडक्ट कराएगी, क्योंकि इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये वी साइन वी कॉस थीटा से आगे आगे जाता जाएगा, ठीक है, तो लीनियर मोशन तो यहां से आ गया है ना, आगे तो ये
बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, ऐसे आगे बढ़ रहा है जाके। ठीक है, ये बात हो गई। अब इस वाले की बात करते हैं, वी साइन थीटा के बारे में। अब अगर आप, मैं आपको बोलूँ कि वी साइन थीटा और बी वेक्टर के बीच में आप एंगल निकालो तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर वी साइन थीटा और बी वेक्टर के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, और जब भी 90 डिग्री बीच का एंगल होता है तब हमेशा सर्कुलर मोशन कंडक्ट होता है। क्या होता है? सर्कुलर मोशन। जैसे अपन ने अभी यहीं देखा था ना, ये क्या हो रहा था यहाँ पर, इसके अंदर क्या हो रहा था, ये आपका वी है, ये परपेंडिकुलर किसके, जो मैग्नेट फील्ड अंदर जा रही है, तो वी और आपका जो बी है वो परपेंडिकुलर है आपस में, वही वाला केस तो है, बस यहाँ पर वी परपेंडिकुलर था और यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर है, यहाँ पर आपका वी साइन थीटा परपेंडिकुलर है ना, वहां पर उस केस में अपन वी परपेंडिकुलर लिया था, यहाँ पर वी साइन थीटा परपेंडिकुलर है। तो ये जो वी साइन थीटा वाली वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट है, ये सर्कुलर मोशन कराएगा। तो यहाँ से अपने को एक बात पता चलती है कि जो मोशन होने वाला है ना वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो लीनियर मोशन जो कि कौन करा रहा है, वी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट करा रहा है ना, कौन करा रहा है, वी कॉस थीटा, और प्लस ये होता है सर्कुलर मोशन, ये कौन कराएगा, ये कराएगा वी साइन थीटा वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट। ठीक है, तो लीनियर भी चलना है उसको और सर्कुलर घूमना भी है, तो मतलब उसको चलना भी है और उसको घूमना भी है, ऐसे ही मोशन को हम बोलते हैं हेलिकल मोशन। क्या बोलते हैं? हेलिकल मोशन, मतलब वो आगे जा भी रहा है और घूम घूम भी रहा है ना, आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो आपको कुछ पाथ इस तरह से नजर आएगा। ये देखो, ये सर्कल काट रहा है, ये ऐसा सर्कल काट रहा है और ये आगे भी जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, यूं आगे भी जा रहा है और सर्कल भी काट रहा है। क्या बात समझ में आई? इसको आप एक स्प्रिंग की तरह भी देख सकते हो, जैसे ये स्प्रिंग है ना, ये 3D में स्प्रिंग दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चले, ये जो अगर आप इसके स्प्रिंग जो है इसके ऊपर चलने लगो तो आप जैसे जैसे जाओगे ना वही आपका क्या होगा, हेलिकल मोशन होगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं इस चीज़ को इस डायग्राम की मदद से, ये क्या है, हेलिकल मोशन पाथ है ना, तो ये कैसे होगा, देखो ये देखो, ये घूम भी रहा है ना, और ये आगे भी जा रहा है, क्या दिख रहा है सबको, ये घूम भी रहा है और ये आगे भी जा रहा है, ये क्या है, हेलिकल मोशन है, जो कि अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री पे होता है चार्ज पार्टिकल का, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। क्या बात समझ में आई? यही हेलिकल मोशन है। अब देखो, हमने जो जो पार्ट्स पढ़े थे, हमने जो प्रीवियस में जो अपने डिस्कस करा था कि जब 90 डिग्री वाला केस होता था है ना, उसके अंदर हम उसकी सर्कुलर मोशन जो करता था उसके अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते थे, रेडियस निकालते थे सर्कुलर मोशन का, तो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो वहाँ पर क्या करते थे अपन, रेडियस आया था अपने पास आर इक्वल्स टू एम इंटू वी अपॉन क्यू बी आया था। अभी जो वी है ना, अपन जब 90 डिग्री लेते थे तब आपका वी ऑब्वियसली वो कितना कितना होता था, पी परपेंडिकुलर ही होता था है ना, क्योंकि अपन ने माना ही परपेंडिकुलर था, तो वी लिखते थे। इस बार मतलब एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर जो वी है वो वी परपेंडिकुलर है किसके, उसके मैग्नेटिक फील्ड के। तो इस केस में जो अपना वाला केस है, जो अभी रिसेंट वाला केस अपन डिस्कस कर रहे हैं, अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री, उसके अंदर वी परपेंडिकुलर क्या है, उसके अंदर वी परपेंडिकुलर क्या है, ये देखो वी परपेंडिकुलर उसके अंदर वी साइन थीटा, तो सिंपली उस फॉर्मूले उसके अंदर वो पुट कर दो, वी की जगह वो पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो आपकी जो रेडियस आई, जो आपकी रेडियस आई वो कितनी आई, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, तो ये आपकी रेडियस आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ऐसे ही आपका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड कितना होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो क्या वो वी साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता ना, तो वो उससे मतलब ही नहीं है उसको। तो अपन कह सकते हैं 2 πm, क्या लिखा था अपन ने पहले, अपन ने जो फॉर्मूला निकाला था किसका, कितना आया था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 2 πm/qb, तो अभी भी वही आएगा, कितना आ जाएगा, 2 πm/qb, तो सेम फॉर्मूला आ गया ये, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो ये हेलिकल मोशन कर रहा है। अच्छा, एक इसमें जो चीज़ डिस्कस होती है वो है पिच, क्या
पिच। तो देखो जब भी जो पार्टिकल है जो हेलिकल मोशन करता है तो वो ऐसे गया, वो ऐसे गया और ऐसे ऐसे जाता है ना, ऐसे करके आगे जाता है वो। तो एक जब वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है तो उसको कितना टाइम लगता है भाई? एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में उसको लगता है टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है मतलब एक सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट करना, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करना, उसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड के अंदर अभी इस केस में क्या हो रहा है कि वो आधी भी तो चल रहा है, तो एक सर्कल कंप्लीट करने में उसको लगा टाइम टी। तो उस टाइम टी के अंदर, उस टाइम कैपिटल टी के अंदर वो कितना आगे बढ़ गया, मतलब अपनी पोजीशन से कितना आगे शिफ्ट हो गया, उसी को क्या बोलते हैं? पिच कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे अगर इस फिगर की मैं बात करूँ, किस फिगर की, इस फिगर की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो होगा और ये जो होगा भाई, यहाँ से ये घूमना स्टार्ट हुआ और ऐसे ये वापस आया, है ना, मतलब यहाँ से ये घूमना स्टार्ट हुआ, एक सर्कल इसने पूरा काट लिया। सर्कल कहाँ कटेगा? ये पूरा कट गया सर्कल। तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब कितने में आ गया, वो टाइम टी टी लगा होगा उसको यहाँ पे आने में, यहाँ से यहाँ आने में। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये क्या है आपका? पिच है। कैसे निकालेंगे पिच को भाई? सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है उसका? देखो जो आपका पिच होता है ना वो कैसे जाएगा? पिच अपना होता है आगे जितना गया कितने टाइम पीरियड में, टी में। तो क्या कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये स्पीड की तो मामला है। क्या लिखते हैं अपन? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस ही तो पिच है। डिस्टेंस वो तो स्पीड कितनी है? स्पीड थी ट्रांसलेशनल वाली, कितनी थी स्पीड? स्पीड थी आपकी वी कॉस थीटा, क्योंकि यही वाली वेलोसिटी तो आगे लेके जा रही है, यही वाली वेलोसिटी तो आगे लेके जा रही है। कौन सी वाली? वी कॉस थीटा। तो वी कॉस थीटा कितना आ जाएगा? वी कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड टी। और उसको आप अगर और अच्छे से लिखो तो आ सकता है वी कॉस थीटा। टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई m/q b। तो ये आपका पिच का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया? पिच का। ठीक है, एक टाइम पीरियड के अंदर वो कितना आगे ज़्यादा चला गया उसी को क्या बोलते हैं? पिच कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको याद रखनी। बस अब ये दोनों केसेस आपके डिस्कस हो गए। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपने पास चार्ज एंटरिंग इनटू अ रीजन विच हैज़ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो अपन हमेशा चार्ज को ही तो भेज रहे हैं, है ना, तो चार्ज का तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है भाई। ऐसे कोई रीजन हो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो, वहाँ पर भी तो चार्ज जा सकता है। तो कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? ठीक है, और हम बात करेंगे लॉरेंट्स फोर्स की। तो देखो होगा क्या, जैसे आपने कोई भी चार्ज भेजा प्लस क्यू, ठीक है, अब इसको आपने भेजा किसी रीजन के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और बी की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू इंटू ई वैक्टर, यही तो होता है क्यू इंटू ई वैक्टर। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? क्यू V क्रॉस B, ये होता है। अब अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं आपसे कि नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो नेट फोर्स कितना होगा? तो आप लिखोगे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू दोनों वेक्टर्स का समेशन, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसके ऊपर कितना फोर्स सकता है? नेट फोर्स क्यू ई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, और क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक फोर्स है। इसी फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंट्स फोर्स। क्या कहते हैं? लॉरेंट्स फोर्स। बस यही है लॉरेंट्स फोर्स, मतलब नेट इलेक्ट नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल विच इज इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के अलग अलग फॉर्म लिख दो, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा अब एक चीज डिस्कस करते हैं। देखो अगर मैं आपको कहूं कि जो कोई पार्टिकल है ना, वो एक पार्टिकल जो है प्लस क्यू नॉट, मान लो आप इसको प्लस क्यू नॉट, ये एक ऐसे रीजन के अंदर एंटर करने वाला है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो वो आपको बोल रहा है कि पर फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बावजूद, मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी
ये जो पार्टिकल है ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, मतलब जैसे ये स्ट्रेट गया बिल्कुल स्ट्रेट ही निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है, बस सिमेट्री होनी चाहिए। कैसे? इसका अपन डिज़ाइन इस तरह से करेंगे कि फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाएंगे, कट जाएंगे। भाई दो फोर्सेस हैं, एक ई की वजह से एक बी की वजह से। अगर ई ई की फोर्स बी की फोर्स को काट दे तो डिफ्लेक्शन होगा? डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सेटअप बनाना है अपने को। तो उसका सेटअप कैसे बनाएंगे? देखो, अगर मैं ऐसा कुछ सेटअप बनाऊं, ये एक दो प्लेट्स ली मैंने, है ना, उस पे चार्ज दे दिया मैंने, ऊपर वाली प्लेट पे नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज दे दिया मैंने, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज दे दिया। नीचे वाली प्लेट पे दे दिया मैंने चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है? ऐसे भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इन दोनों प्लेट्स के बीच में। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि इसकी जो मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन के अंदर, और अपन बात कर रहे हैं कि दोनों चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ मैं डॉट वाली, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है डॉट वाली, मतलब बाहर की तरफ निकल कर आ रही है, ठीक है। अब इसका मोशन कंसिडर करते हैं। अब मैंने कोई चार्ज पार्टिकल भेजा, ठीक है, कोई मैंने चार्ज पार्टिकल भेजा यहाँ से, प्लस क्यू नॉट, यहाँ से मैंने भेजा वेलोसिटी वी से, ठीक है, जो इसके अंदर एंटर करने वाला है। अब जैसे ही एंटर करेगा ना, इस पे फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएंगी। अब फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि ई की वजह से लगेगी, वो कितनी हो जाएगी? क्यू नॉट इंटू ई, इतनी लगेगी। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है? क्यू इंटू ई, तो यहाँ पर क्यू नॉट है तो क्यू नॉट इंटू ई। डायरेक्शन क्या होगा? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी फोर्स लगेगी। तो डायरेक्शन क्या होगा उसका? ऐसे होगा। तो कुल मिला के जो पार्टिकल होगा, ये क्यू नॉट जो है, इस पे जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स, वो ऊपर डायरेक्शन में लगेगी, कितनी? क्यू नॉट इंटू ई लगेगी। अब मैं मैग्नेटिक फोर्स निकालूं, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगी? क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, क्यू वी भी साइन थीटा हो जाएगा, चलो वो तो जो भी है ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? वेलोसिटी जो है अभी, वो परपेंडिकुलर है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, दिख रहा है ना यार, क्योंकि ऊपर जा रही है वो मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर निकलती हुई आ रही है, और वेलोसिटी जो है वो प्लेन में है, तो वो अपने आप 90 डिग्री हो गया। तो क्यू वी भी उसका फोर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा फोर्स? क्यू वी बी, जो कि मैग्नेटिक फोर्स है। पर डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन निकालने के लिए वी क्रॉस बी। तो अगर वी क्रॉस बी करना है, वी क्रॉस बी करना है तो कैसे करेंगे? देखो, तो वी क्रॉस बी होगा, जैसे आपने हाथ ऐसे रख लिया, क्योंकि आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो आपने हाथ ऐसे रखा, क्योंकि वी क्रॉस बी करना है, वी की तरफ पॉइंट करेंगे, और बी कहाँ है? बाहर की तरफ, क्योंकि डॉट है ना आपकी तरफ आ रही है, तो मैं आपकी तरफ फोल्ड करूंगा फिंगर्स को, ये मैंने फोल्ड करी ऐसे, तो थंब का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो कुल मिला के जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? क्यू वी बी, क्यू वी बी। तो अब अगर इसको डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, है ना भाई, अगर इसको डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो क्या होना चाहिए? ये दोनों फोर्सेस क्यू ई और क्यू वी भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जब ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे, तब उस पर कोई नेट फोर्स लगेगी नहीं, उसमें नेट फोर्स नहीं होगी, तो नेट फोर्स जीरो है, और जीरो है तो कोई डिफ्लेक्शन शो हो गए नहीं। तो मुझे करना क्या है? सिंपली दोनों फोर्सेस को इक्वल करना है। क्यू ई इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। ये क्यू वी भी साइन थीटा क्यों लिखा? क्योंकि साइन थीटा 1 है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है अपने वाले केस में अभी, ठीक है। तो यहाँ से ये क्यू से ये क्यू कट गया, और आपके पास जो वेलोसिटी आई वो आई ई अपॉन बी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो कुछ भी आपसे पूछे बाई चांस इसमें से ई वी बी में से कुछ अननोन हो, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो, ये प्रीवियस केस की तरह ही है, क्योंकि अपन प्रीवियस केस में क्या कर रहे थे कि एक सिंगुलर चार्ज, मतलब एक सिंगल चार्ज को अपन किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजते थे, उस पर फोर्स लगता था, उसी फोर्स को अपन कैलकुलेट कर रहे थे। अभी हम करंट की बात करें, तो करंट क्या है? करंट बहुत सारे मूविंग चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, मतलब कंबाइंड मूविंग चार्जेस। तो सबके मूविंग चार्जेस, जितने भी मूविंग चार्जेस है जैसे करंट मिलकर बना हुआ है, उन सब पे फोर्स निकाल के आप ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर।
वही बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, करंट एलिमेंट लिया है जिसके अंदर मैं मान लेता हूँ कि इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट? आई करंट फ्लो कर रहा है। अब मैं आपको कहता हूँ कि जैसे जैसे आपको पता ही होगा कि अगर करंट ऐसे फ्लो करता है तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो आई करंट है तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ चार्ज से मिलकर बना हुआ था, तो मान लेता हूँ मेरे पास कितने चार्ज हैं, ऐसे बोल लेते हैं कि एन इंटू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये करंट बना हुआ, ठीक। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ध्यान से सुनना, अगर करंट ऐसे जा रहा था ना, अगर करंट ऐसे जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे होंगे उल्टे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, जब भी तो मिलकर करंट बना हुआ है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो सब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या है, सेम है, सब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ एक इलेक्ट्रॉन पे तो कितनी आएगी, एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्या ये फॉर्मूला अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होगा क्या, नहीं, क्योंकि क्यू सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है, वेलोसिटी सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है, बी तो सेम है ही, और थीटा भी सेम है क्योंकि सबकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर मैं नेट फोर्स लिखना चाहूँ तो मैं सीधा लिख सकता हूँ एडिशन करके सबका, क्या लिखूंगा, क्यू वी बी साइन थीटा, और क्यू को लिख दूंगा मैं किससे मिलकर बना हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, तो एन कैपिटल एन इंटू इलेक्ट्रॉन्स इंटू वी बी साइन थीटा। तो आपके पास जो नेट फोर्स आया सारे इलेक्ट्रॉन्स पे, जितना भी नेट फोर्स लग रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन्स ही तो मूविंग चार्ज है, तो जितना भी नेट फोर्स लग रहा है सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला के वो कितना है, एन इंटू इलेक्ट्रॉन इंटू मूव इंटू वेलोसिटी इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है, कितना आ गया, फोर्स इज इक्वल्स टू एन इंटू ई इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये आ गया। अच्छा, अब अगर आपको याद हो अच्छे से तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये जो एन ई की वैल्यू होती है ना, ये जो एन की वैल्यू होती है, इस एन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे लिख सकते हैं अपन, एन इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू ई इंटू वी बी साइन थीटा, ये कैसे लिखा मैंने, ये इसको मैंने ये लिखा है, एन को मैंने जो कैपिटल एन है इसको मैंने लिखा है एन इंटू ए इंटू एल। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्या है इस करंट एलिमेंट एंड किस करंट एलिमेंट का एरिया, ये जो एरिया है, और इसकी लेंथ एल, इसकी लेंथ एल। तो आपने जो सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं उसके अंदर या करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, एन इंटू ए इंटू एल, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, अब तो इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मुलेट करता हूँ, देखो अब क्या लिखूंगा इसको, मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो एन स्मॉल एन इंटू ए, एल को मैंने हटा दिया, ई इंटू वी, अफ एल को लिख दिया मैंने, यहाँ पे एल लिखा था पहले उसको लास्ट में ले गया, इंटू बी इंटू साइन थीटा, कुछ छूटा क्या, नहीं, एन ए एल ई वी बी साइन थीटा, एन ए, ये ठीक है, ठीक। अब अगर आपको पता है तो ये जो क्वांटिटी होती है, ये वाली जो क्वांटिटी होती है ये क्या होती है, ये होती है आपकी आई करंट, क्या होती है, करंट होती है, एन ई ए वी डी ऐसे लिखते थे अपन, एन ई ए वी डी ऐसे लिखते थे ना, एन ई ए वी डी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी यहाँ पर, तो बिल्कुल सेम ही तो केस है, वेलोसिटी ये वी क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऐसे अपन लिख सकते हैं, तो उसको आई लिख देते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, ये आई एल बी साइन थीटा। तो आपका जो फोर्स का फॉर्मूला आया ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वो क्या आया, आई एल बी साइन थीटा, या आप इसको लिख सकते हो जैसे ये क्या लिखा हुआ है, एल बी साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी, यहां पर जो एल की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन होगी, जो एल वेक्टर की डायरेक्शन है वो, इसको अपन बोलते हैं लेंथ एलिमेंट, है ना, करंट एलिमेंट भी बोल सकते हो आप, करंट एलिमेंट, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्या होगी एल की डायरेक्शन, इसके अंदर क्योंकि आई ऐसे फ्लो कर रहा है तो एल वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी जिसमें करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जो कि आप देख पा रहे हो कि आपकी स्क्रीन से बाहर निकलती हुई आ रही है, ठीक है, और उसके अंदर एक करंट कैरिंग वायर गिवन है जिसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है, आपको निकालना कि इस पे लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला क्या होता था फोर्स का,
करंट कैरिंग वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता था, आई एल क्रॉस बी, एल का डायरेक्शन कौन सा, करंट का डायरेक्शन, तो यहां पे लिख देता हूं मैं एल क्रॉस बी, यही होता था। तो एल क्या है, अगर आई इस डायरेक्शन में है तो एल भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन, और क्रॉस बी तो कैसे रखूंगा हाथ, हाथ ऐसे रखूंगा, ये आई है ना, क्योंकि एल की डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन, ये पॉइंट कर रहा है उसकी तरफ क्योंकि फर्स्ट वेक्टर एल है, तो ये पॉइंट कर रहा है, और बी की तरह आउटसाइड तो बाहर की तरफ में उंगलियां घुमा रहा हूं, तो किस तरफ आया फोर्स, इस तरफ आया, ठीक है, अभी थंब डायरेक्शन क्या बता रही है, इस तरफ, तो इस पे जो फोर्स लगेगी, इस करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, तो ये वायर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे मूव करने लगेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। उल्टा भी ले सकते हो, अगर आपको क्रॉस फील्ड गिवन हो तो क्रॉस फील्ड के अंदर क्या करना है, इसमें कैसे लगेगी डायरेक्शन, अब देखो इसके अंदर अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो हाथ ऐसे रखेंगे, है ना, हाथ ऐसे रखेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, और किसकी तरफ घुमानी है, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, तो अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर की तरफ घूम रही है, देखो घूम रही है, अंदर की तरफ घूम रही है, आई क्रॉस पी, तो की डायरेक्शन क्या आई, ये, तो लेफ्ट साइड में आपकी डायरेक्शन आ गई, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो लेफ्ट साइड में लगेगी, तो ये वायर ऐसे मूव करने लगेगी, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसकी कंडीशंस देख लेते हैं, अपने फॉर्मूले के अंदर होता था क्या, आई एल क्रॉस बी, ये होता था फोर्स का फॉर्मूला। अब अगर उस फोर्स के फॉर्मूले में अगर एल पैरेलल हुआ बी के, पैरेलल का मतलब क्या है कि इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, 0 डिग्री मतलब पैरेलल, 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल, ठीक है, मतलब या तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक, तो इस केस के अंदर क्या होगा, भाई एल क्रॉस बी है तो ये साइन थीटा बनता है यहाँ पर, और थीटा क्या है, एल और बी के बीच का एंगल, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री अगर होगा तो साइन थीटा, साइन 0, साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब है फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, करंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है, तो जब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहती है तब फोर्स नहीं लगता है। और एल क्रॉस बी के वाले में क्या होगा, जब एल परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, तब जब साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा आपका हो जाएगा साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, तो आपके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम लगेगी, क्योंकि साइन थीटा के अपन ने मैक्सिमम वैल्यू लिए वो कितनी होती है, 1 होती है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, मैक्सिमम कंडीशन हो गई, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, करंट की डायरेक्शन और किसकी तरफ घुमा दो, बी की डायरेक्शन में, और आपके पास फोर्स निकल के आ जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन निकल के आ जाएगी, ठीक। तो हम अभी तक ये डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे कोई आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है तो उसकी वजह से कोई मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लगता है या किसी करंट एलिमेंट पे कितना फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, वो हमको निकालना जानते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, जो सेकंड हाफ है, वो ये है कि आपको करंट एलिमेंट दे दिया जाएगा और उसकी वजह से एक पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, वो आपको निकालना होगा, जैसे कि ऑगस्टीन ने फाइंड आउट करा था, उन्होंने कंक्लूड करा था बस कि ना मैग्नेटिक फील्ड लगती है किसी करंट एलिमेंट की वजह से, पर कितनी लगती है, किस डायरेक्शन में लगती है, ये हमको बताएंगे बायट सावर्ट्स, ठीक है। अब सुनो, इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा किसके बारे में, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में, ये अपन पढ़ते थे किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर के अंदर है ना, उसके अंदर फॉर्मूले में ये आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये एप्सिलॉन लिखा है मैंने, बस एप्सिलॉन लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ, किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम की, ठीक, और अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूँ, वैक्यूम की, तो वैक्यूम के अंदर अपन क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो क्या होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टू पास थ्रू इट, कोई मीडियम कितनी आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को पास करने दे सकता है, ये क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, इसको अपन फॉर्मूले में यूज करते हैं, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट, और एक किसी मीडियम की बात कर रहे हैं इन जनरल तो एप्सिलॉन, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर बात करें, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए हो गई बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की बात होती है तब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी की, तो ठीक उसी तरह जैसे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है तो मैंने म्यू लिखा है इसके, तो म्यू किसके लिए लिखा है, इसी मीडियम के लिए, कोई पर्टिकुलर मीडियम है इन जनरल मीडियम तो उसके लिए म्यू लिखते हैं। अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे, जो कि अपन मोस्टली वैक्यूम केसेस के अंदर ही बात करते हैं, तो म्यू नॉट ये यूज करते हैं, है ना, तो फॉर्मूले के अंदर म्यू नॉट ज्यादा दिखाई देगा आपको। तो क्या होती है ये, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टू पास थ्रू इट, ठीक है, जैसे परमिटिविटी क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कितनी आसानी से पास हो सकती है, वैसे ही परमिएबिलिटी क्या होगी, कि कितनी आसानी से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो सकती है,
तो बस ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी होगी। ठीक, अब जो इसकी वैल्यू होती है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 4π × 10⁻⁷। ये वैल्यू होती है, और अगर इसको आप 4π से डिवाइड कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4π, तो कितना आ जाएगा? ये 4π से 4π कट जाएगा, है ना। 4π 10⁻⁷ अपॉन 4π हो गया, तो 4π से 4π कट गया, ये आ गया आपके पास 10⁻⁷। यही जो वैल्यू होती है ये होती है के, इसको हम बोलते हैं के से। जैसे वहाँ पर के क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर 1/4π ε₀, यहाँ पर वैसे ही के क्या होता है, म्यू अपॉन 4π। तो ये जो वैल्यू है के की, इसको हम बोलते हैं बायट सावर्ट्स लॉ कॉन्स्टेंट, बायो सावर्ट्स कॉन्स्टेंट। ये के इतना ज़रूरी नहीं है, आपको बस यही याद रखना है म्यू नॉट अपॉन 4π। हर फॉर्मूले के अंदर म्यू नॉट अपॉन 4π ही यूज़ होगा, आपको रट जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4π। बस म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है म्यू नॉट की वैल्यू? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷। तो म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁷। ठीक है, एक और जो इन्फॉर्मेशन आप छोटी सी याद रख सकते हो वो ये है कि अगर आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/c² ये सी क्या है? ये सी होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, उसमें मैंने आपको बता दी क्या होती है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू होती है 3×10⁸ m/s। क्या बात समझ में आई? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन कितना होता है? 1/c². ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बायट सावर्ट्स लॉ। ये क्या बताता है? ये देता है आपको, गिव्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट। मतलब करंट, जिस एक तार में से करंट बह रहा है तो उसके कुछ डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसके डायरेक्शन में होगी, ये आपको बताता है क्या? बायो सावर्ट्स लॉ। ठीक है, तो मान लो आपके पास कोई वायर है, ठीक है, जिसमें से करंट बह रहा है। ठीक, किसमें से करंट बह रहा है? मान लो आई करंट इससे बह रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यहां से एक पॉइंट है, यहां पर एक मैं एक एलिमेंट मान रहा हूं छोटा सा, ठीक है ना। मान लो कि इस पूरे वायर की लेंथ एल है, कितनी लेंथ है एल, तो ये छोटा सा मैंने एलिमेंट माना है, इसकी लेंथ कितनी होगी? इसका वेक्टर जो बनेगा वो कितने बनेगा? क्या डीएल वेक्टर बनेगा? भाई टोटल लेंथ एल है तो छोटा से छोटा एलिमेंट डीएल, ठीक है, इसकी कुछ डायरेक्शन है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पॉइंट से, ये जो डीएल वेक्टर है, इस पॉइंट से एक दूरी पर कोई पी पॉइंट है, पी पॉइंट जो आर वेक्टर के साथ मैं इसको डिनोट करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो डीएल वेक्टर है और जो आर वेक्टर है, ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं? ये आपस में एंगल बना रहे हैं थीटा। कहने का मतलब समझ रहे हो आप? ये डीएल वेक्टर कुछ इस तरह से होगा और आर वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, तो ये जो एंगल है बीच में, ये थीटा में बताना चाह रहा हूँ आपको। तो आपको निकालना है इस डीएल की वजह से, ये छोटा सा जो मैंने एलिमेंट बनाया है, इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? भाई पूरे वायर से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो छोटे से एलिमेंट से भी आई फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि करंट तो हर जगह से सेम ही पास कर रहा है। तो डीएल से भी करंट कितना पास कर रहा है? आई पास कर रहा है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मुझे यहाँ पर इस पी पॉइंट पर क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, जो बहुत छोटी सी आएगी। भाई छोटे से एलिमेंट की वजह से एक पॉइंट पर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो मुझे इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला दिया बायो सावर्ट्स लॉ ने। क्या फॉर्मूला दिया? वो फॉर्मूला होता है, आप जो मैग्नेट फील्ड निकालोगे, आप छोटी सी जो मैग्नेट फील्ड आएगी आपकी, वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4π × I, ये आ जाएगा डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन R³। क्या बात समझ में आई? ये आपको फॉर्मूला बाय हार्ट याद रखना है, ठीक है। सारे जितने भी डेरिवेशंस होंगे इस फॉर्मूले से होंगे, आगे जितने भी होंगे अब, ठीक है। इसमें डीएल क्या है? ये जो छोटा सा मैंने एलिमेंट माना है, ठीक है। आर वेक्टर क्या है? इसमें आर वेक्टर क्या है? ये जितना जिस पॉइंट पर आपको निकालनी है, भाई पी पॉइंट पर निकालनी है, तो पी पॉइंट पर कितना इस डीएल से इस पी पॉइंट का वैक्टर कितना है ना, तो डीएल से मैंने पी तक कनेक्ट कर रखा है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? आर वैक्टर कह रहा हूँ। और डीएल और आर वैक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस आर लिखा है मैंने, अगर इसको मैं अच्छे से लिखना चाहूँ, अगर इसको मैं खोल के लिखूँ तो क्या लिखूँगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4π × dl r sin थीटा, ठीक है। क्रॉस को खोल दिया मैंने, अपॉन R³। तो
तो ये आर से आर भी कट जाएगा, है ना, यहाँ बच जाएगा स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्योंकि अपने छोटा सा एलिमेंट लिया है डी एल, छोटा सा एलिमेंट लिया है तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। अब अगर मुझे पूरे वायर की निकालनी हो, है ना, अगर मुझे पूरे वायर की निकालनी हो तो क्या करूँगा, मैं सारे बहुत सारे डी एल ले लूँगा, ऐसे बहुत सारे डी एल ले लूँगा और क्या कर दूँगा, इंटीग्रेट कर दूँगा, क्या कर दूँगा, इंटीग्रेट कर दूँगा। तो ऐसे ही करना है, जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अगर आपको पूरी निकालनी हो तो क्या करोगे, आप यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा दोगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा दोगे और जितना भी वायर है उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। क्या बात समझ में आई? तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है, ठीक। अब इसमें वापस डी एल क्रॉस आर आ रहा है ना। अब अपन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि एक वेक्टर है। अब आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी हो, भाई फॉर्मूला तो आ गया, वैल्यू तो आ गई, मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड किससे निकालोगे, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन आएगी डी एल क्रॉस आर से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जो ये जो डी एल है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में डी एल है, ठीक है। तो डी एल क्रॉस आर, ये डी एल क्रॉस आर है, तो डी एल क्रॉस आर करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी डी एल क्रॉस आर करने से। तो यहाँ पर करके देखो, ये डी एल ऐसे है, तो डी एल क्रॉस आर है, तो पहले डी एल है तो डी एल की तरफ पॉइंट करा, ये डी एल की तरफ पॉइंट कर दिया मैंने, ऐसे रखना पड़ेगा ना, देखो डी एल के साथ बिल्कुल पैरेलली रख दिया मैंने ऐसे, ये डी एल, ठीक है, ये डी एल। अब मुझे आर की तरफ घुमाना है क्योंकि क्रॉस आर है, तो ये आर की तरफ घूम रहा है, आर की तरफ घूम रहा है, तो आपका जो थंब आएगा वो कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, है ना, क्योंकि ये ऐसे घुमा तो थंब नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कहाँ पे आ रही है, इस बार इस केस के अंदर अंदर की डायरेक्शन में आ रही है, क्रॉस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लो इस चीज़ पर, वही बायो सावर्ट्स लॉ आना है आपको, क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब ये सर्कुलर लूप है ना, ये थोड़ा सर्कल अजीब सा है, बट ये पूरा सर्कुलर मानो, उसको आर रेडियस का सर्कल है जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपको निकालना कि सेंटर पॉइंट पर, इस सेंटर पॉइंट पर जो सी पॉइंट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक। तो पहले डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखो अपन ने सीखा था कि जब भी अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो अपन छोटा सा एलिमेंट मानेंगे डी एल, ठीक। तो ये पूरा मान लो 2 पाई आर का है ना, तो अभी तो 2 पाई आर का है, पर अपन मान लेते हैं कि एल लेंथ का है टोटल, तो छोटा सा एलिमेंट कितना होगा, छोटा सा एलिमेंट होगा आपका डी एल, दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये डी एल, ठीक है। अब मुझे इस सी पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस डी एल, ठीक। तो कैसे निकालूंगा, भाई यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, क्योंकि डी एल से मुझे सी वैक्टर को ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरा आर वैक्टर वही तो होता है, यही मेरा आर वैक्टर होगा, है ना, इस टी एल एलिमेंट से जिस पॉइंट तक मुझे निकालनी है वहाँ पर ज्वाइन करना है। तो क्या पता चल रहा है कि डी एल वैक्टर और आर वैक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये टेंजेंट बना ना एक तरह से, डी एल क्या है, सर्कल का टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट कितना बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पर जो डी एल है ना, और जो आपका आर वैक्टर है वो 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ, इस डी एल की वजह से मैं फॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ वो आ रही है छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इस डी एल की वजह से, वो आ रही है डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इन टू आई इन टू डी एल क्रॉस आर, डी एल मैं आर लिख देता हूँ डी एल आर साइन थीटा, साइन होता है 90 अपॉन 4 पाई, ये नीचे आ गया और ये आ जाएगा आपका आर क्यूब, ठीक है। अब साइन 90 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये आर से एक आर कट जाएगा, आपके पास आ जाएगी वैल्यू डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास ये वैल्यू आई। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, किस एलिमेंट की वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, इस डी एल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब मुझे पूरे एलिमेंट का निकालना है, ना कि पूरे करंट की वजह से, मतलब पूरे में जा रहा है ना, यहाँ पे भी डी एल है, यहाँ पे भी डी एल है, यहाँ पे भी डी एल, यहाँ पे सारे इतने सारे डी एल से मिलकर ये पूरा लूप बना हुआ है, तो सबकी वजह से कंबाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे सी पर निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन आपको करनी पड़ेगी कि जैसे जितने भी डी एल होंगे ना, सबका फॉर्मूला यही आएगा, सबका फॉर्मूला यही आएगा, क्यों, क्योंकि देखो हर चीज़ सेम है,
यहाँ पर अगर डी एल आप मानते हो तो यहाँ से आप वापिस आर वेक्टर बनाओगे, तो ये देखो ये वापिस क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। जितने भी डी एल होंगे ना, जितने भी डी एल होंगे वो हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे आपके साथ। तो सबकी केस में फॉर्मूला कितना आएगा, यही आएगा डी बी वन भी इतना ही, डी बी टू भी इतना ही, ऐसे करके। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली अब इंटीग्रेट करना है इस फॉर्मूले को। क्या करना है, इस फॉर्मूले को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कर देता हूँ इस फॉर्मूले को मैं, कैसे करूँगा। फॉर्मूला क्या आया था, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इसको इंटीग्रेट करा ऐसे। डी बी का इंटीग्रेशन तो क्या जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कॉन्स्टेंट है, सर्कल करता हूँ मैं। म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आई पूरे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है सब में से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो आई भी कांस्टेंट है। आर स्क्वायर कांस्टेंट है क्या, हाँ, क्योंकि आर आपका सेम है, सर्कुलर रेडियस रेडियस है, तो सब एलिमेंट्स के लिए आपका जो आर है वो सेम रहेगा, तो आर भी कॉन्स्टेंट है, तो आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट। डी एल को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स है सबको बाहर निकाल लो, क्या जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और डी एल का इंटीग्रेशन। डीएल का इंटीग्रेशन मतलब टोटल समेशन ऑफ लेंथ। तो टोटल समेशन ऑफ लेंथ कितनी है, जितने भी डीएल सबको जोड़ दोगे तो क्या पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस आ जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस आ जाएगा। और अगर आर रेडियस है किसी सर्कल का तो उसका सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर लिख दो। डीएल का जो समेशन होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। यहाँ से 2 पाई से एक 2 कट गया, ये आर से एक आर कट गया, आपके पास जो आंसर आया निकल के वो आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, अच्छा ये मैग्नीट्यूड तो अपने पास आ गया। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन आती है डी एल क्रॉस आर से। भाई फॉर्मूला क्या होता है, डी एल क्रॉस आर होता है ना उसका, उसके फॉर्मूले में आता है डी एल क्रॉस आर। तो डी एल क्रॉस आर देख लो यहाँ पर, ये डी एल कैसा आता है, डी एल ऐसा है, डी एल इस डायरेक्शन में और आर किस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में। तो कैसे करोगे, ये डी एल और ये आर, ये डी एल ये आर, तो थम कहाँ जा रहा है, थम नीचे जा रहा है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में मतलब अंदर जाती हुई स्क्रीन से, आपसे दूर जाती हुई। तो आपका जो फॉर्मूला आया, टोटल फॉर्मूला आपको लिखना हो मैग्नेटिक फील्ड का, तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई 2 आर और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ठीक है, क्रॉस मतलब अंदर जाती हुई। तो ये हो गई अपनी बात किसकी, एक सर्कुलर लूप की जिसके बीच में आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो इस तरह से है कि जैसे आपने अभी तक तो सर्कुलर लूप का जो बनाया था है ना क्वेश्चन प्रीवियस वाला, उसके अंदर आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, इस सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। अब आपको उस सेंटर से थोड़ा एक्स डिस्टेंस ऊपर आपको पी पॉइंट गिवन है, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया, पहले आप सी पे निकाल रहे थे, अब आप पी पे निकाल रहे हो जो कि एक्स डिस्टेंस ऊपर है सेंटर ऑफ द लूप से। तो ये करंट ऐसे बह रहा है, इसको विजुलाइज करते हैं, ये करंट कैसे रखा हुआ है, ये जो सर्कुलर लूप है ये बिल्कुल आपके परपेंडिकुलर लिखा है, किस पे, आपकी स्क्रीन के, मतलब बिल्कुल ऐसे यूं। ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। इसको विजुलाइज करने का तरीका क्या है, ऐसे, ये 3D फिगर आपको गिवन है, जैसे हाँ करंट ऐसे बह रहा है अंदर की तरफ जाते हुए बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे करके, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है किससे, स्क्रीन से। ठीक, आप इसको ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो, अगर इसका मैं साइड व्यू बनाऊँ है ना, अगर इसको आप साइड से देखोगे, मतलब आपने बैंगल ऐसे रख रखा है, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और अगर आप बिल्कुल ऊपर से देख रहे हो ना, जैसे आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पर, तो आपको ऐसे दिखेगा एक एलिमेंट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं इसको बनाऊँ अगर, तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि जब ये करंट ऐसे घूम के आपकी तरफ आके और अंदर की तरफ जाएगा वापस, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से करंट यहाँ पे इस पॉइंट पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है ना, इस पॉइंट पर, ये जो लोएस्ट पॉइंट है बिल्कुल बैंगल का, इस पॉइंट पे ये अंदर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से ये बाहर निकलते हुए आ रहा है, यहाँ से ये बाहर निकलते हुए आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट बाहर निकल रहा है, फिर मुड़ जाता है, फिर बैंगल की तरफ घूम के फिर अंदर की तरफ जा रहा है। तो आपको निकालना इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो ये जो मैंने फिगर बनाई ना, ये इसलिए बनाई है, आप इसको ऐसे मान सकते हो कि करंट जो है वो आपके लिए ऐसे बह रहा है, एक तरह से एक स्ट्रेट वायर है, यहाँ से करंट आपका क्या निकल रहा है, यहाँ से करंट आपका बाहर निकल रहा है, यहाँ पे करंट आपका अंदर जा रहा है, और ये करंट आई है। तो जो ये जो है ना एलिमेंट, ये कैसा बनेगा, ये आपकी तरफ आते हुए बनेगा, डी एल एलिमेंट, जो मैं डी एल एलिमेंट की बात करता हूँ ना, डी एल एलिमेंट वो कैसा बनेगा, इस बार वो आपकी तरफ आते हुए बनेगा, जो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन,
क्यों? क्योंकि यहाँ से जो स्क्रीन है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली वो बाहर निकल रहा है डीएल एलिमेंट। तो देखो अब ये डीएल है ना, जैसे ये जो डीएल है ये बना रखा है मैंने, है ना, ये बिल्कुल एलिमेंट बाहर निकल रहा है। तो ये डीएल जो है मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, इस डीएल की वजह से जो यहाँ पे डीएल है मैंने बनाया बिल्कुल जो आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर निकल रहा है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो उसके बाद मैं इंटीग्रेट कर दूंगा ताकि नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ जाए। तो सबसे पहले मैं ये बनाता हूँ आर वेक्टर। आर वेक्टर कैसे बनेगा? इस डीएल एलिमेंट और पी पॉइंट को जिस पॉइंट पर निकालनी उस पॉइंट को ज्वाइन करके, तो ये बनेगा आपका आर वेक्टर। क्या बात समझ में? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। डीएल वेक्टर इस परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, सोच के देखो कैसे, क्योंकि डीएल वेक्टर बिल्कुल ऐसे निकल रहा है ऊपर की तरफ आपकी तरफ आता हुआ, है ना। और आर वेक्टर कैसा है? आर वेक्टर इस प्लेन में, तो क्या डीएल और आर वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है? हाँ बिल्कुल 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसका वो लिखूँ, फॉर्मूला लिखूँ, तो कितना आएगा भाई? डी बी आएगा आपके पास म्यू नॉट आई डी एल, और साइन थीटा आता था, क्या आता था? साइन थीटा, साइन 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है साइन 91, तो साइन 90 लिख दिया मैंने, और नीचे आ जाएगा 4πr². तो इस एलिमेंट की वजह से, डी बी एलिमेंट की वजह से आपके पास कितनी फील्ड आ रही है? म्यू नॉट आई डी एल अपन 4πr², ये सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से है। क्या बात समझ में? अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये डीएल आपका बिल्कुल स्क्रीन की तरफ बाहर निकल रहा है ऐसे, है ना, और आर वेक्टर आपका इस तरफ से, तो आप कैसे हाथ घुमाओगे अपना? हाथ आप ऐसे घुमाओगे क्योंकि डीएल बाहर निकल रहा है, तो आप हाथ अपनी तरफ रखोगे बिल्कुल। और आर वेक्टर किस तरफ है? आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो आप ऐसे हाथ घुमाओगे यूं। आर वेक्टर की डीएल ऊपर जा रहा है और आर वेक्टर ऐसे, तो आर वेक्टर की तरफ घूमना चाहिए हाथ, ये आर वेक्टर की तरफ हाथ घूम रहा है। मैं ऐसे नहीं घुमा रहा हूँ आर वेक्टर की तरफ, क्योंकि आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन के अंदर, तो मुझे हाथ ऐसे घुमाना है यूं, तो डीएल ऊपर और आर वेक्टर ऐसे, तो आपका जो डायरेक्शन है वो कैसी आई? इस डायरेक्शन में आ रही है, इंक्लाइंड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन आएगी इस डीएल की वजह से वो कितनी आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी कितनी? डी बी, जिसकी वैल्यू कितनी है? ये है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो ये डायरेक्शन आई वो कितनी आई? इस डायरेक्शन में आ गई। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, कौन सा एलिमेंट की? इस नीचे वाले डीएल एलिमेंट की बात करूं, तो क्या वो भी ऐसा ही है? ये भी आर वेक्टर होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या है दोनों की सेम है, और फॉर्मूला भी क्या आएगा? बिल्कुल सेम है, डायरेक्शन कितना आएगा? तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे? इसकी डायरेक्शन आएगी अपने पास, देखो कैसे, डीएल जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, है ना, तो आपको हाथ कैसे रखने पड़ेगा? अंदर की तरफ। ये देखो ये जो उंगलियां है मेरी वो अंदर की तरफ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ, और मुझे घुमाने किस तरफ है? आर वेक्टर, आर वेक्टर ऐसे है, यूं घूमनी चाहिए यूं। तो देखो घुमा के देखो, ये डीएल है, डीएल हाथ नीचे, और ये ऐसे, तो ये ऐसे घूमेगी ऐसे, ठीक है। तो आपका जो जो अंगूठा आएगा आपका, आप करके देखो साथ साथ, आपको जो अंगूठा आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? वो इस डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर जो आपका इस एलिमेंट की वजह से जो आपका डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो कितनी आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी। तो अपने को ये क्लियर बात हो गई कि देखो कि अगर कोई करंट एलिमेंट है, कोई सर्कुलर लूप है, तो यहाँ पर इस एलिमेंट की वजह से जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, और इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी डी बी है, ये भी डी बी है, ठीक है, बस डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक। तो अब मैं ये कहता हूँ आपको कि मान लो ये जो एंगल है फाई बनाती है, ये एंगल फाई बना रही, तो ये भी फाई बना रही होगी, ठीक है। अगर ये आर वेक्टर जो है ये एक्स है, ये भी आर वेक्टर है, ये फाई है, ये भी फाई है, ठीक है, और ये बड़ा कैपिटल आर है जो इसका रेडियस है, ठीक। और ये डीएल एलिमेंट मैं यहाँ पे माना था, एक डीएल एलिमेंट मैंने यहाँ पर माना था, यहाँ पर जा रही है ये बाहर, यहाँ पर जा रही है ये अंदर। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करूँ तो कंपोनेंट्स कैसे होंगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स करता हूँ तो देखो क्या होगा। आपको पता है कि जैसे डीएल क्रॉस आर में करता हूँ तो मेरे पास डीबी वेक्टर आता है। तो क्या पता है आपको कि डीएल और आर ये तो आपस में परपेंडिकुलर हैं इस चीज़, इस क्वेश्चन के अंदर, बट डीएल क्रॉस आर करने से जो डीबी वेक्टर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, डीएल के भी परपेंडिकुलर आएगा और आर के भी परपेंडिकुलर आएगा। भाई समझ में आती ना ये बात अपने को? जैसे यहाँ पर देखो, जैसे आप क्या लिखते हैं, डीएल क्रॉस आर लिखते हैं, ठीक है, तो
तो आपने अभी देखा था ना, पहले अपन क्या रखते थे, एफ इज टू क्यू वी क्रॉस बी, तो जो एफ आता था वो वी के भी परपेंडिकुलर आता था और बी के भी परपेंडिकुलर आता था। यहाँ पे जो डी बी आप लिख रहे हो वो इसके भी परपेंडिकुलर आएगा और इसके भी परपेंडिकुलर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर वेक्टर और डी बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर भी ये 90 डिग्री, क्योंकि आर वेक्टर और डी बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये फाई, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 90। ये कितना होगा आपका 90 माइनस फाई, क्योंकि ये एंगल कितना है, ये 90 है, तो ये 90 फाई, तो ये 90 माइनस फाई। अब ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, कैलकुलेशन देखो, ये टोटल 90 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, मान लो ये जो एंगल है ये आपका है थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई प्लस थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 माइनस फाइव प्लस थीटा कितना होना चाहिए, 90 माइनस फाइव प्लस थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 90 से 90 कट जाएगा, आपके पास थीटा आ जाएगा फाई के बराबर, तो आपका जो थीटा आया वो कितना आ गया, वो वापस फाई ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंपली, क्या लिखूंगा, फाई। ठीक, अब इसके कंपोनेंट्स करता हूँ मैं, कंपोनेंट्स करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी वी साइन फाई और ऊपर आ जाएगा डी बी कॉस फाई। कंपोनेंट कर दिए इसके, डी बी साइन फाई, सॉरी यहाँ पर डी बी कॉस फाई आएगा, क्या आ जाएगा, डी बी कॉस फाई, डी बी कॉस फाई, डी बी कॉस फाई, डी बी साइन फाई। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे डी बी, ये फाई है तो ये भी फाई होगा ना, बिल्कुल उसी तरह, तो ये भी डी बी कॉस फाई और ये हो जाएगा आपका डी बी साइन फाई। तो क्या पता चल रहा है, ये डी बी कॉस फाई से ये डी बी कॉस फाई कट जाएगा। जो आपके पास जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, वो सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन में आ रही है, इसी डायरेक्शन के अंदर। तो एक जो एलिमेंट है, जो एक एलिमेंट है डी एल, उसकी वजह से आप ऐसे मान सकते हो कि डी बी साइन फाई ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है, लगा रहा है ये इस डायरेक्शन के अंदर। एक डी एल की वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक डी एल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, डी बी साइन फाई मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में। अब इतनी अगर लग रही है एक डी एल की वजह से, तो मुझे टोटल एलिमेंट के निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी, वो डी बी आ जाएगी। तो मैं बोलता हूँ कि डी बी जो आएगा मेरे पास, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो आएगी अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई, ये आएगी। डी बी की वैल्यू कितनी थी, डी बी की वैल्यू, डी बी की वैल्यू थी आपके पास म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, कितनी थी, ये आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। क्या बात समझ में आई, ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि डी बी कॉस फाई से डी बी कॉस फाई कट जाएगी, हर एलिमेंट के लिए ऐसा करता रहेगा। तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, आई कैप डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक, अब यहाँ पे जो आर है ना, ये छोटा आर है, ये क्या है, ये है ये वाली लेंथ, कौन सी वाली लेंथ, ये वाली। ठीक है, तो ये भी सबके लिए क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक, और ये जो आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी बड़ी आर, मतलब जो कैपिटल आर है वो होगा आपका रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक, अच्छा अब यहां से मुझे एक चीज पता लगानी है कि साइन फाई तो लिखूंगा ना मैं कुछ, यहां पे साइन फाई को मैं आर से कुछ रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, क्योंकि फाई के टर्म्स में कैसे इंटीग्रेट करूंगा, यहां पर डीएल भी आना चाहिए, यहां पर डीएल भी आएगा, डीएल लिखना भूल गया मैं, यहां पर डीएल भी आएगा म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। ठीक है, यही था ना, म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, साइन फाई ये ऊपर से आ गया। ठीक है, अब साइन फाई को कैसे लिखूंगा, ये फाई है, देखो ये फाई है। ठीक है, साइन फाई कैसे होगा, ये होगा फाई, यहां से अगर मैं लिखना चाहूँ, ये जो एंगल, जो ट्रायंगल बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ये एंगल है आपके पास फाई, ये डिस्टेंस है एक्स, ये है आर और ये है स्मॉल आर। अब मुझे साइन फाई लिखना हो तो साइन फाई कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन फाई में लिखूंगा इस इक्वल्स टू आर अपॉन कैपिटल स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर को मैं लिख सकता हूँ आर अपॉन, क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब की पावर हाफ। तो आपका जो साइन फाई की वैल्यू आई, जो आपके पास साइन फाई की वैल्यू आई वो कितनी आई, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ। तो यहाँ से आप लिख दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास
इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r² इंटू यह जाएगा आन आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ इंटू dl का इंटीग्रेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो, अब इसको इंटीग्रेट करना है मुझे। यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है ये देख लो। इधर आपका म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, क्या आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर को अपन वापस लिख सकते हैं, जैसे आर को अपन ने यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पर क्या लिखा था अपन ने आर को, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दो, कैसी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर की, ये क्या लिखी थी अपन, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये आ जाएगी आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, नहीं हाफ नहीं, हाँ हाफ की पावर होल स्क्वायर। भाई आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और फिर आर का भी आपने होल स्क्वायर कर रखा, तो ये होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ये तो पहले का ही है, ठीक है, और ये ऊपर आर है और यहाँ डी एल है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई, ये 2 से ये 2 कट जाएगा है ना, हाफ की पावर स्क्वायर ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, ये बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। इसको आप आगे और सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई, ये क्या हो जाएगा, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो टोटल पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है, तो 3/2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर बार बार मैं डी एल लिखना बोल रहा हूँ, ये डी एल यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है ना, यहाँ से। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है, यू म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि अपन एक डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं ना एक्स पे, तो सब कुछ कांस्टेंट है। अच्छा अब बाहर निकाल लो, जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, जो बी की वैल्यू आने वाली है आपके पास, वो कितनी आने वाली है, म्यू नॉट बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, अपन 4 पाई r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, डी एल का इंटीग्रेशन, क्या बच गया अंदर, डी एल का इंटीग्रेशन। अब डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, अपने क्या एलिमेंट माना था, अपन ने एलिमेंट माने था ये एक लूप का एक छोटा सा एलिमेंट डी एल, तो टोटल लूप की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई R, जो सर्कमफेरेंस होता है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई r। तो यहाँ से ये 2 पाई और 4 पाई कट जाएगा, ये अंदर बचेगा यहाँ पर 2, ये आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो आपके पास ये वैल्यू फाइनल आ जाएगी, और किस डायरेक्शन में लग रही है, ये लग रही है इस डायरेक्शन में, आई कैप में, ठीक है, आई कैप में। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बी वेक्टर आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे सर्कुलर लूप की वजह से, इस पूरे सर्कुलर लूप की वजह से इस पी पॉइंट पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आ रही है, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, छोटा सा एलिमेंट मानो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर टोटल इंटीग्रेट कर दो। अब इसका जो आपको याद रखना है, जो जैसे हम जो मैग्नेट फील्ड निकालते हैं, वो हमेशा आप ऐसे तो निकालने बैठोगे नहीं, है ना, कि ये डी बी कॉस फाई कर रहे हो, उससे उससे कट गया, फिर ये ऐसे नेटी तरह आ रही है, ऐसा नहीं करना है। अब सर्कुलर लूप के लिए क्या करना है, क्योंकि डी एल जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में करंट है ना, जिस डायरेक्शन में डी एल उसी डायरेक्शन में करंट, तो आपको ऐसे करना है, सर्कुलर लूप के साथ हाथ घुमाना है, लूप के साथ जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है उस डायरेक्शन में आपको हाथ घुमाना है लूप के साथ, और जहाँ पे आपका जो थंब है वो पॉइंट करेगा वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो देखो इस डायरेक्शन में कैसी होगी, आपका लूप ऐसा है तो आप कैसे घुमाओगे, यूं घुमाओगे, क्योंकि आपका करंट ऐसे निकलते हुए अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, तो ऐसे आप यूं घुमाओगे हाथ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, इस तरफ आ रही है, और अभी भी अपनी कैसी आई थी, इस तरफ ही आई थी। तो कोई भी आपको लूप गिवन हो, आपको करंट के साथ, करंट लूप के साथ आपको अपना हाथ घुमाना है, हाथ किस डायरेक्शन में घुमाना है, जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी आएगी वो आपका थंब बता देगा। क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ से इस फॉर्मूले के अंदर अगर आपको एक्स जीरो पुट कर दोगे, एक्स जीरो पुट कर दोगे, तो एक्स जीरो पुट करने का मतलब क्या है, आप बिल्कुल यहाँ सेंटर में निकाल रहे हो, एक्स जीरो हो गया इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में निकाल रहे हो, तो देखो वही फॉर्मूला आ जाएगा वापस,
क्या फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r² प्लस 0³। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये क्या जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r³। ये r² से r² कट गया और यहाँ पे बच गया r, तो आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई म्यू नॉट आई अपॉन 2 r। क्या बात समझ में आई? तो ये वाली पहले वाला जो फॉर्मूला अपन ने ड्राइव करा था वही चीज़ वापस आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्शन अच्छे समझ में आने चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन एम्पियर्स सर्किटल लॉ पे। तो जैसे बायो सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि अपनी जो एक करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देता है। ये भी अल्टरनेट मेथड है किसका, किसी वायर के वजह से एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, पर तरीका दूसरा और काफ़ी आसान तरीका है ना, ये ज़्यादा सिंपल है और इसकी वजह से अपन कुछ सिमेट्रिकल फिगर्स का यूज़ कर पाएंगे, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है लॉ, ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एल्जेब्रिक सम क्रॉसिंग द एरिया एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड कर्व और लूप। तो ये एक डेफिनेशन है, आपको ये याद रखना है। तो ये लॉ ये कहता है कि जैसे कोई लूप है ना, ये मैंने लूप बनाया है, एक क्या बनाया है एक लूप, क्लोज्ड लूप, ठीक है। इसमें से कोई ये इमेजिनरी लूप है ये, है ना, इसमें से कोई करंट वारंट नहीं बह रहा है, करंट तो बीच में से जो वायर निकल रहा है उसमें बह रहा है, ये इमेजिनरी लूप है जो मैं बना रहा हूँ अपनी इमेजिनेशन में, ठीक है, क्लोज्ड लूप। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर ऐसे क्लोज्ड लूप आप बनाओ, है ना, किसी वायर के अराउंड जिसके अंदर से आप जो आई है वो करंट है वो पास कर रहा हो, तो आप इस पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, किस पॉइंट पर, इस लूप के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, यहाँ पे मान लो बी है ना, तो बी डॉट डी एल, ये डी एल क्या है, ये डी एल है, ये वाला यहाँ पर, ये जो डी एल है ना, ये एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, लेंथ एलिमेंट है ना, जिसमें करंट नहीं बह रहा, इसमें से करंट नहीं बह रहा है लूप में से, ये इमेजिनरी लूप है, ठीक। तो बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, करंट पासिंग थ्रू इट। तो ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ है। तो अगर इस केस के अंदर मैं अप्लाई करूं तो आप क्या बोल सकते हो, इस केस के अंदर, किस केस के अंदर, इस वाले में, तो आप बोल सकते हो बी डॉट डी एल जो आएगा इसका लाइन इंटीग्रल वो होगा म्यू नॉट इंटू कितना करंट पास कर रहा है इस लूप के अंदर से, आई करंट पास कर रहा है। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई, बस इतना ही सही ये लॉ है, ठीक। अब एक करंट जरूरी नहीं एक ही करंट फ्लो कर रहा हो, बहुत सारे करंट फ्लो कर सकते हैं अंदर से, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एक और लूप बनाता हूँ यहाँ पर ऐसे, और इसमें से दो करंट पास कर रहे हैं, एक ऐसे जा रहा है यहाँ से निकल रहा है और एक ऐसे जा रहा है यहाँ से निकल रहा है। तो मान लो इसमें से जा रहा है आई वन, इसमें से जा रहा है आई टू, तो क्या लिखोगे आप, आपको किसी पॉइंट पर इस क्लोज्ड लूप आपने जो बनाया है ना, जिसके अंदर से I1 I2 फ्लो कर रहे हैं, ये क्लोज लूप की अगर आप मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी हो तो क्या लिखोगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ I, समेशन ऑफ करंट पासिंग थ्रू लूप। अपने को सिर्फ अंदर के जो लूप के अंदर के जो करंट्स हैं ना उनसे मतलब है, बाहर के करंट से मतलब नहीं है, अंदर के करंट से मतलब है सिर्फ। तो अंदर के करंट कौन से है, I1 और I2 है, तो सम कर दो I1 प्लस I2। तो ये डेफिनेशन हो गई, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। अब यहाँ से इंटीग्रल आप निकाल सकते हो dl का, तो b आपके पास निकल कर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, एक क्वेश्चन और देखो। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे इसमें कोई कन्वेंशन है ना, जैसे ये लूप आपने बनाया है तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई वायर ऊपर की तरफ जा रहा है ना, कोई वायर ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे I1 ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और एक करंट ऐसे भी तो फ्लो कर सकता है नीचे की तरफ, भाई एक करंट ऊपर की तरफ जा सकता है, करंट नीचे की तरफ जा सकता है, तो जो करंट ऊपर जा रहे होते हैं ना, जो ऊपर जा रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और जो नीचे जा रहे होते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं, ये कन्वेंशन है आपको याद रखना है। तो उसका एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, अच्छा सा क्या होगा, देखो ऐसे ये एक लूप बनाया मैंने क्लोज्ड लूप, ठीक, इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये तीन वायर मैंने बना दी है, ये I1, ये I2 और ये I3। अब यहाँ पर मुझे इस लूप के लिए अगर मुझे एम्पियर्स लॉ लगाना हो तो क्या लिखूँगा, भाई B डॉट DL, तो वही आएगा B डॉट DL,
कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई का समेशन, जितना करंट इसके अंदर से पास कर रहा है, अंदर से कितना करंट पास कर रहा है, आई वन, ऊपर की वाली डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लिए थे ना, इसमें भी ऊपर जा रहे थे दोनों, तो आई वन आई टू दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें भी ऊपर आई जा रहा था तो आई पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, आई वन ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, आई वन, आई टू कहाँ जा रहा है, आई टू नीचे जा रहा है तो आई टू का आगे लगाऊंगा नेगेटिव। अब आई थ्री कहाँ जा रहा है, आई थ्री वापस ऊपर जा रहा है तो आई थ्री के आगे लगाऊंगा पॉजिटिव। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बाहर कोई वायर बना दूं, जैसे मान लो यहाँ पर कोई वायर है, ठीक है, और इसमें से करंट जा रहा है आई फोर, आई फोर, तो क्या वैल्यू चेंज होगी, वापस आंसर आएगा आपके पास बी डॉट डी एल, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई वन ऊपर जा रहा है, आई टू नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, प्लस आई थ्री क्योंकि ऊपर जा रहा है, और आई फोर के साथ कुछ है क्या, नहीं, क्योंकि आई फोर जो है लूप के बाहर है, और जो बाहर होते हैं करंट उसका कोई लेना देना नहीं है इस फॉर्मूले से। आपको इसके अंदर जितने भी आई पुट करने हैं इस फॉर्मूले के अंदर, जो आपका समेशन ऑफ आई है, इसके अंदर सिर्फ वही करंट्स आएंगे जो कि लूप के अंदर है, जो कि लूप के अंदर है, ठीक है, जो बाहर हैं आपके, जो जो भी करंट, कितने भी करंट आप बाहर दे दो, यहाँ पे बहुत सारे करंट्स बना सकते हो आप इधर, तो कोई फॉर्मूले में चेंज आने वाला नहीं है, कितने भी आप करंट बाहर की साइड बना दो, सिर्फ अपने को किन करंट से मतलब है, जो कि करंट्स अंदर से पास कर रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लो सिंपल सा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया, ठीक। तो एक ये लूप मैंने बनाया, इसमें से करंट एक पास कर रहा है ऐसे, एक ये ऐसे और एक ये ऐसे, मान लो ये क्या है आपका, ये I2 है, एक करंट बाहर पास कर रहा है, एक करंट यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, यहाँ से पास कर रहा है, तो ये बोल देता हूँ मैं आई वन है, ये आई टू है, ये आई थ्री, ये आई फोर और ये आई फाइव। तो आपको निकालना है बी डॉट डी एल कितना आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल कितना आएगा, तो आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई, मुझे सिर्फ अंदर अंदर वाले आई से मतलब है, बाहर वाले आई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो कितना है, अंदर वाले कितने हैं, आई वन के अंदर का है, नहीं कोई मतलब नहीं है, आई टू, आई टू ऊपर जा रहा है, अंदर भी है तो लिखेंगे इसको, आई टू ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, आई थ्री भी ऊपर जा रहा है तो फिर पॉजिटिव, और आई फोर नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। क्या बात समझ में आई, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो कन्वेंशन याद करना है, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, ठीक, और बाहर वाले तार से कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो यह है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस क्या है ना, अपन ने इसको लॉ को क्यों पढ़ा, तो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट या फिर लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, है ना, कोई बहुत लंबा तार है जो कि इन्फिनाइट तक एक्सटेंड हो रहा है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगती है, किस डायरेक्शन में लगती है, तो वो निकालेंगे अपन ACL से, एम्पियर सर्किटल लॉ से। कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास ये फिगर गिवन है, अब आपको ये स्ट्रेट वायर गिवन है, बिल्कुल है ना, स्ट्रेट है बिल्कुल, ऊपर से यहाँ पे भी इन्फिनिटी पे जा रहा है और यहाँ पे भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या फॉर्मुलेट करना है इसके अंदर, कि एक आपके पास पॉइंट है यहाँ पर r डिस्टेंस पे p पॉइंट, आपको निकालना कि इस वायर की वजह से, इस लॉन्ग इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से इस p पॉइंट पर कितनी जो मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके लिए अपन ACL का यूज़ करेंगे। देखो कैसे, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लूप बनाता हूँ, जैसे अपन ACL में क्या चाहिए, अपने को एक लूप चाहिए जिसके अंदर से ये करंट पास कर रहा हूँ, तो मैं एक लूप बनाऊंगा इमेजिनरी, तो एक लूप में ऐसे बनाऊंगा, ये एक लूप मैंने बना दिया, ठीक है, क्लोज्ड लूप। क्या बात समझ में आई। अब इस क्लोज्ड लूप के लिए मुझे फॉर्मूला लिखना आता है, तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है, ये बी क्या है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इन टू करंट पासिंग थ्रू इन साइड द लूप। तो करंट कितना पास कर रहा है इस वायर से, आई पास कर रहा है, तो ये पास कर रहा है, ठीक। अब सुनो ध्यान से क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो डीएल होता है यहां पर, इस फॉर्मूले के अंदर जो डीएल होता है ये क्या होता है, ये इस लूप का होता है ना, ये किसका होता है, इस लूप का, ये कोई करंट का नहीं है ना, ये किसका है, ये लूप का है। तो डीएल कैसा होगा अपना, डीएल होगा अंदर जाते हुए, दिख रहा है क्या, क्योंकि अपन ने ऐसे लूप बनाया है तो अंदर जाते हुए होगा डीएल, है ना, तो डीएल कैसा बनाऊंगा, अंदर जाते हुए ऐसे, ऐसे होगा।
और अगर आप बी बनाओगे, ये जो बीपी है ना, अगर मैं एक वायर की वजह से निकालना चाहूँ तो वायर की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आती है, डायरेक्शन निकालना आता है, कैसे निकालूंगा? देखो ये जो आई जा रहा है तो क्या होता है, डीएल जो एल क्रॉस आर, मतलब ये डीएल एलिमेंट है जो अपन बायो सावर्ट्स लॉ से लिखते थे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर आर क्यूब। तो डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्या, करंट की डायरेक्शन, आर ये रहा, तो क्या लिखेंगे, ये आई एस ए आर, डीएल क्रॉस आर डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो भी अंदर की तरफ आ रही है। तो ये डायरेक्शन किसकी हुई, ये आपकी हुई डायरेक्शन डीएल की, ये डायरेक्शन किसकी हुई, ये हुई आपकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्या पता चल रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बी डॉट डीएल, डॉट प्रोडक्ट लिखा है, तो लिख सकता हूँ इसको मैं बी डॉट डीएल, इसका मैं लिख सकता हूँ मैं बी डीएल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। क्या बात समझ में आई, डॉट प्रोडक्ट को मैंने खोल दिया, डॉट प्रोडक्ट खोला तो कॉस थीटा आया, थीटा क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि बीपी और डीएल के बीच में अभी मैंने पता लगाया कि 0 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे 0 लिख दो, क्या क्या लिख दो, 0। जैसे ही 0 हो गए, कॉस 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा बी डीएल, इसमें से बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा निकल के, तो क्या आ जाएगा, बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब डीएल क्या है, डीएल है इस क्लोज्ड लूप का, ये डीएल क्या है, इस क्लोज्ड लूप का, ये डीएल है यहाँ पर, है ना, तो डीएल इस क्लोज्ड लूप का एक छोटा सा एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितना होगा, टोटल लेंथ कितनी होगी, डीएल की इंटीग्रल कितनी होगा, 2πr होगा, क्या होगा, 2πr बी वैक्टर इंटू 2π स्मॉल आर इंटू म्यू नॉट अपॉन आई। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू हो गई, बी वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो आपके पास जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर या इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई किसी पॉइंट आर डिस्टेंस पर, है ना, ये आर डिस्टेंस पर है ना, ये आर डिस्टेंस, ये पी पॉइंट क्या है, ये आर डिस्टेंस पर है, तो आर डिस्टेंस पे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आई इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से कितनी आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। और कौन से डायरेक्शन में आ रही थी, वो क्रॉस में आ रही थी, क्रॉस में जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, अगर नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होता तो ये ऊपर की तरफ आती। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन आती है लॉन्ग सॉलेनॉइड। लॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, लॉन्ग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो लेंथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इट्स रेडियस, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो सॉलेनॉइड दिखता कैसा है, सॉलेनॉइड कुछ इस तरह से होता है। तो आप कर क्या रहे हो इसके अंदर, कि आपने कोई एक एक सिलेंडर का ब्लॉक लिया और उस पर जो वायर है आपने लपेट दिया ऐसे ऐसे गोल गोल, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फिगर में, ऐसे ऐसे आपने करके इसको लपेट दिया है, तो ऐसे बहुत सारे टर्न्स आपने बना दिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टर्न्स बना दिए, तो ऐसा कुछ आपका सॉलोनॉइड दिखता है। अब देखो इसके अंदर ये सॉलोनॉइड जो अपने को दिख रहा है ना, अगर अपन लॉन्ग सॉलोनॉइड की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखेगा, कितने सारे टर्न्स है देखो, है ना, मतलब इसकी लंबाई और ज़्यादा कर दो, जो अपन आइडियल सॉलोनॉइड की बात करते हैं तो ये कुछ रियलिस्टिक फिगर है किसकी, सॉलोनॉइड की, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वायर्स ऐसे लपेट रखे हैं बिल्कुल, ठीक है, ये सॉलोनॉइड हो गया। अच्छा लॉन्ग सॉलोनॉइड क्या होता है, अब मैग्नेटिक फील्ड की अपन बात करें अगर, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे बात करेंगे, देखो अगर ये करंट ऐसे बह रहा है ना, जैसे ये लूप ही तो है ना भाई, बहुत सारे सर्कुलर लूप से मिलकर ही तो सॉलोनॉइड बना हुआ है, बहुत सारे सर्कुलर लूप्स अपन बात करते थे जो सर्कुलर लूप्स की, उसके अंदर बनना, ऐसे बहुत सारे सर्कुलर लूप्स इसमें बन गए, ठीक है। तो एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, भाई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो अपन ऐसे फ्लो करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि इस सर्कल जो लूप है वो ऐसे बन रहा है इस केस के अंदर, करंट ऐसे ज़्यादा, मैं आपको बताया था जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमाओ तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब आएगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ये करंट ऐसे बह रहा है, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है, तो आप ऐसे घुमाओगे तो आपका जो डायरेक्शन है वो कैसे आया, इस डायरेक्शन में आया। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी कैसी लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसकी जो कंडीशन आपको याद रखनी है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, क्योंकि अपन लॉन्ग सोलेनोइड की बात कर रहे हैं तो इतना कम डिस्टेंस होता है, मतलब ऐसे मानो ये ऐसे होगा वो सोलेनोइड, यूं इसमें टर्न्स होंगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो ये लेंथ बहुत ज़्यादा है और जो रेडियस है वो बहुत कम है, तो आप मान सकते हो कि आइडियल सोलेनोइड या लॉन्ग सोलेनोइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, अंदर की तरफ यूनिफॉर्म होती है, मीन्स अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सॉलोनॉइड। ये तो अपने देखा ही था अभी, क्योंकि अपने को पता है एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे निकलती है, भाई इसकी वजह से कैसे निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे निकलती है ना, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है।
तो ऐसे निकलती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। तो क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड इज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड व्हाइल द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो। यहाँ पर अपन जीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है, अपन बस सोलेनॉइड के अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड मान रहे हैं, उसके बाहर आउटसाइड में मतलब जैसे ये है तो इसके अंदर, इसके जो अंदर इसका जो कोर है वहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी पर बाहर जीरो होगी, यहाँ पर जीरो होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में भी सीधा सीधा गिवन है, आपको ये कंडीशन याद रखनी है। अच्छा अब इसके डेरिवेशन पे देखना है अपने को, का डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो ये कुछ फिगर मैंने आपके सामने बनाई है ना, ये सोलेनॉइड है, ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि ये पीछे की तरफ से है ना, ये गोल है ना ऐसे, ये गोल है ऐसा यूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ सिलेंडर लिखा हुआ है ये। तो ये पीछे की तरफ से ऐसे बाहर के निकलते हुए, यहाँ से ये जो वायर है, ये जो करंट है, ये बाहर निकलते हुए आ रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो वायर है ये ऐसे बाहर निकल रहा है, इधर से आपकी तरफ आ रहा है, और ऐसे घूम के ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से क्रॉस होगी, तो यहाँ से भी बिल्कुल ऐसे ही अंदर की तरफ गया, पीछे से वापस घूम के बाहर आया, यहाँ पे फिर अंदर चला गया, फिर यहाँ पे बाहर आया, यहाँ पे अंदर चला गया। तो उसको मैं बोल सकता हूँ ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा इस टाइप से, यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, सारे करंट्स बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे ये अंदर जा रही है, हर वायर के लिए बना रहा हूँ मैं, हर वायर के लिए, ठीक है। मान लो अभी इतने ही लूप, इतने ही टर्न्स मैंने बनाए हैं सिर्फ, ठीक है। तो कुछ ऐसी फिगर अपने को दिख रही है यहाँ पर, है ना। और अगर इसका साइड में प्रोफाइल बनाऊँ, साइड प्रोफाइल, तो साइड प्रोफाइल कैसे बनेगा, अगर इसको आप सीधा ऐसे क्रॉस सेक्शन वाइज देखो तो क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि गोल है ना ये, तो ऐसे करंट इसमें जा रहा होगा यूँ, आई यहाँ से और यहाँ से नीचे आ रहा होगा, ठीक। तो ऐसे ये ऐसे घुमा रहे हो आप, करंट यहाँ से आ रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे आ रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, इस टाइप से होगी। इतनी बात हमें क्लियर है। अच्छा अब हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि ये इसकी वैल्यू है कितनी। अपन ने मानी कि इस लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर अपन डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर इसके सेंटर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करूँगा। देखो जो अब मैंने फिगर बनाया ना, वो किसी काम का फिगर है, ये आप मान के चलो कि यहाँ पर ऐसे ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये ऐसे बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से ये अंदर जा रहा है, अब मैं एसीएल का यूज़ करके इसको डिराइव करूँगा कि इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं मानता हूँ मैं एक क्या बनाऊँगा, एक लूप बनाऊँगा, भाई लूप तो कैसा भी हो सकता है, तो मैं एक रेक्टेंगल लूप बना रहा हूँ यहाँ पर ऐसे, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया, रेक्टेंगुलर लूप। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब क्या होगा, इसको मैं नेम कर देता हूँ यहाँ पे, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब मुझे अगर इस पर ए सी एल लगाना हो तो मैं क्या लिखूँगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इस पूरे लूप का, है ना, पूरे लूप का लाइन इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ये बी जो इस पॉइंट पर निकालनी है, डॉट डी एल, डी एल क्या है, इसका एलिमेंट है ना, लूप का एलिमेंट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ करंट। देखो समेशन ऑफ करंट सारे के सारे बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, मतलब ऊपर आ रहे हैं एक तरह से, तो पॉजिटिव लेना, कितने आ रहे हैं भाई, आई तो आई रहा है एक वायर से, सब जितने देखो ये लूप्स है ना सारे ही ऐसे, तो यहाँ से अगर आई निकल रहा है तो यहाँ से भी आई निकल रहा है, यहाँ से भी आई निकल रहा है, यहाँ से भी आई निकल रहा है। तो अगर कितने टर्न्स आपने लिए हैं उस पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने वैल्यू हैं, अपने को क्या निकालना है, इस लूप के अंदर जितने भी करंट्स हैं उनकी यहाँ पे समेशन करना होगा। तो एक वायर में से कितना करंट निकल रहा है, आई निकल रहा है, और ऐसे कितने सारे वायर्स हैं, बहुत सारे वायर्स हैं जो बाहर निकलते हुए आ रहे हैं इससे। तो मान लो आपने एन टर्न्स इस लूप में लिए, कितने ऐसे, मतलब इसके अंदर एन टर्न्स हैं, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एन टर्न्स हैं, मान लो ये कितने टर्न्स हैं, ये एन टर्न्स है, एक दो तीन चार ऐसे करके। तो अगर एक में से आई निकल रहा है तो कितने टर्न्स होंगे, एन टर्न्स होंगे, तो एन इंटू आई, क्या बात समझ में आ रही है, एन इंटू आई। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एन लिख दूंगा, क्या क्या रहूँगा, आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, कितनी बार, एन बार, सबके सब ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो सबके आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस, तो ऐसे करके आई इंटू एन, तो ये आ गया। तो अपने पास जो फॉर्मूला आया वो ये आया, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो अभी तक तो ये अपने पास ये फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अब मुझे लाइन इंटीग्रल करना है, लाइन इंटीग्रल करना है, तो लाइन इंटीग्रल करने के लिए क्या करूँगा मैं,
अब अलग अलग हिस्से हैं, एक ए बी हिस्सा, एक बी सी हिस्सा, एक सी डी, एक ए डी ए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो इस लाइन इंटीग्रल को लिखता हूँ मैं, लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, बी डॉट डी एल प्लस बी टू सी, बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी, बी डॉट डी एल प्लस डी टू ए, बी डॉट डी एल। मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ मैंने खोल के लिख दिया है इसको, इस फॉर्मूले को मैंने सिर्फ खोल कर लिख दिया है। किसको? बी डॉट डी एल को। भाई लूप क्या है? ए बी सी डी है, तो ए बी बी सी सी डी और डी, ऐसे लूप खोल के लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, अब क्या हो रहा है कि मुझे पता था कि जो इसमें डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो कैसी होगी? ऐसी, यू, इस डायरेक्शन में होगी। तो मुझे पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो तो इस टाइप से है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये तो मुझे पता है ऑलरेडी, है ना, क्योंकि अपने लूप से ऐसे करके निकाल दिए। अब देखो, अब क्या होगा कि अगर मैं बी डॉट डी एल की बात करूँ तो इसमें भी कॉस थीटा आएगा, है ना, इसमें भी कॉस थीटा आएगा। तो अगर मैं ए बी लूप के लिए बात करूँ तो ए बी लूप के लिए डी एल क्या है? ये डी एल है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड है आपकी इस डायरेक्शन में, तो डी एल, इस डी एल और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो कॉस 90 हो जाएगा, बी डॉट डी एल है ना, कॉस 90, ये हो जाएगा 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये डी एल, डी एल किसका होता है? लूप का होता है। डी एल ऐसी, अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डी एल ऐसे कॉस 90 0। अच्छा, बी सी के लिए, ये बी सी बाहर है। अब इस बी सी के लिए बी तो वैसे भी 0 है, अपन ने माना था ना कि जो बी होता है आउटसाइड द सोलेनोइड, क्योंकि बी सी क्या है? आउटसाइड है ना, ये जो बी सी है ये आउटसाइड द सोलेनोइड, तो यहाँ पर बी क्या होता है आपका? 0 होता है। तो अगर 0 है, बी 0 है, तो ये बी 0 इंटू डी एल, ये 0, तो ये टर्म भी कितनी हो गई? 0 हो गई। अब सी डी की बात करते हैं, सी डी भी बिल्कुल वैसा ही है। सी डी का जो एलिमेंट है डी एल, वो ऐसा है, आपकी बी ऐसी है, 90, कॉस 90 0, तो ये भी कितना हो गया आपका? 0 हो गया। अब बात करते हैं ए डी की, है ना। अब ए डी के अंदर क्या केस है? भाई ए डी क्या है? ये, तो उसका डी एल एलिमेंट क्या होगा? ये ए डी है, तो उसका डी एल एलिमेंट ऐसे मान लो। और बी भी कैसा है? वो भी ऐसा ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो कॉस 0 के उतना होता है, 1 होता है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो आया बी डी एल कॉस 0, ये क्या है? डी से ए इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ से आप निकाल लो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बी तो बाहर आ जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म मानते हैं अपन, तो यूनिफॉर्म में बी बाहर आ गया, कॉस 0 1 हो गया, इंटीग्रेशन हो गया डी एल का, कौन सी लेंथ? डी से ए तक, ये आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट एन आई, इतना आ गया। डी एल क्या है? डी एल है इस सॉलिनॉइड की लेंथ, है ना, ये जो अपन ने लूप माना है, इस लूप की लेंथ क्या होगी आपका? डी ए की लेंथ होगी। तो लेंथ मान लो, अगर उसका एल है उसकी लेंथ, ठीक है, तो एल कितनी आएगी? बी इंटू एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन अपॉन एल। इसको आप और फॉर्मुलेट करके ले सकते हो, जो बी आपके पास आया फाइनली वो आएगा म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल एन। ये जो स्मॉल एन है ये है एन अपॉन एल। ये क्या है एन अपॉन एल? क्या है इसको ध्यान से देखो, एन जो लिखा मैंने वो लिखा एन अपॉन एल, एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स, और ये क्या है? लेंथ, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। तो आपका जो एन होगा, स्मॉल एन होगा, वो क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी को म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल एन। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया। टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड होता है आपका जब आप सोलेनॉइड को, जो हमने अभी पढ़ा है, उसको आप बेंड करके एक पूरा लूप बना देते हो। ठीक है, मतलब आपका जो सोलेनॉइड ऐसा लंबा सा था उसको आपने बेंड कर दिया यूं, तो ऐसा बन जाएगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये पहले पूरा ऐसा था, तो इसने आप क्या कर दिया, आपने इसको ऐसे बेंड करके कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये टॉरॉइड हो गया, ऐसा आप देख सकते हो ऊपर से ऐसा, कैसा है ये, ऐसे ऐसे राइंड अप हो रहा है, तो आपने ये गोल सर्कुलर बना दिया इसको पूरा टोटल कुल मिला के। ठीक है, तो वही कंडीशन है, सब कुछ वही चीज़ें। अब वापस अपने को एसीएल लगा के इसके बाहर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, और इसके यहाँ पर, इसके बिल्कुल सेंटर में भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? एसीएल की मदद से, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो देखो क्या होगा,
अगर मैं ऐसा कोई लूप बनाता हूँ, है ना, ये मैंने एक टॉरॉइड बनाया, ठीक है, ये टॉरॉइड है। अब देखना, अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि यहाँ से वायर ऐसे निकल रहा है, मतलब ये ऐसे, ये मैंने लपेट दिया ऐसे वायर को, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। तो इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊँ तो ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ यहाँ से वायर बाहर निकलते हुए आ रहा है, जैसे अपन सॉलिनॉइड में डिस्कस करते थे, है ना, यहाँ से वायर बाहर निकलते हुए आ रहा है, और यहाँ पे वायर अंदर जा रहा है, यहाँ पे वायर अंदर जा रहा है। समझ में आ रही ना ये फिगर कैसे हो रहा है, ऐसे ही, जैसे यहाँ से ये बाहर गया, यहाँ से ये अंदर जा रहा होगा नीचे से, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है बाहर, है ना, ऊपर की तरफ आ रहा है, और नीचे उस उल्टी साइड से नीचे जा रहा होगा, जैसे ये नीचे जा रहा है यहाँ से, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। अब इसको अपने को ACL में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, लूप मानना पड़ेगा। अब अगर लूप मानना है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, अब अपने को क्या क्या चाहिए, जहाँ जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहाँ वहाँ की लूप बना दो। तो बनाओ लूप, कैसे बनेंगे, एक लूप बना दो बाहर, ताकि मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकूँ, है ना, बी डॉट डी एल के अंदर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। एक लूप बना दो अंदर की तरफ, ताकि मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाए इसके अंदर, और एक लूप बना दो यहाँ पर। तो जितने भी ग्रीन पेन से मैंने बनाया है वो सारे लूप्स हैं, ठीक है, लूप वन, लूप टू और लूप थ्री। तो लूप वन की बात करते हैं, अगर लूप वन की मैं बात करूँ, जो सबसे आउटर मोस्ट लूप है, तो उसमें अगर मैं लाइन इंटीग्रल लगाऊंगा बी डॉट डी एल, तो कितना आएगा, म्यू नॉट इंटू, फॉर लूप वन की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लूप की, तो कितना आएगा, म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई। अब देखो, अगर यहाँ से आई करंट बाहर जा रहा है ना, आई करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो नीचे भी कितना जा रहा होगा, आई तो जा रहा होगा भाई, लपेट तो सब कुछ रखा है ना, तो अगर आई ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आई जा रहा होगा। तो अगर ऊपर वाले को अपन क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आई। फिर उसके बाद इसके, क्योंकि ACL के अंदर अपन अंदर जितने भी करंट है, अंदर जितने भी करंट है अंदर, उनका सबका समेशन करते हैं, तो एक तो बाहर वाले का करंट हो गया समेशन, है ना, जितने भी करंट बाहर निकल रहे हैं आई हो गया, और एक अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ कितने जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, तो अंदर जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो लिखूंगा माइनस आई, तो ये हो जाएगा जीरो। तो जो टॉयलेट के जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कितनी आती है, जीरो आती है, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, या कोई भी बाहर टॉयलेट के बाहर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। अब सेकेंड लूप की बात करते हैं, जब आप सेकेंड लूप की बात करोगे, सेकेंड लूप में क्या होगा, सेकेंड लूप के अंदर आपके पास कुछ ऐसा फिगर था वो, ठीक है, और आपका ये सेकेंड लूप था। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ से ये बाहर निकल रहा था और यहाँ पर ही अंदर जा रहा था। तो मान लो n टर्न्स हैं आपके पास, कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं। तो अब मैं इस लूप के लिए लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, कितना आई करंट पास कर रहा है। तो मान लो आई करंट एक लूप से पास करता है, तो n टर्न्स है तो कितना पास करेगा, n इंटू आई पास करेगा। तो अगर यहाँ से बाहर निकलता हुआ n, कैपिटल n इंटू आई आ रहा है, तो अंदर कितना जा रहा होगा, n इंटू आई जा रहा होगा, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इस लूप के अंदर अंदर वाले तारों से मतलब है, तो क्या अंदर वाले तार बस यही वाले हैं जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्या मुझे इन तार से मतलब है जो कि बाहर वाले हैं, इन तार से मतलब है क्या, नहीं, क्योंकि ये आउटसाइड द लूप है, जो तार बाहर निकल कर आ रहे हैं वो आउटसाइड द लूप है, तो आउटसाइड वाले लूपों से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे क्या मतलब है, सिर्फ इसके, ये जो लूप मैंने बनाया ग्रीन सर्कल से, इसके अंदर कितने करंट प्रेजेंट हैं उसको ही लेना है। तो अंदर कितना करंट प्रेजेंट है, एक से आई जा रहा है एक लूप से, तो टोटल एन आई, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एन इंटू आई। क्या बाहर वाले लूप से मतलब है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो लूप के बाहर है ना, अपने वो ACL के अंदर सिर्फ अंदर वाले करंट से मतलब रहता है। तो अंदर वाले करंट कितना है, इस लूप के अंदर करंट कितना है, एन इंटू आई करंट है, तो यहाँ से आप निकाल लो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, यहाँ से आप निकाल लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, इस, ये जो बी है वो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि सॉलिनॉइड के अंदर अपन यूनिफॉर्म बी मानते थे, अब सॉलिनॉइड को तो घुमाया अपन ने, तो उसके अंदर भी बी कांस्टेंट होगा, तो ये बी कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, तो डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल मान लेते हैं भाई, ये क्या है, ये टोटल एल मान लेते हैं इसको, इंटू एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन
आई। यहाँ से आपके पास आ जाएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन अपॉन एल। यहाँ पर एल है क्या एक्चुअली में, 2 पाई आ रही है ना, मतलब ये क्या है, इसकी वो लेंथ होगी, ये जो सोलेनॉइड है, वो जो टोरॉइड है, वो एक सर्कल ही तो है ना, एक सर्कल है तो सर्कल की रेडियस होगी, तो एल क्या है, वो 2 पाई आर है। पर मैं अभी 2 पाई आर लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको हमेशा क्या दिया जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दी जाएगी। तो एन अपन एल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका फॉर्मूला भी क्या आया, बिल्कुल सेम किसके जैसा, सोलेनॉइड का जैसा। तो बी क्या आई यहाँ पर, इस पॉइंट पर मतलब सेकेंड लूप के टोरॉइड के बिल्कुल अंदर क्या आई, म्यू नॉट एन आई आया। ठीक है, अब थर्ड लूप की बात कर लो। थर्ड लूप में क्या था, अगर मैं थर्ड लूप की बात करूँ तो वो सबसे बाहर है, वो सबसे अंदर है सॉरी, है ना। तो ये कुछ ऐसा था, ठीक है, तो ये अंदर बना हुआ था लूप। क्या इस लूप के अंदर कोई करंट पास कर रहा है, कोई करंट है ही नहीं, इस लूप के अंदर कोई करंट ही नहीं है, तो म्यू नॉट इंटू जीरो कर देंगे ACL के अंदर, तो वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपकी, वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो आपको ये पता चल गया कि टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड्स के अंदर क्या होता है, आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगी, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी कितनी, म्यू नॉट एन आई, है ना, और यहाँ पर जो सेंटर है उसमें कितनी मिलेगी, बी इक्वल्स टू जीरो मिलेगी। तो सबसे अंदर जीरो है, सबसे बाहर जीरो है, बस सोलेनॉइड के अंदर जो है ना, जिसका मटेरियल है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन इंटू आई होगा। क्या बात समझ में आएगी, सिंपल से एप्लीकेशन है किसके, ACL के। तो नेक्स्ट डेरिवेशन है अपने पास, फोर्स ऑन अ टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस अपार्ट। तो दो वायर्स हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, वो पास पास में रखें, तो उनके साथ क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। अब देखो बढ़िया इंटरेस्टिंग सा डेरिवेशन है, यहाँ पर एक करंट है इन्फिनाइट वायर जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, आई वन, है ना, ये फर्स्ट वायर है, और सेकंड वायर है जिसमें से आई टू करंट फ्लो कर रहा है इन्फिनाइट। दोनों के डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकते हैं, मैं आपको सिर्फ ये वाला एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, है ना, ये दोनों डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब इन फोर्स निकालते हैं, इसकी वजह से फोर्स क्या लगेगी। अब देखो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन नहीं है, पर अपने को पता है कि आई वन की वजह से यहाँ पर, आई वन की वजह से ये जो आई वन है, ये वायर है फर्स्ट वायर, ये यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, और अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो फिर आई टू पे कुछ फोर्स लगेगा। वैसे ही आई टू यहाँ पर इस पोजीशन पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वायर पड़ा है तो उस पर फोर्स लगेगा। तो अपन इस पर कंसिडर करते हैं कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एट वायर टू ड्यू टू वन निकालूं, है ना, क्या लिखा है ये, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, कितना आएगा वो, वो अपन कैसे निकालते थे, म्यू नॉट आई, आपको याद हो तो मैंने आपको बता रखा है ये पहले, कि जो इन्फिनाइट वायर होते हैं, इन्फिनाइट वायर से अपन कैसे निकालते हैं, ये देखो क्या आता था फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही तो है ना वो क्वेश्चन भाई, एक पी डिस्टेंस पे, एक आर डिस्टेंस पर इन्फिनाइट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगती है, कितनी लगती थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं यहाँ पर, कितना आ जाएगा ये, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितना है आर, इस पॉइंट पर। अच्छा किस डायरेक्शन में लगेगी भाई, आई वन, आई क्या करते हैं, डी एल क्रॉस आर करते हैं ना, तो डी एल ये आई क्रॉस आर अंदर की तरफ, तो ये लगेगी अंदर की तरफ। क्या बात समझ में आई। अच्छा अब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पॉइंट पर, तो यहां पर बी कितना आएगा, बी ऑन वन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वन ड्यू टू सेकेंड वायर, कितना आएगा, म्यू नॉट आई टू, अच्छा यहाँ पर आई वन आएगा ना, क्योंकि अपन आई वन से निकाल रहे हैं भाई, ये आई वन वायर है, आई वन की वजह से आर डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई, इतनी आई, तो यहाँ पर आई वन आएगा, है ना, और यहाँ पर कितना आएगा, म्यू नॉट आई टू, क्योंकि अपन सेकेंड वायर की वजह से निकाल रहे हैं, किसकी वजह से, इस सेकेंड वायर की वजह से इस पॉइंट पर, तो म्यू नॉट आई टू अपॉन 2 पाई आर। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन देखो, ये आई टू डी एल क्रॉस आर, तो डी एल क्रॉस आर, आर इस तरफ है ना, तो डी एल क्रॉस आर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है तो आउटसाइड। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब ये सिमिलर क्वेश्चन बन गया कि एक वायर जो है आई वन जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, और जो आई टू है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। तो आपको फोर्स निकालनी है बेसिकली, कि फोर्स क्या है। तो फोर्स कैसे निकालते थे, आई एल क्रॉस बी से,
है ना, फोर्स ऐसे निकालते थे, एक वायर पे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वायर पड़ा है तो उस पर फोर्स क्या आती थी, आई इंटू एल क्रॉस बी। तो कितनी आएगी अगर मैं आई वन की बात करूँ, फर्स्ट वाले की, फर्स्ट की बात करूँ जो उसके अंदर आई वन करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना आएगा फोर्स, आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, ये क्या होती है, फोर्स ऑन वन फर्स्ट वायर, आई एल बी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर जो लेंथ है, वो क्या होगी, ये ऐसी है, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल बाहर निकलते हुए आ रही है, तो ये ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बाहर निकलते हुए आ रही है, तो क्या पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है आपस में, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब साइन थीटा कितना है, 90 डिग्री है, साइन थीटा ये साइन 90 हो जाएगा, साइन थीटा 90 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास आएगा आंसर आई एल बी। अच्छा ये बी क्या है, ये बी ये वाला बी है, ये वाला आई वन किसके अंदर पड़ा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, किसने लगाई है, वो आई टू वाले वायर की वजह से लगी है, तो कितनी है वो, म्यू नॉट आई टू अपन 2 पाई आर, कितनी है, आई इंटू एल इंटू म्यू नॉट आई टू, या आई वन है ना, आई एल क्रॉस बी, या आई वन एल क्रॉस बी, क्योंकि अपने फर्स्ट वायर की बात कर रहे हैं, तो आई वन एल क्रॉस बी, आई वन एल बी साइन थीटा, तो ये आई वन एल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो आपके पास यहाँ से आंसर आ गया, क्या आया, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई आर इंटू लेंथ। अब लेंथ तो उसकी इन्फेनाइट है ना, क्योंकि अपन इन्फेनाइट लेंथ्स मानी है ना वायर्स की, इन्फेनाइट लेंथ्स मानी है, तो अपन इसमें क्या निकालते हैं, फोर्स नहीं निकालते हैं, अपन इसमें निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपके पास जो फॉर्मूला आया फाइनली वो आया म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन 2 पाई आर। अब इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि ये इन्फेनाइट है, तो इसको नीचे लेके चले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई आर। तो जो एफ बाय एल आया वो आया आपका स्मॉल एफ, ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब सिमिलरली आप अगर इसके लिए निकालोगे, किसके लिए, इसके लिए, इस पे यहाँ पे एफ निकालोगे जो स्मॉल एफ है, इसके लिए निकालोगे आई टू के लिए, भाई आई वन के लिए अपन ने कितनी आई, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई आर, अगर आप आई टू के लिए निकालोगे तो वो भी कैसी आएगी, वो भी सेम आ जाएगी, कितनी, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई आर। ये एफ क्या है, एफ बाई एल है। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एल क्रॉस बी से, एल क्रॉस बी से, देखो यहाँ पर इसमें एल क्या है, ये एल और बी किधर लग रही है, ऊपर की तरफ आउटवर्ड आती है, तो एल क्रॉस बी तो यहाँ लग रही है, तो आइयो फोर्स लगेगा वो ऐसे ही लग रही होगी, इस वायर पे फोर्स कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, एफ वन बोल देता हूँ उसको मैं। और अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो कैलकुलेशन की आप ये निकाल सकते हो, पर इस पे डायरेक्शन कैसे निकलेगी, डायरेक्शन देखो डीएल क्या है, डीएल ये है, और बी कहाँ है, बी है इसकी अंदर की तरफ, कहाँ है, अंदर की तरफ, इस केस में ये बाहर आ रही थी, इस केस में ये अंदर जा रही है, तो डीएल क्रॉस बी अंदर की तरफ जा रही है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस साइड लगेगा, तो आप बोल सकते हो कि जो फोर्स लगेगा यहाँ पर वो कैसे लगेगा, इस वायर पे ऐसे लगेगा F2। तो आप देख पा रहे हो कि जो वायर्स अपन ने लिए थे, दो इन्फिनाइट वायर है ना, दो इन्फिनाइट अपन वायर्स लिए थे अपन ने, ये जब एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में पड़े रहते हैं तो अपने को, अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो ये आपस में खींचेंगे। ये केस कब है, जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई वन ऐसे फ्लो कर रहा है और आई टू ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर आपने आई वन की डायरेक्शन चेंज कर दी तो हो सकता है फोर्स इधर उधर हो जाए, पर इस केस के अंदर आप बोल सकते हो कि अगर सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं दो वायर्स के अंदर, तो वो आपस में अट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, देखो खींच रहे हैं ना अपने आप, ये फोर्स इस पे इधर लग रही है तो ये वायर इधर चलना स्टार्ट होगा, इस पे फोर्स इधर लग रही है तो ये वायर इधर चलना स्टार्ट होगा, और आप करंट उल्टा सीधा करके देख सकते हो, मान लो आपके पास आई वन आपने ऐसे ले लिया, तो आप निकाल के देख लेना कि आपके जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसी आ रही है। ठीक है, तो ये कंडीशंस अपने को पता होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर अपना ये जो वायर्स वाला जो सिस्टम है वो फिनिश होता है। अब हम चलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मैग्नेटिक डायपोल। अब ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में पढ़ा था, है ना, एनसीईआरटी के अंदर भी आपको बिल्कुल कंपेयर करके इन दोनों के बारे में डिस्कस करा गया है, तो अपन कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो डायपोल मोमेंट कैसे बनाते हैं अपन, ऐसे नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव की डायरेक्शन में, बीच में लेंथ कितनी मानते थे, 2 एल,
इसको हम बोलते हैं क्या, डायपोल मोमेंट, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक उसी तरह एक जैसे बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के अंदर चार्जेस तो होते नहीं, उसके पास क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। तो एक नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, वो कहाँ से कहाँ जाता है, जैसे इसमें पी जो है, जो डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, वैसे इसके अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है एम वेक्टर, ये कहाँ से कहाँ जाता है, साउथ से नॉर्थ। क्या बात समझ में आई, जैसे यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे वैसे साउथ से नॉर्थ, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी मानी जाती है, 2L मानी जाती है। तो जैसे आप इसके लिए लिखते थे क्या कि पी वैक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L, है ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, वैसे ही यहाँ पर भी लिखते हो मैग्नेटिक मोमेंट जो ये है उसको आप लिखते हो एम नॉट। एम नॉट क्या है यहाँ पर, एम नॉट है पोल स्ट्रेंथ, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे डिटेल में। तो एम नॉट इंटू, जैसे यहाँ पर चार्ज था, वैसे यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस या डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। तो ये मैग्नेटिक वाले केस में हो गया। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल के अपन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ये दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है कि ये एक करंट कैरिंग लूप है यहाँ पर नीचे, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाओ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर देखो ऐसा है कि ये है ना करंट कैरिंग लूप है, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है मुझे, क्योंकि डैश डैश पीछे है, तो ये ऐसे रखा है, मतलब ये घूम कैसी रही है, ये ऐसे घूम रहा है ना, मतलब ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा है ये लूप, और यहाँ से ये जो है करंट अंदर की तरफ जा रहा है स्क्रीन के, और यहाँ से ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये इस कुछ इस तरह से रखा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस लूप के लिए, वो निकाल के दिखाओ ज़रा। तो आप क्या बोलोगे, देखो ऐसा है कि ये जो मैग्नेटिक लूप है, इसके साथ साथ करंट के साथ साथ अपनी उंगलियां घुमाओ, तो जिस डायरेक्शन में थंब होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो ये घूम कैसे रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, यूं। करंट कैसे जा रहा है, ऐसे यूं जा रहा है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या आई, ये डायरेक्शन आई। तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आई वो ऐसी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करते हैं। हुआ क्या कि जैसे मैंने लूप बनाया ना, ये इसको आप अगर ऊपर से देखोगे तो आपको एक लाइन दिखाई देगी बस, है ना, आपको एक लाइन दिखाई देगी, ठीक है, ऐसी मोटी सी, ठीक। और हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अब इसको आप जूम करो थोड़ा, इसको जब आप जूम करोगे तो आपको पता चलेगा सर ये मैग्नेटिक, तरह से मैग्नेट मान लो इसको आप, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, ठीक है, कैसे ऐसी जा रही थी ना, ये ऐसे जा रही है। तो इस तरह से जूम करके अपन देख रहे हैं तो ये ऐसे जा रही है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ऐसा तो था कि इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड फ्लोस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आप कह सकते हो कि अगर यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो फेस होगा ये हो जाएगा आपका साउथ पोल, और ये वाला जो फेस होगा ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। क्या रिलेट कर पा रहे हो, क्या रिलेट कर सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है, इनसाइड द मैग्नेट, हमेशा साउथ से नॉर्थ जाती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है तो आप बोल सकते हो कि ये फेस साउथ हुआ होगा और ये फेस नॉर्थ हुआ होगा। तो मैंने करंट कैरिंग लूप के दो फेस बना दिए, करंट कैरिंग लूप के दो फेस बना दिए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो करंट कैरिंग लूप है, है ना, ये जो करंट कैरिंग लूप है, इसको मैंने बोल दिया यहाँ पर इस वाले पोर्शन को साउथ, इस वाले को बोल दिया नॉर्थ। अब आपके पास दो फेस आ गए। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो आप कहाँ से कहाँ होता है, वो होता है साउथ से नॉर्थ। तो आप बोल लो कि देखो सर ये ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा। क्या बात क्लियर हुई, कि कैसे समझ में आया अपने को ये, ठीक है। तो साउथ नॉर्थ अपन ने बना के, करंट कैरिंग लूप के अपन ने नॉर्थ नॉर्थ और साउथ पोल्स बना दिए, होते नहीं है, अपन ने बस समझने के लिए इसको बना दिए, ठीक। अब इसके पास इसकी लेंथ वेंथ तो है नहीं, जैसे अपन लिखते थे पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, वो तो अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्शन तो अपने पास आ गई, फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू आई, जो कि करंट है, है ना, करंट, जो ये करंट इसमें बह रहा है इस लूप के अंदर, इंटू एरिया, इंटू एरिया। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लूप है, जैसे ये लूप है, यहाँ से करंट बह रहा है आई, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्यों, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ऊपर की तरफ।
तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, और कितनी होगी, आई इंटू ए, तो आई तो है ये, है ना, और ए एरिया कितना होगा इस लूप का, मान लो उसकी रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का इस क्वेश्चन के लिए आ जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है आपकी ऊपर। क्या बात क्लियर है, यही चीज़ें हैं मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर, ठीक। और अगर एन टर्न्स हैं, मान लो कि आपने लपेट रखा है बिल्कुल तार को ऐसे ऐसे करके, बहुत सारे ऐसे आपने टर्न्स बना रखे हैं, कितने रेडियस के, आर रेडियस के, सेम रेडियस के एन टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स, तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आई इंटू ए तो एक का होता है तो एन का कितना होगा, एन इंटू आई ए, ऐसा भी देख सकते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट बनाना सीख लो थोड़ा सा, जैसे क्या होता है कि ये एक करंट, ये आई है, तो उसका कैसे बनेगा, ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ, है ना, मतलब आपकी डॉट, मतलब आपकी स्क्रीन से बाहर निकलते हुए। और देख लो, ऐसा हो सकता है करंट इस बार ऐसे बह रहा था, इस बार करंट ऐसे बहा दो, तो कैसे होगा, अब आपको कैसे बहना करना पड़ेगा, ये ऐसे यूं, है ना, यूं घूम रहा है ना करंट, ऐसे घूम रहा है, यूं यूं करके घूम रहा है, तो ये ऐसे करंट, तो अंदर डायरेक्शन कहाँ जा रही है, अंदर, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो डाउन आएगा, मतलब क्रॉस स्क्रीन के अंदर जाते हुए, ठीक है। और देख लो, जैसे अगर ऐसे दिया हो आपको लूप, तो इसमें करंट आपको आई एस के वन है, तो अगर आई एस के वन है तो कर लो ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है, यहाँ कैसे, यूं इस टाइप, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में आ गया। तो ऐसे आप मैग्नेटिक मोमेंट्स निकाल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग लूप की। अब देखो, अगर मैंने आपको कहा, जैसे हम रिलेट कर रहे थे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल्स को, है ना, मैग्नेटिक डायपोल से, तो वैसे ही जैसे अगर मैं आपको कहूं कि एक ये लूप, ऐसा डिस्कस कर रहा था अपन ने कि एक ये लूप है, ठीक है, और इसकी एक्सिस पे कुछ एक्स डिस्टेंस पर अपने पास एक पी पॉइंट है जहां पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अपने करा है। अब मान लो ये क्या है, ये आपका आई है, ये डैश 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 क्या बता रहा है आपको कि ये आपका परपेंडिकुलर टू है, तो ऐसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड, कैसे आएगी, ऐसे यू ऐसे घूम रहा है ये, ठीक, तो आपको पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड तो कैसी है, इस तरफ आएगी, क्या बात क्लियर है। अच्छा, कितनी आती थी वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आती थी अपने पास बी इज इक्वल्स टू बी एट पी, है ना, इस पी पॉइंट पर बी एट पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आर स्क्वायर आई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब जब हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम मानते हैं कि जो आपका जो करंट कैरिंग लूप है वो बहुत छोटा सा है, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स है वो बहुत बड़ा होगा आपका, किससे, आर से, मतलब ये बहुत छोटा हो गया, ये जो चीज़ है ये बहुत छोटी हो गई और ये डिस्टेंस आपने बहुत बड़ा कर दिया, ठीक, तो ये हो गया। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि इस कंडीशन को इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करो, तो कैसे आएगा, भाई एक्स बहुत बड़ा है आर से, तो मैं इस आर को यहां से निगलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, बी पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आर स्क्वायर आई अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर को मैं 0 कर दूंगा क्योंकि एक्स बहुत बड़ा है उसके सामने, एक्स स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3/2, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये यहां से आ जाएगा म्यू नॉट आर स्क्वायर आई अपॉन 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और एक्स की पावर आ जाएगी क्यूब, तो आपके पास जो फॉर्मूला आया वो आया बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x³, कुछ ऐसा फॉर्मूला आया। अब इसको मैं अगर ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर, और ऊपर पाई से मल्टीप्लाई करा सेम रखने के लिए, नीचे भी पाई से डिवाइड कर दिया 2π x³, कुछ फॉर्मूले में चेंज नहीं हुआ है। अब देखो, अब ये जो पाई आर स्क्वायर है ये क्या है, ये एरिया है किसका, इस लूप का, इस लूप का क्या है, ये एरिया है यार, है ना, तो इस लूप का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया, ये एरिया हो गया, ये करंट है, ये करंट है, तो आई इंटू ए लिखा हुआ एक तरह से, आई इंटू ए, और आई इंटू ए क्या होता है, आई इंटू ए क्या होता है, आई इंटू ए होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप इसको वहां से रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस करोगे, यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए अपॉन 2π x³,
क्यू, तो इस आई को लिख सकते हो आप एम, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा म्यू नॉट एम अपॉन 2πxq। तो आपके पास जो अभी फॉर्मूला आया अपडेट करके वो ये आया, बी पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई म्यू नॉट एम, उसको रिप्लेस कर दिया ना अपन ने, म्यू नॉट एम अपॉन 2πxq, इतना आया। अब थोड़ी सी चालाकी और करो आप, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट इंटू 2m अपॉन 2 इंटू 2πxq, क्या कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, 2 भी ऊपर है एक नीचे 2 है, 2 से 2 वापस कट जाएगा और वापस वही फॉर्मूला आ जाएगा। मैंने बस इसको फॉर्मुलेट करने के लिए ऐसा लिखा है। अब देखो क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट इंटू 2m अपॉन 4πxq। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2m अपॉन xq। अब आपको थोड़ा थोड़ा जान पहचाना जैसा ये फॉर्मूला लगेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते थे एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, यहाँ पर जब बात करते थे तो वो फॉर्मूला कैसा आता था? वो आता था 2kp अपॉन xq, कुछ ऐसा फॉर्मूला आता था, ठीक है। तो ये भी कैसा आया है, ये भी आपका बिल्कुल वैसे ही आया है। इसको ये कोपरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये 2, ये 2, ये m मैग्नेटिक मोमेंट, ये p डायपोल, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये xq, ये भी xq। तो बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं, क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल के सिद्धांत की तरह रिलेट हो चुका है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल को याद रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको मैग्नेटिक डायपोल को याद रखना है एक्सियल पोजीशन पर। और बिल्कुल वैसे ही जब हम इक्विटोरियल की बात करेंगे, ये तो एक्सियल की बात हो गई, जब हम इक्विटोरियल की बात करेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन की बात करेंगे, क्या मतलब कि ये ऐसा आपके पास, अभी तो आपने यहाँ पर निकाला था, अब आप यहाँ पर निकालो इसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो कैसे निकालेंगे? जैसे हमने यहाँ पर इसको 2kp अपॉन xq के फॉर्मूले में कन्वर्ट करा, बिल्कुल वैसे लिख दो। उस केस में क्या आता था? इस केस में आता था आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, जब आप इक्विटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो कितना आती थी आपके पास? वो आती थी kp/xq। तो इसी तरह जो आपकी मैग्नेटिक, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू पी की जगह m अपॉन xq। तो बिल्कुल अपन रिलेट करके फॉर्मूला चेंज कर दिया, बिल्कुल NCERT के अंदर भी इसी तरह से आपको गिवन है। क्या बात समझ में आ गई कि एक्सियल पोजीशन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी और इक्विटोरियल पे कितनी होगी और रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल से? तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक लूप रख दिया जिसके ऊपर एक टॉर्क लगने लगेगी, देखो कैसे। अब ये सिस्टम क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक नॉर्थ, यहाँ पर एक मैग्नेट होगा, है ना, मैग्नेट है जहाँ पे नॉर्थ पोल इसका यहाँ पर है, साउथ पोल इसका यहाँ पर है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर ये आउटसाइड द मैग्नेट है ना, मतलब ये मैग्नेट कैसे रखा हुआ है भाई, ये नॉर्थ पोल अकेला नहीं हो सकता कभी भी, या साउथ पोल अकेला नहीं हो सकता, ये एक्चुअली में ऐसे होंगे, यहाँ पर जाके ऐसे करके रखे होंगे, ये कोई हॉर्स शू मैग्नेट होता है ना, वो इस तरह से होता है। तो एक इसका नॉर्थ पोल हो गया इस पूरे मैग्नेट का, ये एक साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये तो आपको एक बेसिक कटआउट बता रखा है। तो हमको पता है कि जो आउटसाइड द मैग्नेट होती है, जब आउटसाइड द मैग्नेट की बात करते हैं तब हमेशा जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ जाती है। तो यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, और ये आउटसाइड है क्योंकि मैग्नेट नहीं है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, ठीक है। ये मैंने फिगर NCERT से लिया हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके पास इधर एक ये दिया है, एक लूप है, ये है ना, ये एक लूप है, यहाँ से करंट एंटर करता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, ऐसे वापस चला जाता है, यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है। अब उससे होगा क्या, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में, जैसा हम जानते हैं कैसे, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब ये इसमें से करंट पास कर रहा है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, वही कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक आपने करंट कैरिंग वायर को रख रखा है। तो देखो एक करंट एलिमेंट ऐसा है, एक करंट एलिमेंट ऐसा है, और एक करंट एलिमेंट इस टाइप से है। तो
तो अब इनके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होगी। तो पहले इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं, इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं। तो फोर्स कैसे लगाते हैं अपन, आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। करंट आपके पास आई है, एल क्या है इसकी लेंथ, मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है कितनी दी हुई है, ये बी दी हुई है ना, ये कितनी दी हुई है, ये बी दी हुई है, और ये कितनी दी हुई है, ये वाली, ये गिवन है आपको ए, ठीक बात। अच्छा तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इस वाले की बात करूँ अगर मैं, इस वाले वायर की बात करूँ तो क्या आएगा फोर्स, फोर्स आएगी आपके पास आई इंटू एल, एल कितना है, ये बी है इसके लिए, इंटू बी, ये हो जाएगा आपके पास बी बड़ा बी, और साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा थीटा कितना है, थीटा है एल और बी के बीच का एंगल। तो आपके पास एल कैसा है, एल है आपके पास इस डायरेक्शन में और बी है आपके पास इस डायरेक्शन में, तो बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर साइन 90, साइन 91, तो ये हो जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा फॉर्मूला, आई इंटू बी इंटू बी। तो ये इस वाले वायर के लिए, ये जो वायर जा रहा है ना, बस ये वाला एलिमेंट, इसके लिए कितना फोर्स आया, आई बी और बड़ा बी, ये छोटा बी क्या है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आ गया कि आई बी इंटू कैपिटल बी। अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन निकाल देंगे एल क्रॉस बी से। तो एल क्या है, एल है आपका ये है ना, और बी है आपका ये, दोनों 90 डिग्री पे है, तो कैसे निकालोगे, एल क्रॉस बी अंदर की तरफ। तो मतलब आपकी जो फोर्स लग रही होगी है ना, जो फोर्स लग रही होगी कहाँ पर आएगी, अंदर की तरफ आएगी, मतलब नीचे जाती हुई। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऐसे लग रही होगी फोर्स, एफ ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। अब इस एलिमेंट की बात करते हैं, किस एलिमेंट की, इस वाले एलिमेंट की, ये जो एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट, इसके लिए क्या है, इसके लिए भी फोर्स कितनी लगेगी, आई एल क्रॉस बी। पर सोच के देखो इसका एल क्या है, इसका एल है ऐसा, और बी भी इसका क्या है, बी भी ऐसा, क्योंकि अपने को पता है बी इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड वो कैसी है, वो तो इसी डायरेक्शन में है, और आपका एल भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जब एल बी साइन थीटा आप लिखोगे, तब वहाँ पर थीटा क्या डालोगे, जीरो डालोगे, और जैसे ही जीरो डालोगे आपकी फर्स्ट फोर्स कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। मतलब इस वाले एलिमेंट पे, इस वाले एलिमेंट पे कोई फोर्स नहीं लगने वाली है, ठीक है। अच्छा अब इस एलिमेंट की बात कर लेते हैं, इस एलिमेंट की जब बात करेंगे हम, तब क्या होगा, अब इसमें करंट उल्टा बह रहा है ना, क्योंकि करंट कैसे आया, घूम के आया ना, यहाँ पर करंट यहाँ से गया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, अब करंट ऐसे आ रहा है। तो इस बार जो L होगा, L क्रॉस B में जो L होगा वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट, उस डायरेक्शन में आपका डीएल एलिमेंट। तो L इस बार ऐसा है, और B कैसा है, B आपका ऐसा है, बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो कैसे करोगे, देखो ये L, L ऐसे गया और B ऊपर, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मतलब आपका जो फोर्स होगी वो कितनी आएगी, वो ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, और कितनी आएगी वो, आई एल बी साइन थीटा, साइन है 90, तो आई एल जो कि बी है, आई इंटू बी इंटू कैपिटल बी, कैपिटल बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल बी क्या है, इसकी विड्थ, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास जो वैल्यू आई वो कुछ ऐसी आ गई, जो आपके पास फिगर बना हुआ था वो कुछ ऐसा आ गया। अब इस पर फोर्स लग रही है ऊपर, नहीं इस पर फोर्स लग रही है नीचे, और इस पर फोर्स लग रही है आपकी ऊपर, कितनी लग रही है, F, और ये लग रही है F, ठीक है। दोनों ILB है, दोनों इक्वल फोर्स है, क्या पता चल रहा है, अभी ऐसे घूमने लगेगा, ये इसको ऊपर धक्का मारेगा, ये इसको नीचे धक्का मारेगा, तो ये घूमने लगेगा ऐसे, ये ऐसे घूमने लगेगा, बस यही टॉर्क लगने लग गई। टॉर्क का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, टॉर्क निकालोगे, टॉर्क क्या होता है, फोर्स, ये कपल बन गया ना, कपल, टॉर्क कपल, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस कितनी है, डिस्टेंस एक एफ यहाँ पर लग रहा है, एक एफ यहाँ पर लग रहा है, बीच में डिस्टेंस कितनी है, ए, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ इंटू ए, ठीक है, क्योंकि बीच में डिस्टेंस कितनी है, ए है, दो फोर्सेस के बीच में। तो आपके पास जो टॉर्क आया, एफ की वैल्यू क्या थी, एफ की वैल्यू थी आपके पास आई एल बी, तो आपके पास जो फोर्स की वैल्यू आई वो कितनी आई, आई एल बी इंटू ए। तो आप यहाँ से बोल सकते हो एल नहीं, कितनी आई थी, आई बी, एल तो क्या, एल तो एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट, उसको कितना लिखा था अपन ने, स्मॉल बी लिखा था, तो यहाँ पर मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल बी, तो ये आ जाएगा आई इंटू ए इंटू बी इंटू बड़ा बी। अब ए बी को आप नोटिस करोगे ना, ये जो ए बी है, ये ए बी क्या है, देखो ध्यान से, ये जो ए बी है ये एक तरह से ऐसे है, ये आपका बी, ये आपका ए, मतलब ऐसे बना हुआ है, ये कुछ इस तरह से लूप बना हुआ है, ये आपका बी है, ये आपका ए है। तो ए इंटू बी क्या होता है,
ए इंटू बी होता है आपका एरिया, क्या होता है एरिया, तो कुल मिला के ये एरिया लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं आई इंटू ए इंटू बी। अब ये आई ए लिखा हुआ है, आई ए क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी, ठीक है। तो आपके पास जो टॉर्क का जो आपके पास इक्वेशन आई वो कितनी आई, एम मैग्नेटिक मोमेंट इंटू डॉट मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गए। क्या बात समझ में आई, तो ये चीज़ कब है, जब हमारे पास टॉर्क कपल लग रहा है, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे ये है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से देख लो, मैग्नेट फील्ड कैसे जा रही थी, मैग्नेट फील्ड जा रही थी इस तरह से, है ना, नॉर्थ से साउथ, क्योंकि आउटसाइड है तो ऐसे मैग्नेट फील्ड जा रही है, तो फोर्स लग रही थी नीचे, यहाँ पे नीचे फोर्स लग रही थी ना, इसमें फोर्स नीचे लग रही थी, इस पर ऊपर लग रही थी, तो यहाँ पर ऊपर लग रही है, इस पर नीचे लग रही है, तो देखो अभी कैसे घूमेगा, ये देखो ये ऐसे घूमने लगेगा, तो ये टॉर्क लग रहा है, तो ये घूम रहा है अपने आसपास, ये बिल्कुल वही फिगर है जो आपने को अभी डिस्कस करी थी, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप ये देख सकते हो कि जैसे अपन ने अभी डिस्कस करा था ना, तो इस केस में क्या हो रहा था कि यहां पर आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिया हुआ था, मतलब इसके बिल्कुल फ्लैट है ना, ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में थे, सीध में थे बिल्कुल। इस बार आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि थोड़ा सा जो कॉइल है ना आपकी, जो थोड़ी सी कॉइल है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, मतलब कुछ एंगल बनाया हुआ है थीटा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अब इसके लिए वही फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हो खुद से, मैं आपको सीधी सीधी बता देता हूँ, है ना। जैसे वापस आप डिराइव करोगे ना, तो आपके पास वापस सारी फोर्सेस निकल के आएगी, यहाँ पर जो फोर्स निकल के आएगी इधर इस वाले पे वो क्या आएगी, एफ, यहाँ पर भी क्या निकल के आएगी, एफ निकल कर आएगी, है ना, ये ऊपर की तरफ कहाँ पे, ऐसे, ठीक है। ये आपको पता था कि ये कितना है, ये टोटल है आपके पास ए, ये है आपके पास पी, तो फोर्स जो आएगी आपके पास वैल्यू वापिस, वो तो वापिस वही आएगी, आई बी और कैपिटल बी, आप खुद निकाल के देख सकते हो ये। अच्छा अब जब मैं टॉर्क निकालूंगा ना, जब मैं टॉर्क निकालूंगा तो टॉर्क कितनी आएगी, टॉर्क आएगी आपके पास एफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज या डिस्टेंस बिटवीन द कपल्स, है ना। तो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, अब वो सेम डिस्टेंस ना, इस केस में तो क्या था कि ए था, है ना, इसमें तो सिंपली हम ए उसको बोल रहे थे, पर अब वो टेढ़ा हो चुका है तो ए नहीं है, अब वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ध्यान से देखो तो कैसे हो जाएगा, मतलब ऐसा फिगर बन रहा है कुछ इस टाइप से, यहाँ पर आपकी फोर्स लग रही है एक एफ, यहाँ पर एक फोर्स लग रही है आपकी एफ, ठीक है। और ये जो है ये आपको कितना गिवन है, ये आपको ए गिवन है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला एंगल, ये आपको कितना गिवन है, थीटा गिवन है, ये आपका बी है, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फोर्स बिटवीन, तो मतलब आपका जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस कितना है, वो इतना है, ये वाला, ये डिस्टेंस जो अपने को चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये निकल कर आता है ट्रिग्नोमेट्री से, आप निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास ए साइन थीटा, तो यहाँ पर आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, ए साइन थीटा, तो आपके पास जो टॉर्क आया इस केस के अंदर वो कितना आया, टॉर्क इक्वल्स टू एफ इन टू ए साइन थीटा, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू क्या होती, आई बी कैपिटल बी इन टू ए साइन थीटा, ए और बी को क्लब कर लो, आई इन टू ए बी कैपिटल बी साइन थीटा, यहाँ से आपके पास जो ए बी है ये क्या होता है, ये एरिया होता है, ये एरिया, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, आई ए को क्लब कर लो, आई ए को क्लब करते ही ये आ जाएगा आपके पास एम मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब जो समझदार बच्चे होंगे वो सोचेंगे कि एम इंटू एम बी साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे लिखा होगा m क्रॉस b वेक्टर, ताकि इसको आप खोलोगे तो क्या आ जाएगा, एम बी साइन थीटा आ जाएगा, जो आपके पास जो टॉर्क का फॉर्मूला आया वो क्या आया, टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b वेक्टर। क्या बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल सिमिलर केस है प्रीवियस केस की तरह, बस थोड़ा सा एंगल आपको इस बार उल्टा सीधा गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो हो क्या रहा है,
कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है ना, जैसे एक ही उसका ऑर्बिट हो गया बना दिया मैंने, ठीक है। और इसके बीच में एक ये न्यूक्लियस है जिसके अराउंड, ये न्यूक्लियस है जिसके अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ऐसे इसकी तरफ घूम रहा है ये। अब इसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट। अब कैसे निकालोगे? आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? आई के डायरेक्शन में घुमा देते हैं। तो ऐसे घुमाऊंगा तो क्या आ जाएगा कि ऊपर की तरफ आ रहा है? नहीं आएगा, क्योंकि गलत आंसर है। क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो करंट कैसे जा रहा होगा भाई, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक एक्चुअली में करंट आपका कैसे जा रहा होगा? ऐसे जा रहा होगा। तो आपके पास जो लूप बन रहा है ना, वो कुछ इस तरह से बन रहा है जिसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो किस तरह से आएगा? ऐसे, यूं। कैसे घूमेगा? यूं, अंदर की तरफ। तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, मतलब क्रॉस। क्या बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन से नहीं निकाला आपको, इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, आपको करंट से मतलब है। करंट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आप अपनी उंगलियां घुमाओ, उस डायरेक्शन में क्या होगा? आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब अपन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखते थे? मैग्नेटिक मोमेंट अपन लिखते थे आई इंटू ए, ठीक है। आई क्या है? आई होता है आपका क्यू अपॉन टाइम, यही होता है क्या? चार्ज अपॉन टाइम आपका करंट होता है, इंटू एरिया, ठीक है। अब क्यू क्या है? क्यू है यहां पर इलेक्ट्रॉन। क्यू क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया अपॉन टाइम, ठीक। अब यहाँ से टाइम जो है वो टाइम कैसे आएगा? देखो, अगर मैं मानता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेलोसिटी वी से चलता है, तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा इसको? 2 पाई आर, मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है, तो 2 पाई आर अपॉन वी, इतना ही टाइम लगेगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2 पाई आर अपॉन वी। तो यहाँ से सब पुट कर दो इधर, क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी, ठीक है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे इसको तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इंटू, ये भी ऊपर चला गया तो ये कट जाएगा आपके पास, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया। आपके पास जो आंसर आया वो ये आया, ई वी आर बाय 2, ठीक है। तो आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर आया वो कितना आया? ई इंटू वी इंटू आर बाय 2। क्या बात क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया। और आपने निकाला था कि किसकी तरफ है ये? इनवर्ड से है ना, ये क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन में है, अभी अपने निकाला है। अच्छा, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को एल से डिफाइन करते हैं, वो होता है आर क्रॉस पी। तो आपको याद है कि जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा था, अभी इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा था जैसे वी से, ये आपका आर है ये वी है, दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो मतलब आर पी साइन थीटा, साइन थीटा 90, साइन 91, तो ये 1 हो गया। तो आपके पास आया आर इंटू पी, ये पी क्या है? आपका मोमेंटम। तो आर इंटू एम वी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो एल है जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम आ रहा है आपका आर क्रॉस पी, इसका मतलब है आर क्रॉस पी की तरह ऊपर की साइड, जिस जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में पी, तो आर क्रॉस पी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मतलब ये जो है ये आ रहा है आपका आउटवर्ड, जो आपका एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो आउटवर्ड आ रहा है। अब यहाँ से आपके पास वैल्यू हो गई एल वेक्टर की, कितनी आ गई? कितनी आई? आर एम वी, या एम वी आर बोलो, एम वी आर। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट करो, किसकी? एल अपॉन एम की। एल अपॉन एम जो होगा आपका वो कितना होगा? वी इंटू आर होगा, है ना। और हमने अभी निकाला था ये मास है ना, यहाँ पर ये एम जो है छोटा, ये मास है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या निकाला था अभी? एम जो आता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट वो आता है आपका ई इंटू वी आर अपॉन 2, अभी निकाला था है ना, ई वी आर अपॉन 2। तो यहाँ से वी आर की वैल्यू पुट कर दो इधर, क्या आ जाए आपके पास? एम इंटू ई इंटू वी आर की वैल्यू क्या होती है? एल अपॉन एम, और यहाँ पे 2 तो पहले से ही था। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया एम वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वेक्टर अपॉन 2 एल अपॉन मास। ये भी वेक्टर है, पर यहाँ पर नेगेटिव लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, और बिल्कुल सही भी है क्योंकि एल वेक्टर किधर था?
एल वेक्टर था आउटवर्ड और एम वेक्टर था आपका इनवर्ड, ठीक है। तो जब आउटवर्ड से आपका नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये इनवर्ड बनेगा, इसलिए ये फॉर्मूला सही है। कौन सा वाला? एम वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन 2m इंटू एल वैक्टर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ कर सकते हैं अपन। जैसे अपन ने बोलते थे कि जो l होता है वो बोहर ने कहा था कि किसके मल्टीपल में होना चाहिए, n h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में होना चाहिए, तो यहाँ से वो भी पुट कर दो। तो आपका जो m मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो क्या जाएगा, माइनस ई अपॉन 2m इंटू n h अपॉन 2 पाई। क्या बात समझ में आई? ये मैग्नीट्यूड है ना, ठीक है। अब अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करूं, उसके अंदर भी n इक्वल्स टू 1 की बात करूं, तो क्या होगा? देखो, आपके पास आएगा m इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन अपॉन 2m इंटू n की वैल्यू डाल दी मैंने 1, h अपॉन 2 पाई। तो आप यहां से लिख सकते हो जो आपका m आएगा वो कितना आएगा, e इंटू h अपॉन 4 पाई m, ठीक है। इसी को हम कहते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं? बोहर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। जब n इक्वल्स टू 1 डाल देते हो आप, तब आपके पास वैल्यू आ जाती है, जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, बोहर्स मैग्नेटॉन। तो एक बेसिक सी चीज़ है, n इक्वल्स टू 1 डालने पे बोहर्स मैग्नेटॉन आता है, एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसके अंदर क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना, अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट बाय शोइंग डिफ्लेक्शन। तो जैसे करंट बहेगा ना, हल्का सा डिफ्लेक्शन शो होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मतलब ये कॉइल के मूव होने से थोड़ा बहुत मैकेनिज्म इसका चलता होगा, उसी को हमको स्टडी करना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये एनसीईआरटी का फिगर है बिल्कुल। ये मैग्नेट्स हैं जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा ऐसा क्यों लिया हुआ है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स क्यों लिए हैं, ठीक है। और ये बीच में एक कोर है ना, ये सॉफ्ट कोर है जिसके अंदर से आसानी से मैग्नेटिक फील्ड पास कर जाती है ना। और उस कोर के अराउंड ऐसे आपने क्या करा है, उसकी जो वायर्स होते हैं है ना, उसको लपेट दिया कॉइल में। तो ऐसी कॉइल आपने बना ली, ऐसी ऐसे करके लपेटते जाओगे उसको आप, ठीक है, ऐसे आप लपेट रहे हो उसको, तो वही सिस्टम है। अब जैसे ही ये कॉइल घूमेगी ना, जैसे ही कॉइल घूमेगी, मान लो ये कॉइल थोड़ी सी, ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल दिख रही है ना आपको, ये वाली दूसरे कलर से बनाता हूँ मैं, ये जो कॉइल दिख रही है आपको, ये कॉइल है। अब जैसे ही ये कॉइल घूमेगी ना, जैसे मान लो ये कॉइल ऐसी हो गई यूं, तो ये जो पॉइंटर है ना, ये भी इसके साथ घूम जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल सिंपली ये है, जैसी कॉइल घूमेगी, कॉइल कब घूमेगी, जब करंट इसमें आएगा, वो अभी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, है ना। जैसे हमने अभी पढ़ा भी था कि जो कॉइल होती है, अभी पढ़ा था ना अपन ने, दो मैग्नेट्स के बीच में कॉइल रखी तो वो घूमती है, टॉर्क लगता है उसमें, तो उसी की तरह जैसे ही करंट पास करेगा वैसे ये डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो जैसे ही डिफ्लेक्शन शो हुआ आपको पता चल जाएगा करंट इससे पास हो गया, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा आपके पास एक डायग्राम है। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है व्हेन करंट कैरिंग कॉइल, है ना, करंट जैसे अपन ने अभी डिस्कस कर रहे थे, करंट बह रहा था उस कॉइल में से, है ना, वो फोर्स अपन निकाली थी अभी, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। सिंपल सी बात है, टॉर्क अपन ने निकाला भी था, क्या आता था, टॉर्क आता था आपके पास, टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, या लिख सकते हो एम को खोल दोगे तो आई ए बी साइन थीटा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम अभी तक डिराइव कर चुके हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। देखो, यहाँ पर क्या लिया हुआ है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको इस तरह से डिजाइन करा है कि वो मैग्नेटिक मोमेंट, जो कॉइल है, आप जो कॉइल लपेट रहे हो उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, है ना। तो अगर कॉइल ऐसे करंट ऐसे बह रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा, यूं ऊपर के डायरेक्शन में होगा। तो मान लो कैसे भी रहे मैग्नेटिक मोमेंट, हमेशा इस कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखा जाता है कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के मैग्नेटिक मोमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर रहे, हमेशा परपेंडिकुलर रहे। मतलब आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगानी है ना, जैसे मैंने लगा रखी है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इसके अंदर। उस केस के अंदर जब हम पहले डिस्कस करते थे, किसके अंदर, इन वाले केसेस के अंदर जब हम पहले डिस्कस करते थे यहाँ पर, तो इस केस में क्या होता है
सीधा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है यू, इस टाइप से एक ही डायरेक्शन में। बट इस केस के अंदर जो हम अभी केस डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाई यू रेडियल, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे 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 जा रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी। अब इससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। इसको कैसे अचीव करते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अचीव करते हैं अपन, जनरेटेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स आपको याद होगा प्रीवियस क्वेश्चन जो अपन करे थे उसके अंदर अपन ऐसे मैग्नेट्स लेते थे यू, ठीक है। इसके अंदर अपन ऐसे ले रहे हैं सिलेंड्रिकल, जिसकी वजह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती जा रही है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको फ्रंट व्यू दिखाया गया है ना, जैसे नॉर्थ साउथ है, आप सिलेंड्रिकल ऐसे हैं, ये सिलेंड्रिकल ऐसे हैं यू। तो आप अगर यहाँ से देखोगे इसको, इधर से इधर आकर आगे देखोगे इसको, तो आपको कैसे दिखेगा, आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा ये, ठीक है। और अगर टॉप से देखोगे, टॉप से देखोगे तो ये आपको कर्व दिख रहा है यहाँ से, है ना, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो। तो ये आपकी कॉइल है, ये आपकी कॉइल है, ये जो वाली कॉइल जो है, ये वाली कॉइल, ये आप ऊपर से दिख रही है आपको ये री, ठीक है। तो ये घूमने लगेगी, है ना, मूविंग कॉइल और सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा, है ना, हमेशा। तो हम लिख सकते हैं कि जो टॉर्क लगने वाली है वो कितनी लगेगी, एम बी साइन थीटा। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ये जाएगा आपके पास एम बी, ये आपके पास फॉर्मूला जाएगा। टॉर्क आएगी हमेशा, टॉर्क कितनी आएगी, एम बी आएगी, ठीक है। अब इसको आप नापोगे कैसे, देखो होता क्या है ना, ये जो आपके पास फ्रंट व्यू है ना, ये आपने कॉइल लगा रखी है, इस कॉइल के नीचे एक स्प्रिंग अटैच्ड है। तो जैसे ही आप अपनी इस जो आपकी कॉइल है इसके अंदर से करंट पास करेगा तो ये कॉइल घूमेगी, जैसे ही कॉइल घूमेगी ना इसके अंदर टेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर टॉर्शनल स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगी ये, है ना। ये कॉइल है, जैसे कॉइल घूमेगी तो ये से अटैच्ड है ये वाली स्प्रिंग, तो ये भी ट्विस्ट होगी क्योंकि यहाँ से ये फॉर्मली अटैच्ड है, तो ये ऐसी ट्विस्ट होगी क्या ये स्प्रिंग, तो इसके अंदर एक टॉर्शनल कंस्ट्रेंट आएगा, क्या आएगा, टॉर्शनल स्ट्रेन ये इसमें पैदा होगा, जो इसको कहेगा कि तू फिर से अपनी पोजीशन में आ जा। मतलब ये ऐसे घूमनी चाहिए, ये कॉइल जो है वो ऐसे घुमानी चाहिए, तो स्प्रिंग बोलेगी वापस उल्टा घूमो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आओ, ठीक है। तो हमको ये पता है कि टॉर्क तो कितनी लग रही है, टॉर्क कितनी लग रही है भाई, टॉर्क लग रही है आपके पास कितनी लग रही है, टॉर्क टॉर्क लग रही है एम इंटू बी। तो जो टॉर्क किस पे लग रहा है, एक कॉइल पे, वो लग रहा है एम इंटू बी, और जो टॉर्क उस पे लगेगा किस पे, स्प्रिंग पर, वो कितना लगेगा, मान लो वो एंगल फाई घूमी है तो हम कैसे लिखते थे उसको टॉर्क को, के इंटू फाई, मतलब वो जो स्प्रिंग है ना वो कितना रोटेट हो गई, वो फाई से ट्विस्ट हो गई, तो अपन कैसे लिखते हैं उसका टॉर्क, के इंटू फाई लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क, क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि मैंने आपको बताया ये वापस चाहेगा कि स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोर करने के लिए, ठीक है। अब अगर मान लो कि जो स्प्रिंग है ना, और जो कॉयल है वो कहीं पे आकर स्टेबल हो गई, इक्विलिब्रियम पे आ गई, तो इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या है, जो दोनों टॉर्क है, कौन सी टॉर्क, टॉर्क ऑन द मूविंग कॉयल और टॉर्क ऑन स्प्रिंग, वो दोनों क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए, तो कितनी हो जाएगी, एम इंटू बी इज इक्वल्स टू के इंटू फाई। एम कितना होता है, आई इंटू ए इंटू बी, ये हो जाएगा आपके पास के इंटू फाई। यहाँ से आप निकालोगे तो आपके पास आई की वैल्यू आएगी, किसकी, आई की वैल्यू आएगी आपके पास, आएगी के अपॉन ए बी इंटू फाई। तो आपके पास रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आया, जो करंट मूविंग कॉयल के अंदर बह रहा है, मूविंग कॉयल के अंदर जो करंट बह रहा है वो डायरेक्टली रिलेटेड आया किस से, के अपॉन कितना था, ए बी इन टू फाई से, है ना। अगर एन टर्न्स होंगे, क्योंकि एन टर्न्स होंगे ना उसके अंदर, किसके अंदर, उसके अंदर एन टर्न्स होंगे, तो यहाँ पर एन भी आना चाहिए, क्योंकि कॉइल अपन बहुत बार रपेट लपेटा है अपन ने, एन बार उसको टर्न्स लिए हैं, तो एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पर एन भी आना चाहिए और इधर भी एन आना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्ट रिलेशन आ गया कि जैसे जैसे आई आप बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका जो रोटेशन है, फाई क्या है, रोटेशन, फाई क्या है, जो रोटेशन, जो कि स्प्रिंग रोटेट कर रही है,
तो जैसे जैसे आप आई बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका फाई बढ़ेगा। तो ये लीनियर रिलेशन आ गया। आप कह सकते हो कि जो आई है, जो आपका आई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फाई के। तो जैसे ही आपके पास ये रिलेशन आएगा, आप ये कह सकते हो कि जो हमारा ग्राफ होगा आई और फाई के बीच में, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वाई इक्वल्स टू एम एक्स वाली तो बात है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। तो अगर मैं कहूँ आपको, तो आप ये बोल सकते हो कि बिल्कुल छोटे से आई के लिए, बिल्कुल ये ज़ीरो के बिल्कुल पास में है, ज़ीरो प्लस पे है ये, तो भी ये जो फाई है ये आ जाएगा कुछ ना कुछ। और जैसे ही थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन आया, थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन आया, जो आपकी नीडल है वो घूम जाएगी। और जैसे ही थोड़ी सी नीडल घूमेगी, आपको पता चल जाएगा करंट थोड़ा सा पास कर गया। तो हल्के से हल्का करंट पे भी ये जो गैल्वेनोमीटर है डिफ्लेक्शन शो कर सकता है। बस ये किसकी एप्लीकेशन है। अब हम चलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। भाई देखो, गैल्वेनोमीटर कौन सा अच्छा होता है कि वो छोटा सा छोटा करंट भी नाप ले, है ना। मतलब अपने को पता नहीं चल रहा है, कोई डिवाइस चल नहीं रहा है उसके पर, फिर भी करंट बह रहा हो, उस करंट को भी हल्का सा करंट भी नाप ले गैल्वेनोमीटर, वही एक अच्छा गैल्वेनोमीटर है। तो क्या बोला गया है, द एबिलिटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर टू शो डिफ्लेक्शन व्हेन अ स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू इट। अच्छा गैल्वेनोमीटर वो होगा जो बिल्कुल छोटा सा भी करंट अगर उससे पास करा हो तो भी वो डिफ्लेक्शन शो कर दे। अब इसकी सेंसिटिविटी नापते कैसे है? दो सेंसिटिविटी होती है, एक होती करंट के सब रेस्पेक्ट में और एक होती वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। करंट की सेंसिटिविटी क्या होती है, उसको हम बोलते हैं फाई अपॉन, ये वही फाई है ना, एंगल फाई अपॉन आई से। अब देखो, अपन ने अभी निकाला था कि फाई अपॉन आई कितना आता है, आपका आपने अभी फॉर्मूला लिखा था ना, आई इक्वल्स टू आता है अपने पास के अपॉन एन आई एन ए बी इंटू फाई। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आई अपॉन फाई इज इक्वल्स टू के अपॉन एन ए बी। और यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो फाई अपॉन आई, चूँकि करंट सेंसिटिविटी होता है, वो होता है आपके पास एन ए बी अपॉन के। तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। अभी आपके पास करंट सेंसिटिविटी है, अब इसको आपको अगर इंक्रीज करना हो तो आप क्या करोगे? भाई ए तो कांस्टेंट है, क्योंकि एक कॉइल का एक एरिया कांस्टेंट होगा। बी मैग्नेटिक फील्ड तो आप अलग से निकाल रहे हो बाहर से, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। के जो होता है ये तो स्प्रिंग का कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। आप क्या कर सकते हो, आप इस एन को, जो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल्स के अंदर, उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो जैसे ही आप एन को इंक्रीज करोगे, आपका जो फाइव बाई आई की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि बाय इंक्रीजिंग करंट, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग एन, क्या लिखा है, बाय इंक्रीजिंग एन करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस। क्या बात समझ में आई? तो ये बात हमें क्लियर है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे लिखते हैं, फाई अपॉन वी से। अब देखो, यहाँ पर अगर मुझे फाई अपॉन वी लिखना हो तो मेरे पास फाई अपॉन आई की वैल्यू कितनी आई थी, फाई अपॉन आई की वैल्यू आई थी एन ए बी अपॉन के। कितनी आई थी, फाई अपॉन आई की वैल्यू आई थी एन ए बी अपॉन के। अब यहाँ से मेरे पास ओम्स लॉ से मुझे पता है कि जो आई होता है वो कितना होता है, वी अपॉन आर होता है। तो वी इक्वल्स टू हो गया आपके पास आई इंटू आर, ये हो गया आई की वैल्यू है वी अपॉन आर। तो आप लिखते हो यहाँ से फाई, आई की वैल्यू क्या है वी अपॉन आर इस इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन के। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्या, फाई अपॉन वी, ये आर ऊपर चला गया, आर ऊपर जाते आपको मिल जाएगा एन ए बी अपॉन के, ये आर ऊपर चला गया। यहाँ पर आर को इस साइड भेज दो, फाई अपॉन वी इज इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन के। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब अगर आपको फाई अपॉन वी को, मतलब करंट जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है, उसको आपको इंक्रीज करना हो, तो क्या आप एन को इंक्रीज करके बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सोच के देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा केस डिफरेंट है। अपन ने निकाला फाई अपॉन वी कितना होता है, एन ए बी अपॉन के इंटू आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप सोच के देखो, अगर आपने एन को बढ़ाया, जैसे मान लो आपका एन अभी 2 है ना, और आपने एन को कर दिया 4, डबल कर दिया, तो आपका रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप टर्न्स बढ़ाओगे, मतलब आपने क्या बढ़ा दिया, आपने लेंथ को भी बढ़ा दिया, आपने लेंथ को बढ़ाया तो आपका आर भी बढ़ गया, क्योंकि आर क्या होता है, आर होता है आपका रो एल अपॉन ए। तो जैसे आपने टर्न्स बनाए बढ़ाए, वैसे वैसे आपका वायर बढ़ गया, वायर बढ़ गया मतलब आपका लेंथ वायर की इंक्रीज हो गई, और जैसी लेंथ इंक्रीज हुई आपका आर भी
बढ़ गया। तो अगर आपने एन को डबल करा तो आपका आर भी डबल हो गया। तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे 2n कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स दुगने कर दिए, तो ए भी तो आ ही जाएगा सीधा, और नीचे पर रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो ये 2 से 2 फिर से कट जाएगा और वापस आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एन ए बी अपॉन के इंटू आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को अपन नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना, इंक्रीज नहीं कर सकते, बट अपन जो करंट सेंसिटिविटी होती है उसको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के अपन इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मेजरिंग डिवाइसेस पे। कौन से दो पॉपुलर मेजरिंग डिवाइसेस हैं, वो है एक एमीटर, है ना, और एक है वोल्ट मीटर। एमीटर किस काम में आता है, एमीटर आता है आपके पास आई करंट नापने में, और वोल्ट मीटर आता है आपके पास वोल्टेज नापने में। अब हम जो अभी गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे थे ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं हम किस में, इन दोनों में। पहले कन्वर्ट करेंगे एमीटर के अंदर, फिर वो गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर के अंदर। तो सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं हम एमीटर के अंदर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इन टू अमीटर। देखो अगर हमको इस सर्किट के अंदर, है ना, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपके पास एक वोल्टेज है ना ईएमएफ, ये आपका वी है मान लो, एक आर है आपका, ठीक है, यहाँ से करंट बह रहा है आई। अगर आपको इस आई को मेजर करना हो कितना है, तो आपको अमीटर लगाना पड़ेगा। अमीटर कहाँ पे लगाओगे, अमीटर लगाओगे आप इस सीरीज के अंदर, यहाँ पर कहीं लगाओगे, ताकि इसके अंदर से पूरा का पूरा करंट पास हो और ये इसको नाप सके। तो अमीटर कहाँ लगता है, हमेशा सीरीज में लगता है। ठीक है, अब अपन गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाते हैं। ठीक, अपन को क्या करना है, दो कंडीशंस लेते हैं, एक आपके पास ये है, एक आर ये है, ठीक है, और ये आपका वोल्टेज है वी वी, और ये आई, ये आर है। ठीक है, अब मैं अमीटर लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आर तो है एक, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा एक, जिसका रेजिस्टेंस आर जी होगा, है ना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये वी। ठीक है, अब ये दोनों केसेस डिफरेंट हो गए, दिक्कत क्या हुई, मुझे तो नापना था आई को, है ना, उसके लिए मैंने लगा दिया यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, है ना, रीडिंग नापने के लिए, एमीटर नापने के लिए। बट हुआ क्या कि यहाँ से जो अब करंट बहने लगा ना, वो चेंज हो गया, वो आई नॉट हो गया। आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट की वैल्यू होगी आपके पास वी अपॉन आर प्लस आर जी, है ना, ये दोनों सीरीज में हैं, दोनों सीरीज में हैं, तो आर प्लस आर जी हो जाएगा टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस। और ये जो आई होगा वो कितना होगा, आर अपॉन सॉरी वी अपॉन आर होगा। तो कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, ऑफकोर्स आप बोलोगे सर आई जो है वो आई नॉट से बड़ा है, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल रही है, मुझे एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल रही, मुझे तो आई को नापना था, पर क्या नप रहा है, आई नॉट नप रहा है। तो मेरा एम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर मुझे आई नॉट को इंक्रीज करके आई तक, आई की वैल्यू तक ले जाना है, भाई आई नॉट छोटा है आई बड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस आई नॉट को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आई तक पहुंचे। आई को इंक्रीज करने के लिए भाई वी तो कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है, मुझे आर जी को, ये जो आर जी है यहाँ पर, इसकी रेजिस्टेंस को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि ये वाली वैल्यू छोटी होगी, तो ये छोटी वैल्यू से डिवाइड हो गई कोई वैल्यू, तो ये इंक्रीज होगी। तो आर जी को इंक्रीज, आर जी को डिक्रीज करेंगे तो आई नॉट आपका इंक्रीज होगा, और कितना ज़्यादा आई के पास पहुँचेगा। ठीक है, तो मेरा एम क्या है, आर जी को डिक्रीज करना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक ट्रिक अपनाऊंगा, मैं क्या करूँगा कि ये आर है ना, ये तो आर ही था, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आर जी तो है ही, है ना, मैं एक शंट लगा दूंगा, क्या करूँगा, एक शंट इसके पैरेलल में लगा दूंगा, यहाँ एक एस है ना, इसको बोलते हैं शंट, क्या बोलते हैं, शंट। ठीक है, इस शंट का क्या काम है, यहाँ से फिर आई नॉट बह रहा है मान लो, है ना, इस शंट का क्या काम होगा, ये जो शंट है ना, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है, मतलब ये रेजिस्टेंस ही है ना, इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये आर जी से कम होगा। तो आप कहोगे सर फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, इस आर जी को हटा के सीधा एस यहाँ पर ही लगा दो, दिक्कत क्या है, यहाँ पर बात यह है कि अपने को यहाँ पर आर जी, ये जो वैल्यू है इसकी कंबाइंड वैल्यू, इसको डिक्रीज करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर एस लगाता, सीधा यहाँ पर एस लगाता था आर जी को हटा के, तो ठीक है वैल्यू तो कम हो जाती, आर जी से वैल्यू कम हो जाती, क्योंकि जो एस है वो आर जी से कम है। बट अभी ये कॉम्बिनेशन करने के बाद मेरे पास जो कंबाइंड वैल्यू आएगी वो और भी कम आएगी, क्योंकि आपको पता है, जैसे अगर एग्जाम्पल के लो कि अगर मैंने कोई रेजिस्टेंस लिया, ऐसे ये रेजिस्टेंस लिया मैंने 2 और ये रेजिस्टेंस लिया मैंने 1, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आएगा, भाई पैरेलल में तो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट,
तो ये आ जाएगा आपके पास, आप इसको निकालोगे तो आपके पास आएगा 2/3। तो आपके पास जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आया ना वो इन दोनों से भी कम आया, ये जो 2/3 आया कंबाइंड रेजिस्टेंस वो 2 से भी कम है और वो 1 से भी कम है। तो इसका मतलब है कि जब इन दोनों में से करंट बहेगा है ना, इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा मान लो आर नॉट, वो एस से तो कम होगा ही होगा, वो मतलब वो आर जी से तो कम होगा ही होगा, वो एस से भी कम होगा है ना। तो आप ये कह सकते हो कि मैंने एक ऐसा डायग्राम बिठाया कि जो आर नॉट है मेरे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट आप बोलो, जो आर इक्विवेलेंट आया वो एस से भी कम है और एस किससे कम है, आर जी से भी कम है। तो मेरा जो एम है वो अचीव हो गया, मैंने आर जी से उसको आर इक्विवेलेंट लेके आ गया, आर जी को मैंने डिक्रीज कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही है, बस एस को आप जितना नीचे ले जा सकते हो उतना नीचे ले जाओ, आर जी को भी आप जितना नीचे ले जा सकते हो उतना नीचे ले जाओ, तो कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, इन दोनों से कम आएगा। क्या बात समझ में आई कि यहाँ पर पैरेलली अपन ने शंट क्यों लगाया, ताकि कंबाइंड रेजिस्टेंस शंट से भी कम आए, ठीक बात। अच्छा अब इसका फिगर फिर से बना लो, हुआ क्या, ये आर, ये आर जी, ये शंट, ये वोल्टेज वी है ना, यहाँ से बह रहा है आई नॉट मान लो, ठीक है, यहाँ से आई, ये आई मानो यहाँ से, ये आर है, ये आपके पास एस है, ये आपके पास आर जी है, ये वी है, ठीक है। तो यहाँ से आई जा रहा है तो इधर से भी आई जाएगा, यहाँ से मान लो आई जी चला गया है ना, जो गैल्वेनोमीटर उसका रेजिस्टेंस है, आर जी गया, तो यहाँ से कितना जाएगा, किरचॉफ्स लॉ से आई माइनस आई जी। तो यहाँ से आप इक्वेशंस लिख सकते हो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बात करूँ तो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई जी इंटू आर जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है। वोल्टेज लगा दिया, सिंपल सा वोल्टेज लॉ लगाया मैंने, आई जी इंटू आर जी, आई जी इंटू आर जी होता ना ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो आई जी इंटू आर और ये आई माइनस आई जी इंटू इसका आर, तो ये कर दिया मैंने। अच्छा अब यहाँ से क्या आया आपके पास, ये आ गया आपके पास आई माइनस आई जी इज इक्वल्स टू आई जी आर जी अपॉन एस, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई आई इज इक्वल्स टू आई जी प्लस आई जी आर जी अपॉन एस। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो जो आई आपके पास आएगा वो आ जाएगा आई जी वन प्लस आर अपॉन आर जी अपॉन एस, तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है। और यहाँ से आप देख भी सकते हो कि जैसे जैसे आप जितना एस को डिक्रीज करता जाओगे, जितना आप एस को डिक्रीज करते जाओगे आपकी जो आई की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। और अपन यही तो चाहते थे कि जो इसमें से मैक्सिमम करंट जितना ओरिजिनल करंट फ्लो कर रहा था वे इतना ही बहे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमीटर। तो पैरेलली इसको अपन ने क्यों अरेंज करा था ये आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो आसान है। क्या बात समझ में आई? अब चलते हैं अपन वोल्ट मीटर की तरफ। तो नेक्स्ट अपने पास वोल्ट मीटर, अब देखो क्या लिखा हुआ है, कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि जब आपको किसी रेजिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना हो तो आप उसको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है, ये आपकी पैरेलल तो वोल्टेज वी है, ये आ रहा है और आपको यहाँ पर करंट निकालना है, इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैसे लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, आप लिखोगे वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ऐसे भी लिखोगे। तो आपका जो वी वन है, मान लो ये वी वन अपने पास जो अपने को वैल्यू चाहिए वो वी वन चाहिए है ना, वो कितनी आई, आई इंटू आर आई। अब आपने क्या करा, वोल्ट मीटर आपको नापना है ना आपको, तो वोल्ट मीटर आपने लगा दिया। वोल्ट मीटर लगाओगे तो क्या होगा, ये सीरीज ऐसे बन जाएगी, ये आर है, कहाँ पे लगाओगे, इसमें पैरेलल के अंदर, ये ऐसे लगाया और ये वी, ये ऐसे। अब इस बार यहाँ से आई करंट पास कर रहा है, बट हुआ क्या कि जैसे यहाँ पर आई आया थोड़ा सा आई इधर चला गया, आई वी इधर चला गया और थोड़ा यहाँ पर बच गया, आई माइनस आई वी यहाँ पर बच गया किरचॉफ्स लॉ से, ठीक है। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ, अब अगर मैं वोल्टेज नापूँ, जो ये वोल्टेज नापेगा वो कितना आएगा, आई माइनस आई वी इंटू आर, यही तो है ना। इन दोनों बीच के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जहाँ पे पहले आई करंट पूरा फ्लो कर रहा था तो आई इंटू आर, इस बार आई माइनस आई वी फ्लो कर रहा है तो आई माइनस आई वी इंटू आ, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्ट मीटर ने नापा वो कितना आया, वी टू इज इक्वल्स टू आई माइनस आई वी इन टू आर। तो आपके पास जो वी वन आया था वो कितना था, आई आर था, आपके पास जो वी टू आया वो कितना था, आई माइनस आई वी इन टू आर। तो कौन सा बड़ा है, आप बोलोगे सर ऑब्वियसली यही बड़ा है क्योंकि इसमें से छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है।
तो वी वन जो है वो वी टू से बड़ा है, इसका मतलब है अपने को वोल्ट मीटर लगा के एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल रही है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल रही। तो हम चाहेंगे कि ये वी टू जो है ये वी वन के बराबर हो इंक्रीज कर करके। ये इंक्रीज कैसे हो सकता है? ये इंक्रीज कब होगा? जब आप आई वी को बिल्कुल डिक्रीज कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आप इस जो ये जो आपकी ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, इसके अंदर से बिल्कुल आई वी जो है वो 10 to 0 हो जाए, है ना। 10 to 0 मतलब कोई करंट लगभग लगभग उसमें से कोई करंट पास करे ही ना, कोई करंट पास करे ही ना। इसका मतलब क्या है? आपने आर को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि आपने उसको लगभग लगभग इन्फिनाइट कर दिया आई इक्वल्स टू जीरो करने के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना वो ये रहेगा कि मैं इतना ज़्यादा वोल्टेज कर दूँ, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कर दूँ इस वायर के अंदर, इस ब्रांच के अंदर, कि इसमें से करंट जाने की कोशिश ही नहीं करे, सारा का सारा करंट इसमें से पास कर जाए, ताकि मेरी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट नपके आए। अब इसको गैल्वेनोमीटर से नापते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस है, मैं इसके पैरेलल में, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसके पैरेलल में आरजी यहाँ पर लगा दूंगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और ये वोल्टेज, ये वी, ये आर है हमेशा की तरह। तो यहाँ से आई गया, यहाँ पे ये आई जी चला गया इस ब्रांच के अंदर, इसके अंदर चला गया आई माइनस आई जी। अब सुनो ध्यान से, अब अगर मैं इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, किन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ तो कितना आएगा? वो आएगा मेरे पास वी इज इक्वल्स टू आई जी इंटू आर जी, इतना ही आएगा। मैं ये चाहता था कि इसके अंदर से करंट जो है, इस वायर के अंदर से जो करंट है वो लगभग लगभग जीरो हो जाए, पर जीरो तो हो नहीं सकता। 10 to 0 मतलब है ना, मैं आर को बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाला पोर्शन है, इसको मुझे इंक्रीज करना है। तो कैसे इंक्रीज कर सकता हूं? यहां पर सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगा देता हूं, ताकि वहां पर आर प्लस कुछ आ जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे? मल्टीप्लायर यूज करूंगा। क्या कर यूज करूंगा? मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे ये आर था आपके पास, यहाँ पर ये आर जी था, एक में मल्टीप्लायर सीरीज में, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर लगाना, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर लगाना, ये ऐसे लगा दूंगा मैं। अब इससे होगा क्या? देखो यहाँ पे जो करंट पहले जा रहा था ना, उसको अब ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस होगा, है ना। इसको बोलते हैं आर नॉट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। अब यहाँ से जो करंट जा रहा था पहले, उसको रेजिस्टेंस कितना मिला था? पहले आर जी ही मिल रहा था, इस बार उसको कितना मिल रहा है? आर जी प्लस आर नॉट मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो रहा है ना। और यही तो अपन चाहते थे कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो, ताकि जो वेलो जो आपका जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो। वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आप इस वी वन के करीब पहुँच पाएंगे, यही तो अपन चाहते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो आपका वोल्टेज आया वो कितना आया? आई जी, मान लो यहाँ से वापस आई जा रहा है, इधर से आई जी जा रहा है, इधर से आई माइनस आई जी जा रहा है। तो आप लिख सकते हो आई जी इंटू आर जी प्लस आर नॉट, है ना। जो आपका पहला वाला था जो वी, वो कितना था? आई जी वी इक्वल्स टू आई जी आर जी था। इस बार कितना हो गया? आई जी इंटू आर जी प्लस आर नॉट। तो ये आपने बढ़ा दिया ना आर नॉट लगा के, तो आपका वी भी बढ़ गया, और वी जैसे बढ़ेगा वैसे आपकी वो एक्यूरेट वैल्यू के आसपास पहुंचता चला जाएगा। तो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐसे अचीव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि जो आपका आर नॉट होता है, जो मल्टीप्लायर है, जैसे जैसे आप उसको इंक्रीज करते जाओगे, आपका जो वोल्टेज है वो भी आपका एक्यूरेट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वोल्ट मीटर भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर अपने जो अपने मेजरिंग डिवाइसेस थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने सारी डेरिवेशन आपको करा दी हैं, ठीक है। अब आपको बस एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वो होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।